भाग एक, सच्ची उदारता। संध्या का समय है, डूबने वाले सूर्य की सुनहरी किरणें रंगीन शीशों की आड़ से एक अंग्रेजी ढंग पर सजे हुए कमरे में झोंक रही हैं, जिससे सारा कमरा रंगीन हो रहा है। अंग्रेजी अड़न की मनोहर तस्वीरें जो दीवारों से लटक रही हैं, इस समय रंगीन वस्त्र धारण करके और भी सुंदर मालूम होती है। कमरे के बीचों बीच एक गोल मेज है, जिसके चारों तरफ नर्म मखमली गद्दों की रंगीन कुर्सियां बिछी हुई है। इनमें से एक कुर्सी पर एक युवा पुरुष सर नीचा किए हुए बैठा कुछ सोच रहा है। वह अति सुंदर और रूपवान पुरुष है, जिस पर अंग्रेजी काट के कपड़े बहुत भले मालूम होते हैं। उसके सामने मेज पर एक कागज है, जिसको वह बार बार देखता है। उसके चेहरे से ऐसा विदित होता है कि इस समय वह किसी गहरे सोच में डूबा हुआ है। थोड़ी देर तक वह इसी तरह पहलू बदलता रहा, फिर वह एकाएक उठा और कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में टहलने लगा, जिसमें मनोहर फूलों और पत्तों के गमले सजाकर धरे हुए थे। वह बरामदे से फिर कमरे में आया और कागज का टुकड़ा उठाकर बड़ी बेचैनी के साथ इधर उधर टहलने लगा। समय बहुत सुहावना था। माली फूलों की क्यारियों में पानी दे रहा था, एक तरफ साइज घोड़े को टहला रहा था। समय और स्थान दोनों ही बहुत रमणीक थे, परंतु वह अपने विचार में ऐसा लवलीन हो रहा था कि उसे इन बातों की बिल्कुल सुधी न थी। हाँ, उसकी गर्दन आप ही आप हिलाती थी और हाथ भी आप ही आप इशारे करते थे, जैसे वह किसी से बातें कर रहा हो। इसी बीच में एक बाइसिकल फाटक के अंदर आती हुई दिखाई दी और एक गोरा चिट्ठा आदमी कोट पतलून पहने, ऐनक लगाए, सिगार पीता, जूते चरमर करता उतर पड़ा और बोला, गुड इवनिंग अमृतराय। अमृतराय ने चौंक कर सर उठाया और बोले, ओ आप है मिस्टर दाननाथ, आइए बैठिए, आप आज जलसे में न दिखाई दिए। दाननाथ, कैसा जलसा? मुझे तो इसकी खबर भी नहीं। अमृतराय आश्चर्य से, आपको खबर ही नहीं? आज आगरा के लाला धनुषधारीलाल ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और विरोधियों के दौत खट्टे कर दिए। दाननाथ, ईश्वर जानता है मुझे जरा भी खबर न थी, नहीं तो मैं अवश्य आता। मुझे तो लाला साहब के व्याख्यानों के सुनने का बहुत दिनों से शौक है। मेरा अभाग्य था कि ऐसा अच्छा समय हाथ से निकल गया। किस बात पर व्याख्यान था? अमृतराय, जाति की उन्नति के सिवा दूसरी कौन सी बात हो सकती थी? लाला साहब ने अपना जीवन इसी काम के हेतु अर्पण कर दिया है। आज ऐसा सच्चा देशभक्त और निष्कास जाति सेवक इस देश में नहीं है। यह दूसरी बात है कि कोई उनके सिद्धांतों को माने या न माने, मगर उनके व्याख्यानों में ऐसा जादू होता है कि लोग आप ही आप खींचे चले आते हैं। मैंने लाला साहब के व्याख्यानों के सुनने का आनंद कई बार प्राप्त किया है, मगर आज की स्पीच में तो बात ही और थी। ऐसा जान पड़ता है कि उनकी जबान में जादू भरा है। शब्द वही होते हैं जो हम रोज काम में लाया करते हैं, विचार भी वही होते हैं जिनकी हमारे यहाँ प्रतिदिन चर्चा रहती है, मगर उनके बोलने का ढंग कुछ ऐसा अपूर्व है कि दिलों को लुभा लेता है। दाननाथ को ऐसी उत्तम स्पीच को न सुनने का अत्यंत शोक हुआ। बोले, यार मैं जन्म का अभागा हूँ, क्या अब फिर कोई व्याख्यान न होगा? अमृतराय, आशा तो नहीं है, क्योंकि लाला साहब लखनऊ जा रहे हैं, उधर से आगरा को चले जाएंगे, फिर नहीं मालूम कब दर्शन दें। दाननाथ, अपने कर्म की हीनता की क्या कहूँ, आपने उस स्पीच की कोई नकल की हो तो जरा दीजिए, उसी को देखकर जी को ढारस दूं। इस पर अमृतराय ने वही कागज का टुकड़ा, जिसको वे बार बार पढ़ रहे थे, दाननाथ के हाथ में रख दिया और बोले, स्पीच के बीच बीच में जो बातें मुझको सवार हो जाती है तो आगा पीछा कुछ नहीं सोचते। समझाने लगे, मित्र तुम कैसी लड़कपन की बातें करते हो, तुमको शायद अभी मालूम नहीं कि तुम कैसा भारी बोझ अपने सर पर ले रहे हो। जो रास्ता अभी तुमको साफ दिखाई दे रहा है वह कांटों से ऐसा भरा है कि एक एक पग धरना कठिन है। अमृतराय, अब तो जो होना हो सो हो, जो बात दिल में जम गई वह तम गई। मैं खूब जानता हूँ कि मुझको बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मगर आज मेरा हिसाब ऐसा बड़ा हुआ है कि मैं बड़े से बड़ा काम कर सकता हूँ और ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ। दाननाथ, ईश्वर आपके उत्साह को सदा बढ़ावे। मैं जानता हूँ कि आप जिस काम के लिए उद्योग करेंगे उसे अवश्य पूरा कर दिखाएंगे। मैं आपके इरादों में विघ्न डालना कदापि नहीं चाहता, मगर मनुष्य का धर्म है कि जिस काम में हाथ लगावे पहले उसका ऊंच नीच खूब विचार ले। अब प्रच्छन्न बातों से हटकर प्रत्यक्ष बातों की तरफ आइए। आप जानते हैं कि इस शहर के लोग सबके सब पुरानी लकीर के फकीर है। मुझे भय है कि सामाजिक सुधार का बीज यहाँ कदापि फल फूल न सकेगा, और फिर आपका सहायक भी कोई नजर नहीं आता, अकेले आप क्या बना लेंगे? शायद आपके दोस्त भी इस जोखिम के काम में आपका हाथ न बटा सके। चाहे आपको बुरा लगे, मगर मैं यह जरूर कहूंगा कि अकेले आप कुछ भी न कर सकेंगे।
अमृतराया ने अपने परम मित्र की बातों को सुनकर सा उठाया और बड़ी गंभीरता से बोले, दाननाथ, यह तुमको क्या हो गया है? क्या मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बोधेपन की बातें सुन रहा हूँ? तुम कहते हो अकेले क्या बना लोगे? अकेले आदमियों की कारगुजारियों से इतिहास भरे पड़े हैं। गौतम बुद्ध वह कौन था? एक जंगल का बसने वाला साधु जिसका सारे देश में कोई मददगार न था, मगर उसके जीवन ही में आधा हिंदुस्तान उसके पैरों पर सर धर चुका था। आपको कितने प्रमाण दूं? अकेले आदमियों से कौमों के नाम चल रहे हैं, कौमें मर गई है, आज उनका निशान भी बाकी नहीं, मगर अकेले आदमियों के नाम अभी तक जिंदा है। आप जानते हैं कि प्लेटो एक अमर नाम है, मगर आप में कितने ऐसे हैं जो यह जानते हों कि वह किस देश का रहने वाला है? दाननाथ समझदार आदमी थे, समझ गए कि अभी जोश नया है और समझाना बुझाना सब व्यर्थ होगा, मगर फिर भी जी न माना, एक बार और उलझना आवश्यक। अच्छी जान पड़ी मैंने उनको तुरंत नकल कर लिया, ऐसी जल्दी में लिखा है कि मेरे सिवा कोई दूसरा पढ़ भी न सकेगा। देखिए हमारी लापरवाही को कैसा आड़े हाथों लिया है। सज्जनों, हमारी इस दुर्दशा का कारण हमारी लापरवाही है। हमारी दशा उस रोगी की सी हो रही है जो औषधि को हाथ में लेकर देखता है मगर मुंह तक नहीं ले जाता। हाँ भाइयों, हम औंखें रचाते हैं मगर अंधे हैं, हम कान रखते हैं मगर बहरे हैं, हम जबान रखते हैं मगर गूंगे हैं। परंतु अब वह दिन नहीं रहे कि हमको अपनी जीत की बुराइयां न दिखाई देती हो। हम उनको देखते हैं और मन में उनसे घृणा भी करते हैं, मगर जब कोई समय आ जाता है तो हम उसी पुरानी लकीर पर जाते हैं और नए बातों को असंभव और अनहोनी समझकर छोड़ देते हैं। हमारे डोंगे का पार लगाना, जबकि मल्लाह ऐसे बाद और कादर है, कठिन ही नहीं प्रत्युत दुस्साध्य है। अमृतराय ने बड़े ऊंचे स्वरों में उस कागज को पढ़ा। जब वह चुप हुए तो दाननाथ ने कहा, नी संदेह बहुत ठीक कहा है, हमारी दशा के अनुकूल ही है। अमृतराय, मुझको रह रहकर अपने ऊपर क्रोध आता है कि मैंने सारी स्पीच क्यों ना नकल कर ली। अगर कहीं अंग्रेजी स्पीच होती तो सवेरा होते ही सारे समाचार पत्रों में छप जाती, नहीं तो शायद कहीं खुलासा रिपोर्ट छपे तो छपे। रुक कर तब मैं जलसे से लौट कर आया हूँ, तब से बराबर वही शब्द मेरे कान में गूंज रहे हैं। प्यारे मित्र, तुम मेरे विचारों को पहले से जानते हो, आज की स्पीच ने उनको और भी मजबूत कर दिया है। आज से मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने को जाति पर न्योछावर कर दूंगा, तन मन धन सब अपनी गिरी हुई जाति की उन्नति के निमित्त अर्पण कर दूंगा। अब तक मेरे विचार मुझ ही तक थे, पर अब वे प्रत्यक्ष होंगे। अब तक मेरा हृदय दुर्बल था, मगर आज इसमें कई दिलों का बल आ गया है। मैं खूब जानता हूँ कि मैं कोई उच्च पदवी नहीं रखता हूँ, मेरी जायदाद भी कुछ अधिक नहीं है, मगर मैं अपनी सारी जमा जथा अपने देश के उद्वार के लिए लगा दूंगा। अब इस प्रतिज्ञा से कोई मुझको डिगा नहीं सकता। जोश से ऐ थक कर बैठी हुई कौम, ले तेरी दुर्दशा पर आंसू बहाने वालों में एक दुखियारा और बड़ा इस बात का न्याय करना कि तुझको इस दुखियारे से कोई लाभ भागा या नहीं, समय पर छोड़ता हूँ। यह कहकर अमृतराय जमीन की ओर देखने लगे। दाननाथ, जो उनके बचपन के साथी थे और उनके स्वभाव से भली भांति परिचित थे कि जब उनको कोई धुन मालूम हुआ, बोले, अच्छा मैंने मान लिया कि अकेले लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं और आप भी अपनी जाति का कुछ न कुछ भला कर लेंगे, मगर यह तो सोचिए कि आप उन लोगों को कितना दुख पहुंचाएंगे जिनका आपसे कोई नाता है। प्रेमा से बहुत जल्द आपका विवाह होने वाला है। आप जानते हैं कि उसके माँ बाप परले सिरे के कट्टर हिंदू है। जब उनको आपकी अंग्रेजी पोशाक और खाने पीने पर शिकायत है तो बतलाए जब आप सामाजिक सुधार पर कमर बांधेंगे तब उनका क्या हाल होगा। शायद आपको प्रेमा से हाथ धोना पड़े। दाननाथ का यह इशारा कलेजे में चुभ गया। दो तीन मिनट तक वह सन्नाटे में जमीन की तरफ ताकते रहे। जब सर उठाया तो आंखें लाल थीं और उनमें आंसू डिब्बाए थे। बोले, मित्र, कौम की भलाई करना साधारण काम नहीं है। यद्यपि पहले मैंने इस विषय पर ध्यान न दिया था, फिर भी मेरा दिल इस वक्त ऐसा मजबूत हो रहा है कि जाति के लिए हर एक दुख भोगने को मैं कटिबद्ध हूँ। इसमें संदेह नहीं कि प्रेमा से मुझको बहुत ही प्रेम था। मैं उस पर जान देता था और अगर कोई समय ऐसा आता कि मुझको उसका पति बनने का आनंद मिलता तो मैं साबित करता कि प्रेम इसको कहते हैं। मगर अब प्रेमा की मोहनी मूरत मुझ पर अपना जादू नहीं चला सकती। जो देश और जाति के नाम पर बिक गया उसके दिल में कोई दूसरी चीज जगह नहीं पा सकती। देखिए यह वह फोटो है जो अब तक बराबर मेरे सीने से लगा रहता था। आज इससे भी अलग होता हूँ, यह कहते कहते तस्वीर जेब से निकली और उसके पुर्जे पुर्जे कर डाले। प्रेमा को जब मालूम होगा कि अमृतराय अब जाति पर जान देने लगा, उसके दिन में अब किसी नवयौवना की जगह नहीं रही, तो वह मुझे क्षमा कर देगी। दाननाथ ने अपने दोस्त के हाथों से तस्वीर छीन लेना चाही।
मगर ना पा सके। बोले, अमृतराय, बड़े शोक की बात है कि तुमने उस सुंदरी की तस्वीर की यह दशा की जिसकी तुम खूब जानते हो कि तुम पर मोहित है। तुम कैसे निठुर हो। यह वही सुंदरी है जिससे शादी करने का तुम्हारे वैकुंठवासी पिता ने आग्रह किया था और तुमने खुद भी कई बार बात हारी। क्या तुम नहीं जानते कि विवाह का समय अब बहुत निकट आ गया है। ऐसे वक्त में तुम्हारा इस तरह मुंह मोड़ लेना उस बेचारी के लिए बहुत ही शुकदायक होगा। इन बातों को सुनकर अमृतराय का चेहरा बहुत मलिन हो गया। शायद वे इस तरह तस्वीर के फाड़ देने का कुछ पछतावा करने लगे, मगर जिस बात पर अड़ गए थे उस पर अड़े ही रहे। इन्हीं बातों में सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा छा गया। दाननाथ उठ खड़े हुए, अपनी बाइसिकल संभाली और चलते चलते यह कहा, मिस्टर राय, खूब सोच लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आओ आज तुमको गंगा की सैर करा लाए। मैंने एक बजरा किराए पर ले रखा है, उस पर चौदनी रात में बड़ी बहार रहेगी। अमृतराय, इस समय आप मुझको क्षमा कीजिए, फिर मिलूंगा। दाननाथ तो यह बातचीत करके अपने मकान को रवाना हुए और अमृतराय उसी अंधेरे में बड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहे। वह नहीं मालूम क्या सोच रहे थे। जब अंधेरा अधिक हुआ तो वह जमीन पर बैठ गए। उन्होंने उस तस्वीर के पुर्जे सब एक एक करके चुन लिए, उनको बड़े प्यार से सीने में लगा लिया और कुछ सोचते हुए कमरे में चले गए। बाबू अमृतराय शहर के प्रतिष्ठित रईसों में समझे जाते थे। वकालत का पेशा कई पुश्तों से चला आता था, खुद भी वकालत पास कर चुके थे। और यद्यपि वकालत अभी तक चमकी न थी, मगर बाप दादे ने नाम ऐसा कमाया था कि शहर के बड़े बड़े रईस भी उनका दाव मानते थे। अंग्रेजी कॉलेज में इनकी शिक्षा हुई थी और यह अंग्रेजी सभ्यता के प्रेमी थे। जब तक बाप जीते थे तब तक कोट पतलून पहनते तनिक डरते थे, मगर उनका देहांत होते ही खुल पड़े। चीक नदी के समीप एक सुंदर स्थान पर कोठी बनवाई, उसको बहुत कुछ खर्च करके अंग्रेजी रीति पर सजाया और अब उसी में रहते थे। ईश्वर की कृपा से किसी चीज की कमी न थी। धन द्रव्य, गाड़ी घोड़े सभी मौजूद थे। अमृतराय को किताबों से बहुत प्रेम था। मुमकिन न था कि नई किताब प्रकाशित हो और उनके पास न आवे। उत्तम कलाओं से भी उनकी तबीयत को बहुत लगाव था। गान विद्या पर तो वे जान देते थे। गो की वकालत पास कर चुके थे, मगर अभी वह विवाह नहीं हुआ था। उन्होंने ठान लिया था कि जब वह वकालत खूब न चलने लगेगी तब तक विवाह न करूंगा। उस शहर के रईस लाला बदरी प्रसाद साहब उनको कई साल से अपनी इकलौती लड़की प्रेमा के वास्ते चुन बैठे थे। प्रेमा अति सुंदर लड़की थी और पढ़ने लिखने सीने पिरोने में निपुण थी। अमृतराय के इशारे से उसको थोड़ी सही अंग्रेजी भी पढ़ा दी गई थी, जिसने उसके स्वभाव में थोड़ी सी स्वतंत्रता पैदा कर दी थी। मुंशी जी ने बहुत कहने सुनने से दोनों प्रेमियों को चिट्ठी पत्री लिखने की आज्ञा दे दी थी और शायद आपस में तस्वीरों की भी अदला बदली हो गई थी। बाबू दाननाथ अमृतराय के बचपन के साथियों में से थे। कॉलेज में भी दोनों का साथ रहा, वकालत भी साथ पास की और दो मित्रों में जैसी सच्ची प्रीति हो सकती है वह उनमें थी। कोई बात ऐसी न थी जो एक दूसरे के लिए उठा रखे। दाननाथ ने एक बार प्रेमा को महताबी पर खड़े देख लिया था। उसी वक्त से वह दिल में प्रेमा की पूजा किया करता था, मगर यह बात कभी उसकी जबान पर नहीं आई। वह दिल ही दिल में घुटकर रह जाता। सैकड़ों बार उसकी स्वार्थ दृष्टि ने उसे उभारा था कि तू कोई चाल चलकर बदरी प्रसाद का मन अमृतराय से फेर दे, परंतु उसने हर बार इस कमीनेपन के ख्याल को दबाया था। वह स्वभाव का बहुत निर्मल और आचरण का बहुत शुद्ध था। वह मर जाना पसंद करता, मगर किसी को हानि पहुंचाकर अपना मनोरथ कदापि पूरा नहीं कर सकता था। यह भी न था कि वह केवल दिखाने के लिए अमृतराय से मेल रखता हो और दिल में उनसे जलता हो। वह उनके साथ सच्चे मित्र भाव का बर्ताव करता था। आज भी जब अमृतराय ने उससे अपने इरादे जाहिर किए तब उसे इन सच्चे दिल से उनको समझाकर ऊंच नीच सुझाया, मगर इसका जो कुछ असर हुआ हम पहले दिखा चुके हैं। उसने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम रिफॉर्मरों की मंडली में मिलोगे तो प्रेमा से हाथ धोना पड़ेगा, मगर अमृतराय ने एक न सुनी। मित्र का जो धर्म है वह दाननाथ ने पूरा कर दिया, मगर जब उसने देखा कि यह अपने अनुष्ठान पर अड़े ही रहेगे तो उसको कोई वजह न मालूम हुई कि मैं यह सब बातें बद्री प्रसाद से बयान करके क्यों न प्रेमा का पति बनने का उद्योग करूं। यहां से वह यही सब बातें सोचते विचारते घर पर आए, कोट पतलून उतार दिया और सीधे सादे कपड़े पहन मुंशी बदरी प्रसाद के मकान को रवाना हुए। इस वक्त उसके दिन की जो हालत हो रही थी बयान नहीं की जा सकती। कभी यह विचार आता कि मेरा इस तरह जाना लोगों को मुझसे नाराज न कर दे, मुझे लोग स्वार्थी न समझने लगे, फिर सोचता कि कहीं अमृतराय अपना इरादा पलट दे और आश्चर्य नहीं कि ऐसा ही हो तो मैं कहीं मुंह दिखाने योग्य न रहूंगा। मगर यह सोचते सोचते जब प्रेमा की मोहनी मूरत औख के सामने आ गई तब यह सब शंकाएं दूर हो गई
और वह बदरी प्रसाद के मकान पर बातें करते दिखाई दिए। भाग एक, सच्ची उदारता। संध्या का समय है, डूबने वाले सूर्य की सुनहरी किरणें रंगीन शीशों की आड़ से एक अंग्रेजी ढंग पर सजे हुए कमरे में झोंक रही हैं, जिससे सारा कमरा रंगीन हो रहा है। अंग्रेजी अड़न की मनोहर तस्वीरें जो दीवारों से लटक रही हैं, इस समय रंगीन वस्त्र धारण करके और भी सुंदर मालूम होती है। कमरे के बीचों बीच एक गोल मेज है, जिसके चारों तरफ नरम मखमली गद्दों की रंगीन कुर्सियों बिछी हुई है। इनमें से एक कुर्सी पर एक युवा पुरुष सर नीचा किए हुए बैठा कुछ सोच रहा है। वह अति सुंदर और रूपवान पुरुष है, जिस पर अंग्रेजी काट के कपड़े बहुत भले मालूम होते हैं। उसके सामने मेज पर एक कागज है, जिसको वह बार बार देखता है। उसके चेहरे से ऐसा विदित होता है कि इस समय वह किसी गहरे सोच में डूबा हुआ है। थोड़ी देर तक वह इसी तरह पहलू बदलता रहा, फिर वह एकाएक उठा और कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में टहलने लगा, जिसमें मनोहर फूलों और पत्तों के गमले सजाकर धरे हुए थे। वह बरामदे से फिर कमरे में आया और कागज का टुकड़ा उठाकर बड़ी बेचैनी के साथ इधर उधर टहलने लगा। समय बहुत सुहावना था। माली फूलों की क्यारियों में पानी दे रहा था, एक तरफ साइज घोड़े को टहला रहा था। समय और स्थान दोनों ही बहुत रमणीक थे, परंतु वह अपने विचार में ऐसा लवलीन हो रहा था कि उसे इन बातों की बिल्कुल सुधि न थी। हाँ, उसकी गर्दन आप ही आप हिलाती थी और हाथ भी आप ही आप इशारे करते थे, जैसे वह किसी से बातें कर रहा हो। इसी बीच में एक बाइसिकल फाटक के अंदर आती हुई दिखाई दी और एक गोरा चिट्ठा आदमी कोट पतलून पहने, ऐनक लगाए, सिगार पीता, जूते चरमर करता उतर पड़ा और बोला, गुड इवनिंग अमृतराय। अमृतराय ने चौंककर सर उठाया और बोले, ओ आप हैं मिस्टर दाननाथ, आइए बैठिए, आप आज जलसे में न दिखाई दिए। दाननाथ, कैसा जलसा? मुझे तो इसकी खबर भी नहीं। अमृतराय आश्चर्य से, ऐं आपको खबर ही नहीं? आज आगरा के लाला धनुषधारीलाल ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और विरोधियों के दौत खट्टे कर दिए। दाननाथ, ईश्वर जानता है मुझे जरा भी खबर न थी, नहीं तो मैं अवश्य आता। मुझे तो लाला साहब के व्याख्यानों के सुनने का बहुत दिनों से शौक है। मेरा अभाग्य था कि ऐसा अच्छा समय हाथ से निकल गया। किस बात पर व्याख्यान था? अमृतराय, जाति की उन्नति के सिवा दूसरी कौन सी बात हो सकती थी? लाला साहब ने अपना जीवन इसी काम के हेतु अर्पण कर दिया है। आज ऐसा सच्चा देशभक्त और निष्कास जाति सेवक इस देश में नहीं है। यह दूसरी बात है कि कोई उनके सिद्धांतों को माने या न माने, मगर उनके व्याख्यानों में ऐसा जादू होता है कि लोग आप ही आप खींचे चले आते हैं। मैंने लाला साहब के व्याख्यानों के सुनने का आनंद कई बार प्राप्त किया है, मगर आज की स्पीच में तो बात ही और थी। ऐसा जान पड़ता है कि उनकी जबान में जादू भरा है। शब्द वही होते हैं जो हम रोज काम में लाया करते हैं, विचार भी वही होते हैं जिनकी हमारे यहाँ प्रतिदिन चर्चा रहती है, मगर उनके बोलने का ढंग कुछ ऐसा अपूर्व है कि दिलों को लुभा लेता है। दाननाथ को ऐसी उत्तम स्पीच को न सुनने का अत्यंत शोक हुआ। बोले, यार मैं जन्म का अभागा हूँ, क्या अब फिर कोई व्याख्यान न होगा? अमृतराय, आशा तो नहीं है, क्योंकि लाला साहब लखनऊ जा रहे हैं, उधर से आगरा को चले जाएंगे, फिर नहीं मालूम कब दर्शन दें। दाननाथ, अपने कर्म की हीनता की क्या कहूँ, आपने उस स्पीच की कोई नकल की हो तो जरा दीजिए, उसी को देखकर जी को ढारस दूं। इस पर अमृतराय ने वही कागज का टुकड़ा, जिसको वे बार बार पढ़ रहे थे, दाननाथ के हाथ में रख दिया और बोले, स्पीच के बीच बीच में जो बातें मुझको सवार हो जाती है तो आगा पीछा कुछ नहीं सोचते। समझाने लगे, मित्र तुम कैसी लड़कपन की बातें करते हो, तुमको शायद अभी मालूम नहीं कि तुम कैसा भारी बोझ अपने सर पर ले रहे हो। जो रास्ता अभी तुमको साफ दिखाई दे रहा है वह कांटों से ऐसा भरा है कि एक एक पग धरना कठिन है। अमृतराय, अब तो जो होना हो सो हो, जो बात दिल में जम गई वह तम गई। मैं खूब जानता हूँ कि मुझको बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मगर आज मेरा हिसाब ऐसा बड़ा हुआ है कि मैं बड़े से बड़ा काम कर सकता हूँ और ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ। दाननाथ, ईश्वर आपके उत्साह को सदा बढ़ावे। मैं जानता हूँ कि आप जिस काम के लिए उद्योग करेंगे उसे अवश्य पूरा कर दिखाएंगे। मैं आपके इरादों में विघ्न डालना कदापि नहीं चाहता, मगर मनुष्य का धर्म है कि जिस काम में हाथ लगावे पहले उसका ऊंच नीच खूब विचार ले। अब प्रच्छन्न बातों से हटकर प्रत्यक्ष बातों की तरफ आइए। आप जानते हैं कि इस शहर के लोग सबके सब पुरानी लकीर के फकीर है। मुझे भय है कि सामाजिक सुधार का बीज यहाँ कदापि फल फूल न सकेगा, और फिर आपका सहायक भी कोई नजर नहीं आता। अकेले आप क्या बना लेंगे? शायद आपके दोस्त भी इस जोखिम के काम में आपका हाथ न बटा सके। चाहे आपको बुरा लगे, मगर मैं यह जरूर कहूंगा कि अकेले आप कुछ भी न कर सकेंगे।
अमृतराय ने अपने परम मित्र की बातों को सुनकर सा उठाया और बड़ी गंभीरता से बोले, दाननाथ, यह तुमको क्या हो गया है? क्या मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बोधेपन की बातें सुन रहा हूँ? तुम कहते हो अकेले क्या बना लोगे? अकेले आदमियों की कारगुजारियों से इतिहास भरे पड़े हैं। गौतम बुद्ध वह कौन था? एक जंगल का बसने वाला साधु जिसका सारे देश में कोई मददगार न था, मगर उसके जीवन ही में आधा हिंदुस्तान उसके पैरों पर सर धर चुका था। आपको कितने प्रमाण दूं? अकेले आदमियों से कौमों के नाम चल रहे हैं, कौमें मर गई है, आज उनका निशान भी बाकी नहीं, मगर अकेले आदमियों के नाम अभी तक जिंदा है। आप जानते हैं कि प्लेटो एक अमर नाम है, मगर आप में कितने ऐसे हैं जो यह जानते हों कि वह किस देश का रहने वाला है? दाननाथ समझदार आदमी थे, समझ गए कि अभी जोश नया है और समझाना बुझाना सब व्यर्थ होगा, मगर फिर भी जी न माना, एक बार और उलझना आवश्यक। अच्छी जान पड़ी मैंने उनको तुरंत नकल कर लिया, ऐसी जल्दी में लिखा है कि मेरे सिवा कोई दूसरा पढ़ भी न सकेगा। देखिए हमारी लापरवाही को कैसा आड़े हाथों लिया है। सज्जनों, हमारी इस दुर्दशा का कारण हमारी लापरवाही है। हमारी दशा उस रोगी की सी हो रही है जो औषधि को हाथ में लेकर देखता है मगर मुंह तक नहीं ले जाता। हाँ भाइयों, हम औखे रचाते हैं मगर अंधे हैं, हम कान रखते हैं मगर बहरे हैं, हम जबान रखते हैं मगर गूंगे हैं। परंतु अब वह दिन नहीं रहे कि हमको अपनी जीत की बुराइयां न दिखाई देती हो। हम उनको देखते हैं और मन में उनसे घृणा भी करते हैं, मगर जब कोई समय आ जाता है तो हम उसी पुरानी लकीर पर जाते हैं और नए बातों को असंभव और अनहोनी समझकर छोड़ देते हैं। हमारे डोंगे का पार लगाना, जबकि मल्ला ऐसे बाद और कादर है, कठिन ही नहीं प्रत्युत दुस्साध्य है। अमृतराय ने बड़े ऊंचे स्वरों में उस कागज को पढ़ा। जब वह चुप हुए तो दाननाथ ने कहा, नी संदेह बहुत ठीक कहा है, हमारी दशा के अनुकूल ही है। अमृतराय, मुझको रह रहकर अपने ऊपर क्रोध आता है कि मैंने सारी स्पीच क्यों ना नकल कर ली। अगर कहीं अंग्रेजी स्पीच होती तो सवेरा होते ही सारे समाचार पत्रों में छप जाती, नहीं तो शायद कहीं खुलासा रिपोर्ट छपे तो छपे। रुक कर तब मैं जलसे से लौट कर आया हूँ, तब से बराबर वही शब्द मेरे कान में गूंज रहे हैं। प्यारे मित्र, तुम मेरे विचारों को पहले से जानते हो, आज की स्पीच ने उनको और भी मजबूत कर दिया है। आज से मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने को जाति पर न्योछावर कर दूंगा, तन मन धन सब अपनी गिरी हुई जाति की उन्नति के निमित्त अर्पण कर दूंगा। अब तक मेरे विचार मुझ ही तक थे, पर अब वे प्रत्यक्ष होंगे। अब तक मेरा हृदय दुर्बल था, मगर आज इसमें कई दिलों का बल आ गया है। मैं खूब जानता हूँ कि मैं कोई उच्च पदवी नहीं रखता हूँ, मेरी जायदाद भी कुछ अधिक नहीं है, मगर मैं अपनी सारी जमा जथा अपने देश के उद्वार के लिए लगा दूंगा। अब इस प्रतिज्ञा से कोई मुझको डिगा नहीं सकता। जोश से ऐथक कर बैठी हुई कौम, ले तेरी दुर्दशा पर औसु बहाने वालों में एक दुखियारा और बड़ा, इस बात का न्याय करना कि तुझको इस दुखियारे से कोई लाभ भागा या नहीं, समय पर छोड़ता हूँ। यह कहकर अमृतराय जमीन की ओर देखने लगे। दाननाथ, जो उनके बचपन के साथी थे और उनके बचपन के साथी थे और उनके स्वभाव से भली भांति परिचित थे कि जब उनको कोई धुन मालूम हुआ, बोले, अच्छा मैंने मान लिया कि अकेले लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं और आप भी अपनी जाति का कुछ न कुछ भला कर लेंगे, मगर यह तो सोचिए कि आप उन लोगों को कितना दुख पहुंचाएंगे जिनका आपसे कोई नाता है। प्रेमा से बहुत जल्द आपका विवाह होने वाला है, आप जानते हैं कि उसके माँ बाप परले सिरे के कट्टर हिंदू है। जब उनको आपकी अंग्रेजी पोशाक और खाने पीने पर शिकायत है तो बतलाए जब आप सामाजिक सुधार पर कमर बांधेंगे तब उनका क्या हाल होगा, शायद आपको प्रेमा से हाथ धोना पड़े। दाननाथ का यह इशारा कलेजे में चुभ गया। 2-3 मिनट तक वह सन्नाटे में जमीन की तरफ ताकते रहे, जब सर उठाया तो औंखें लाल थीं और उनमें आंसू डिब्बाए थे। बोले, मित्र, कौम की भलाई करना साधारण काम नहीं है। यद्यपि पहले मैंने इस विषय पर ध्यान न दिया था, फिर भी मेरा दिल इस वक्त ऐसा मजबूत हो रहा है कि जाति के लिए हर एक दुख भोगने को मैं कटिबद्ध हूँ। इसमें संदेह नहीं कि प्रेमा से मुझको बहुत ही प्रेम था, मैं उस पर जान देता था और अगर कोई समय ऐसा आता कि मुझको उसका पति बनने का आनंद मिलता तो मैं साबित करता कि प्रेम इसको कहते हैं। मगर अब प्रेमा की मोहनी मूरत मुझ पर अपना जादू नहीं चला सकती। जो देश और जाति के नाम पर बिक गया उसके दिल में कोई दूसरी चीज जगह नहीं पा सकती। देखिए यह वह फोटो है जो अब तक बराबर मेरे सीने से लगा रहता था, आज इससे भी अलग होता हूँ। यह कहते कहते तस्वीर जेब से निकली और उसके पुर्जे पुर्जे कर डाले। प्रेमा को जब मालूम होगा कि अमृतराय अब जाति पर जान देने लगा, उसके दिन में अब किसी नवयौवना की जगह नहीं रही, तो वह मुझे क्षमा कर देगी। दाननाथ ने अपने दोस्त के हाथों से तस्वीर छीन लेना चाही।
मगर न पा सके। बोले अमृतराय, बड़े शोक की बात है कि तुमने उस सुंदरी की तस्वीर की यह दशा की जिसकी तुम खूब जानते हो कि तुम पर मोहित है। तुम कैसे निठुर हो। यह वही सुंदरी है जिससे शादी करने का तुम्हारे वैकुंठवासी पिता ने आग्रह किया था और तुमने खुद भी कई बार बात हारी। क्या तुम नहीं जानते कि विवाह का समय अब बहुत निकट आ गया है। ऐसे वक्त में तुम्हारा इस तरह मुंह मोड़ लेना उस बेचारी के लिए बहुत ही शोकदायक होगा। इन बातों को सुनकर अमृतराय का चेहरा बहुत मलिन हो गया। शायद वे इस तरह तस्वीर के फाड़ देने का कुछ पछतावा करने लगे, मगर जिस बात पर अड़ गए थे उस पर अड़े ही रहे। इन्हीं बातों में सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा छा गया। दाननाथ उठ खड़े हुए, अपनी बाइसिकल संभाली और चलते चलते यह कहा, मिस्टर राय, खूब सोच लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आओ आज तुमको गंगा की सैर करा लाए। मैंने एक बजरा किराए पर ले रखा है, उस पर चौदनी रात में बड़ी बहार रहेगी। अमृतराय, इस समय आप मुझको क्षमा कीजिए, फिर मिलूंगा। दाननाथ तो यह बातचीत करके अपने मकान को रवाना हुए और अमृतराय उसी अंधेरे में बड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहे। वह नहीं मालूम क्या सोच रहे थे। जब अंधेरा अधिक हुआ तो वह जमीन पर बैठ गए। उन्होंने उस तस्वीर के पुर्जे सब एक एक करके चुन लिए, उनको बड़े प्यार से सीने में लगा लिया और कुछ सोचते हुए कमरे में चले गए। बाबू अमृतराय शहर के प्रतिष्ठित रईसों में समझे जाते थे। वकालत का पेशा कई पुश्तों से चला आता था, खुद भी वकालत पास कर चुके थे। और यद्यपि वकालत अभी तक चमकी न थी, मगर बाप दादे ने नाम ऐसा कमाया था कि शहर के बड़े बड़े रईस भी उनका दाव मानते थे। अंग्रेजी कॉलेज में इनकी शिक्षा हुई थी और यह अंग्रेजी सभ्यता के प्रेमी थे। जब तक बाप जीते थे तब तक कोट पतलून पहनते तनिक डरते थे, मगर उनका देहांत होते ही खुल पड़े। चीक नदी के समीप एक सुंदर स्थान पर कोठी बनवाई, उसको बहुत कुछ खर्च करके अंग्रेजी रीति पर सजाया और अब उसी में रहते थे। ईश्वर की कृपा से किसी चीज की कमी न थी। धन द्रव्य, गाड़ी घोड़े सभी मौजूद थे। अमृतराय को किताबों से बहुत प्रेम था। मुमकिन न था कि नई किताब प्रकाशित हो और उनके पास न आवे। उत्तम कलाओं से भी उनकी तबीयत को बहुत लगाव था। गान विद्या पर तो वे जान देते थे। गो की वकालत पास कर चुके थे, मगर अभी वह विवाह नहीं हुआ था। उन्होंने ठान लिया था कि जब वह वकालत खूब न चलने लगेगी तब तक विवाह न करूंगा। उस शहर के रईस लाला बदरी प्रसाद साहब उनको कई साल से अपनी इकलौती लड़की प्रेमा के वास्ते चुन बैठे थे। प्रेमा अति सुंदर लड़की थी और पढ़ने लिखने सीने पिरोने में निपुण थी। अमृतराय के इशारे से उसको थोड़ी सही अंग्रेजी भी पढ़ा दी गई थी, जिसने उसके स्वभाव में थोड़ी सी स्वतंत्रता पैदा कर दी थी। मुंशी जी ने बहुत कहने सुनने से दोनों प्रेमियों को चिट्ठी पत्री लिखने की आज्ञा दे दी थी और शायद आपस में तस्वीरों की भी अदला बदली हो गए थी। बाबू दाननाथ अमृतराय के बचपन के साथियों में से थे। कॉलेज में भी दोनों का साथ रहा, वकालत भी साथ पास की और दो मित्रों में जैसी सच्ची प्रीति हो सकती है वह उनमें थी। कोई बात ऐसी न थी जो एक दूसरे के लिए उठा रखे। दाननाथ ने एक बार प्रेमा को महताबी पर खड़े देख लिया था। उसी वक्त से वह दिल में प्रेमा की पूजा किया करता था, मगर यह बात कभी उसकी जबान पर नहीं आई। वह दिल ही दिल में घुटकर रह जाता। सैकड़ों बार उसकी स्वार्थ दृष्टि ने उसे उभारा था कि तू कोई चाल चलकर बदरी प्रसाद का मन अमृतराय से फेर दे, परंतु उसने हर बार इस कमीनेपन के ख्याल को दबाया था। वह स्वभाव का बहुत निर्मल और आचरण का बहुत शुद्व था। वह मर जाना पसंद करता, मगर किसी को हानि पहुंचाकर अपना मनोरथ कदापि पूरा नहीं कर सकता था। यह भी न था कि वह केवल दिखाने के लिए अमृतराय से मेल रखता हो और दिल में उनसे जलता हो। वह उनके साथ सच्चे मित्र भाव का बर्ताव करता था। आज भी जब अमृतराय ने उससे अपने इरादे जाहिर किए तब उसे इन सच्चे दिल से उनको समझाकर ऊंच नीच सुझाया, मगर इसका जो कुछ असर हुआ हम पहले दिखा चुके हैं। उसने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम रिफॉर्मरों की मंडली में मिलोगे तो प्रेमा से हाथ धोना पड़ेगा, मगर अमृतराय ने एक न सुनी। मित्र का जो धर्म है वह दाननाथ ने पूरा कर दिया, मगर जब उसने देखा कि यह अपने अनुष्ठान पर अड़े ही रहेंगे तो उसको कोई वजह न मालूम हुई कि मैं यह सब बातें बद्री प्रसाद से बयान करके क्यों न प्रेमा का पति बनने का उद्योग करूं। यहां से वह यही सब बातें सोचते विचारते घर पर आए, कोट पतलून उतार दिया और सीधे सादे कपड़े पहन मुंशी बदरी प्रसाद के मकान को रवाना हुए। इस वक्त उसके दिन की जो हालत हो रही थी बयान नहीं की जा सकती। कभी यह विचार आता कि मेरा इस तरह जाना लोगों को मुझसे नाराज न कर दे, मुझे लोग स्वार्थी न समझने लगे, फिर सोचता कि कहीं अमृतराय अपना इरादा पलट दें और आश्चर्य नहीं कि ऐसा ही हो तो मैं कहीं मुंह दिखाने योग्य न रहूंगा। मगर यह सोचते सोचते जब प्रेमा की मोहनी मूरत औख के सामने आ गई तब यह सब शंकाएं दूर हो गई।
और वह बदरी प्रसाद के मकान पर बातें करते दिखाई दिए। भाग तीन, झूठे मददगार। बाबू अमृतराय रात भर करवटे बदलते रहे। ज्यों ज्यों उन्होंने अपने नए इरादों और नई उमंगों पर विचार किया, त्यों त्यों उनका दिल और भी दृढ़ होता गया और भोर होते होते देशभक्ति का जोश उनके दिल में लहरें मारने लगा। पहले कुछ देर तक प्रेमा से नाता टूट जाने की चिंता इस लहर पर बौद्ध का काम करती रही, मगर अंत में लहरें ऐसी उठी कि वह बौद्ध टूट गया। सुबह होते ही मुंह हाथ धो, कपड़े पहन और बाइसिकल पर सवार होकर अपने दोस्तों की तरफ चले। पहले पहल मिस्टर गुलजारीलाल बी ए एल एल बी के यहाँ पहुँचे। यह वकील साहब बड़े उपकारी मनुष्य थे और सामाजिक सुधार का बड़ा पक्ष करते हैं। उन्होंने जब अमृतराय के इरादे और उनके पूरे होने की कल्पनाएं सुनी तो बहुत खुश हुए और बोले, आप मेरी ओर से निश्चिंत रहिए और मुझे अपना सच्चा हितैषी समझिए। मुझे बहुत हर्ष हुआ कि हमारे शहर में आप जैसे योग्य पुरुष ने इस भारी बोझ को अपने सार लिया। आप जो काम चाहे मुझे सौंप दीजिए, मैं उसको अवश्य पूरा करूंगा और उसमें अपनी बड़ाई समझूंगा। अमृतराय वकील साहब की बातों पर टू हो गए। उन्होंने सच्चे दिल से उनको धन्यवाद दिया और कहा कि मैं इस शहर में एक सामाजिक सुधार की सभा स्थापित करना चाहता हूँ। वकील साहब इस बात पर उछल पड़े और कहा कि आप मुझे उस सभा का सदस्य और हितचिंतक समझें, मैं उसकी मदद दिलोजान से करूंगा। अमृतराय इस अच्छे शगुन होते हुए दाननाथ के घर पहुंचे। हम पहले कह चुके हैं कि दाननाथ उनके सच्चे दोस्तों में थे। वे दन को देखते ही बड़े आदर से उठ खड़े हुए और पूछा, क्यों भाई, क्या इरादे हैं? अमृतराय ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया, मैं अपने इरादे आप पर प्रकट कर चुका हूँ और आप जानते हैं कि मैं जो कुछ कहता हूँ वह कर दिखाता हूँ। बस आपके पास केवल इतना पूछना के लिए आया हूँ कि आप इस शुभ कार्य में मेरी कुछ मदद करेंगे या नहीं। दाननाथ सामाजिक सुधार को पंसद तो करता था, मगर उसके लिए हानि या बदनामी लेना नहीं चाहता था। फिर इस वक्त तो वह लाला बद्री प्रसाद का कृपा पात्र भी बनना चाहता था, इसलिए उसने जवाब दिया, अमृतराय तुम जानते हो कि मैं हर काम में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। रुपया पैसा समय सभी से सहायता करूँगा, मगर छिपे छिपे। अभी मैं इस सभा में खुल्लम खुल्ला सम्मिलित होकर नुकसान उठाना उचित नहीं समझता, विशेष इस कारण से कि मेरे सम्मिलित होने से सभा को कोई बल नहीं पहुंचेगा। बाबू अमृतराय ने अधिक वादानुवाद करना अनुचित समझा। इसमें संदेह नहीं कि उनको दाननाथ से बहुत आशा थी, मगर इस समय वह यहाँ बहुत न ठहरे और विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। जब अमृतराय ने उनसे सभा संबंध बातें की तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने अमृतराय को गले लगा लिया और बोले, मिस्टर अमृतराय, तुमने मुझे सस्ते छोड़ दिया। मैं खुद कई दिन से इन्हीं बातों के सोच विचार में डूबा हुआ हूँ। आपने मेरे सर से बोझ उतार लिया। जैसी याकता इस काम के करने की आप में है, वह मुझे नाम को भी नहीं। मैं इस सभा का मेंबर हूँ। बाबू अमृतराय को पंडित जी से इतनी आशा न थी। उन्होंने सोचा था कि अगर पंडित जी इस काम को पसंद करेंगे तो खुल्लम खुल्ला शरीक होते झिझकेंगे, मगर पंडित जी की बातों ने उनका दिल बहुत बढ़ा दिया। यहाँ से निकले तो वह अपनी ही आंखों में 2 इंच ऊंचे मालूम होते थे। अपनी अर्थसिद्धि के नशे में झूमते झामते और मूंछों पर ताव देते हैं। बी अग्रवाल साहब की सेवा में पहुंचे मिस्टर अग्रवाला अंग्रेजी और संस्कृत के पंडित थे। व्याख्यान देने में भी निपुण थे और शहर में सब उनका आदर करते थे। उन्होंने भी अमृतराय की सहायता करने का वादा किया और इस सभा का ज्वाइंट सेक्रेटरी होना स्वीकार किया। खुलासा यह कि 9 बजते बजते अमृतराय सारे शहर के प्रसिद्ध और नई रोशनी वाले पुरुषों से मिल आए और ऐसा कोई न था जिसने उनके इरादे की प्रशंसा न की हो या सहायता करने का वादा न किया हो। जलसे का समय 4 बजे शाम को नियत किया गया। दिन के 2 बजे से अमृतराय के बंगले पर लजसे की तैयारियां होने लगी। फर्श बिछाए गए, छत में झाड़ फानूस हौडियां लटकाई गईं, मेज और कुर्सियां सजाकर धरी गई और सभासदों के लिए खाने पीने का भी प्रबंध किया गया। अमृतराय ने सभा के लिए एक नियमावली बनाई, एक व्याख्यान लिखा और इन कामों को पूरा करके मेंबरों की राह देखने लगे। 2 बज गए 3 बज गए मगर कोई ना आया। आखिर 4 भी बजे मगर किसी की सवारी ना आई। हाँ, इंजीनियर साहब के पास से एक नौकर यह संदेश लेकर आया कि मैं इस समय नहीं आ सकता। अब तो अमृतराय को चिंता होने लगी कि अगर कोई ना आया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी और सबसे लज्जित होना पड़ेगा। निदान इसी तरह 5 बज गए और किसी उत्साही पुरुष की सूरत न दिखाई दी। तब ता अमृतराय को विश्वास हो गया कि लोगों ने मुझे धोखा दिया। मुंशी गुलजरीलाल से उनको बहुत कुछ आशा थी। अपना आदमी उनके पास दौड़ाया, मगर उसने लौटकर बयान किया कि वह घर पर नहीं है, पोलो खेलने चले गए।
इस समय तक 6 बजे और जब अभी तक कोई आदमी न पधारा तो अमृतराय का मन बहुत मलिन हो गया। ये बेचारे अभी नौजवान आदमी थे और यद्यपि बात के धनी और धुन के पूरे थे, मगर अभी तक झूठे देशभक्तों और बने हुए उद्योगियों का उनको अनुभव न हुआ था। उन्हें बहुत दुख हुआ। मन मारे हुए चारपाई पर लेट गए और सोचने लगे कि अब मैं कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। मैं इन लोगों को ऐसा कटिल और कपटी नहीं समझता था। अगर न आना था तो मुझसे साफ साफ कह दिया होता। अब कल तमाम शहर में यह बात फैल जाएगी कि अमृतराय रईसों के घर दौड़ते थे, मगर कोई उनके दरवाजे पर बात पूछने को भी न गया। जब ऐसा सहायक मिलेगे तो मेरे किए क्या हो सकेगा। इन्हीं ख्यालों ने थोड़ी देर के लिए उनके उत्साह को भी ठंडा कर दिया, मगर इसी समय उनको लाला धनुषधारी लाल की उत्साहवर्धक बातें याद आईं। वही शब्द उन्होंने लोगों के हौसले बढ़ाया थे। उनके कानों में गूंजने लगे, मित्रों, अगर जाति की उन्नति चाहते हो तो उस पर सर्वस्व अर्पण कर दो। इन शब्दों ने उनके बैठते हुए दिल पर अंकुश का काम किया। चौंक कर उठ बैठे, सिगार जला लिया और बाग की क्यारियों में टहले लगे। चौदनी छिटकी हुई थी, हवा के झोंके धीरे धीरे आ रहे थे, सुंदर फूलों के पौधे मंद मंद लहरा रहे थे, उनकी सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। अमृतराय हरी हरी धूप पर बैठ गए और सोचने लगे, मगर समय ऐसा सुहावना था और ऐसा आनंददायक सन्नाटा छाया हुआ था कि चंचल चित प्रेमा की ओर जा पहुंचा। जेब से तस्वीर के पुर्जे निकाल लिए और चौदनी रात में उसी बड़ी देर तक गौर से देखते रहे। मन कहता था, ओ अभागे अमृतराय, तू क्यों कर जिएगा, जिसकी मूरत आठों पहर तेरे सामने रहती थी, जिसके साथ आनंद भोगने के लिए तू इतने दिनों विराहागिन में जला, उसके बिना तेरी जान कैसी रहेगी। तू तो वैराग्य लिए है, क्या उसको भी वैरागिन बनाएगा। हत्यारे, उसको तुझे सच्चा प्रेम है, क्या तू देखता नहीं कि उसके पत्र प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। अमृतराय अब भी भला है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। इन बातों को छोड़ो, अपने ऊपर तरस खाओ, अपने अरमानों के मिट्टी में न मिलाओ। संसार में तुम्हारे जैसे बहुत से उत्साही पुरुष पड़े हुए हैं। तुम्हारा होना न होना दोनों बराबर है। लाला बदरी प्रसाद मुंह खोले बैठे हैं। शादी कर लो और प्रेमा के साथ प्रेम करो। बेचैन होकर, हाँ मैं भी कैसा पागल हूँ, भला इस तस्वरी ने मेरा क्या बिगाड़ा था जो मैंने इसे फाड़ा डाला। हे ईश्वर, प्रेमा अभी यह बात न जानती हो। अभी इसी उधेड़बुन में पड़े हुए थे कि हाथों में एक खत ला कर दिया। घबराकर पूछा, किसका खत है। नौकर ने जवाब दिया, लाला बदरी प्रसाद का आदमी लाया है। अमृतराय ने कौपते हुए हाथों से पत्री ली और पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, बाबू अमृतराय आशीर्वाद, हमने सुना है कि अब आप सनात धर्म को त्याग करके ईसाइयों की उस मंडली में जो मिले हैं, जिसको लोग भूल से सामाजिक सुधार सभा कहते हैं, इसलिए अब हम अति शोक के साथ कहते हैं कि हम आपसे कोई नाता नहीं कर सकते। आपका शुभचिंतक बदरी प्रसाद। इस चिट्ठी को अमृतराय ने कई बार पढ़ा और उनके दिल में अग खींचातानी होने लगी। आत्मस्वार्थ कहता था कि इस सुंदरी को अवश्य ब्याहो और जीवन के सुख उठायो। देशभक्ति कहती थी, जो इरादा किया है उस पर अड़े रहो, अपना स्वार्थ तो सभी चाहते हैं, तुम दूसरों का स्वार्थ करो। इस अनित्य जीवन को व्यतीत करने का इससे अच्छा कोई ढंग नहीं है। कोई 15 मिनट तक यह लड़ाई होती रही। इसका निर्णय केवल 2 अक्षर लिखने पर था। देशभक्त ने आत्मस्वार्थ को परास्त कर दिया था। आखिर वहां से उठकर कमरे में गए और कई पत्र कागज खबर करने के बाद यह पत्र लिखा। महाशय प्रणाम, कृपा पत्र आया, पढ़कर बहुत दुख हुआ। आपने मेरी बहुत दिनों की बंधी हुई आशा तोड़ दी। खैर, जैसा आप उचित समझे वैसा करें। मैंने जब से होश संभाला तब से मैं बराबर सामाजिक सुधार का पक्ष कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि हमारे देश की उन्नति का इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। आप जिसको सनातन धर्म समझे हुए बैठे हैं, वह अविद्या और असभ्यता का प्रत्यक्ष स्वरूप है। आपका कृपाकांक्षी अमृतराय। भाग 4, जवानी की मौत। समय हवा की तरह उड़ता चला जाता है। 1 महीना गुजर गया, जाड़े का कूच हुआ और गर्मी की लैंडोरी होली आ पहुंची। इस बीच में अमृतराय ने 2-3 जलसे किए और यद्यपि सभासद 10 से ज्यादा कभी न हुए, मगर उन्होंने ही आवना छोड़ा। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि चाहे कोई आवे या न आवे, मगर नियत समय पर जलसा जरूर किया करूँगा। इसके उपरांत उन्होंने देहातों में जा जाकर सरल सरल भाषाओं में व्याख्यान देना शुरू किया और समाचार पत्रों में सामाजिक सुधार पर अच्छे अच्छे लेख भी लिखे। इनको तो इसके सिवाय कोई काम न था। उधर बेचारी प्रेमा का हाल बहुत बेहाल हो रहा था। जिस दिन उसे उनकी आखिरी चिट्ठी पहुंची थी, उसी दिन से उसकी रोगियों की सी दशा हो रही थी। हर घड़ी रोने से काम था। बेचारी पूर्ण सिरहाने बैठे समझाया करती, मगर प्रेमा को जरा भी चैन न आता। वह बहुधा पड़े पड़े अमृतराय की तस्वीर को घंटों चुपचाप देखा करती।
कभी कभी जब बहुत व्याकुल हो जाती तो उसके जी में आता कि मैं भी उनकी तस्वीर की वही गत करूं जो उन्होंने मेरी तस्वीर की है। मगर फिर तुरंत यह ख्याल पलट खा जाता। वह उस तस्वीर को आंखों से लेती, उसको चूमती और उसे छाती से चिपका लेती। रात में अकेले चारपाई पर पड़े पड़े आप ही आप प्रेम और मोहब्बत की बातें किया करती। अमृराया के कुल प्रेम पत्रों को उसने रंगीन कागज पर मोटे अक्षरों में नकल कर लिया था। जब जी बहुत बेचैन होता तो पूर्ण से उन्हें पढ़वाकर सुनती और रोती। भावच के पास तो वह पहले भी बहुत कम बैठती थी, मगर अब माँ से भी कुछ खींची रहती, क्योंकि वह बेटी की दशा देख देख कुड़ती और अमृतराया को इसका कारण समझकर कोसती। प्रेमा से यह कठोर वचन न सुने जाते। वह खुद अमृतराया का जिक्र बहुत कम करती। हाँ, अब पूर्णा या कोई और दूसरी सहेली उनकी बात चलाती तो उसको खूब कान लगाकर सुनाती। प्रेमा एक ही मास में गलकर कोटा हो गई। हाय, अब उसको अपने जीवन की कोई आशा न थी। घर के लोग उसकी दवा दारू में रुपया ठीकरी की तरह फूक रहे थे, मगर उसको कुछ फायदा न होता। कई बार लाला बद्री प्रसाद जी के जी में यह बात आई कि इसे अमृतराया ही से ब्याह दूं, मगर फिर भाई बहन के डर से ही आवना पड़ता। प्रेमा के साथ बेचारी पूर्णा भी रोगिनी बनी हुई थी। आखिर होली का दिन आया। शहर में चारों ओर अबीर और गुलाल उड़ने लगा। चारों तरफ से कबीर और बिरादरी वालों के यहाँ से जनानी सवारियाँ आना शुरू हुई और उसे उनकी खातिर से बनाव सिगार करना, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनना, उनका आदर सम्मान करना और उनके साथ होली खेलना पड़ा। वह हंसने, बोलने और मन को दूसरी बातों में लगाने के लिए बहुत कोशिश करती रही, मगर कुछ बस न चला। रोज अकेले में बैठकर रोया करती थी, जिससे कुछ तस्कीन हो जाती, मगर आज शर्म के मारे रो भी न सकती थी। और दिन पूर्ण 10 बजे से शाम तक बैठी अपनी बातों से उसका दिल बहलाया करती थी, मगर आज वह भी सवेरे ही एक झलक दिखाकर अपने घर पर त्योहार मना रही थी। हाय, पूर्णा को देखते ही वह उससे मिलने के लिए ऐसी झपटी जैसे कोई चिड़िया बहुत दिनों के बाद अपने पिंजरे से निकलकर भागो। दोनों सखियां गले मिल गईं। पूर्णा ने कोई चीज मांगी, शायद कुमकुमे होंगे। प्रेमा ने संदूक मंगाया, मगर इस संदूक को देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि यह अमृतराय ने पर साल होली के दिन उसके पास भेजा था। थोड़ी देर में पूर्णा अपने घर चली गई, मगर प्रेमा घंटों तक उस संदूक को देख देख रोया की। पूर्णा का मकान पड़ोसी ही में था। उसके पति पंडित बसंत कुमार बहुत सीधे मगर शौकीन और प्रेमी आदमी थे। वे हर बात स्त्री की इच्छा अनुसार करते। उन्होंने उसे थोड़ा बहुत पढ़ाया भी था। अभी ब्याह हुए 2 वर्ष भी न होने पाए थे। प्रेम की उमंगे दोनों ही दिलों में उमड़ हुई थी और ज्यों ज्यों दिन बीतते थे त्यों त्यों उनकी मोहब्बत और भी गहरी होती जाती थी। पूर्णा हरदस पति की सेवा प्रसन्न रहती। जब वह 10 बजे दिन को दफ्तर जाने लगते तो वह उनके साथ साथ दरवाजे तक आती और जब तक पंडित जी दिखाई देते वह दरवाजे पर खड़ी उनको देखा करती। शाम को जब उनके आने का समय आता तो वह फिर दरवाजे पर आकर राह देखने लगती और ज्यों ही वह आ जाते उनकी छाती से लिपट जाती और अपनी भोली भाली बातों से उनकी दिन भर की थकन धो देती। पंडित जी की तनख्वाह 30 रुपये से अधिक न थी, मगर पूर्णा ऐसी किफ़ायत से काम चलाती कि हर महीने में उसके पास कुछ न कुछ बच रहता था। पंडित जी बेचारे केवल इसलिए कि बीवी को अच्छे से अच्छे गहने और कपड़े पहनावे, घर पर भी काम किया करते। जब कभी वह पूर्णा को कोई नई चीज बनवा कर देते वह फूली न समाती, मगर लालची न थी, खुद कभी किसी चीज के लिए मुंह न खोलती। सच तो यह है कि सच्चे प्रेम के आनंद ने उसके दिल में पहनने उड़ने की लालसा बाकी न रखी थी। आखिर आज होली का दिन आ गया। आज के दिन का क्या पूछना, जिसने साल भर चाथड़ों पर काटा वह भी आज कहीं न कहीं से उधार ढूंढकर लाता है और खुशी मनाता है। आज लोग लंगोटी में फाप खेलते हैं। आज के दिन रंज करना पाप है। पंडित जी की शादी के बाद यह दूसरी होली पड़ी थी। पहली होली में बेचारे खाली हाथ थे, बीवी की कुछ खातिर न कर सके थे, मगर अब की उन्होंने बड़ी बड़ी तैयारियां की थी। कोई 150 रुपया ऊपर से कमाया था, उसमें बीवी के वास्ते एक सुंदर कंगन बनवा था, कई उत्तम साड़ियां मोल लाए थे और दोस्तों को नेवता भी दे रखा था। इसके लिए भौती भौती के मुरब्बे, आचार, मिठाइयां मोल लाए थे और गाने बजाने के सामान भी इकट्ठे कर रखे थे। पूर्णा आज बनाव चुनाव किए इधर उधर छवि दिखाती फिरती थी। उसका मुखड़ा कुंदा की तरह दमक रहा था। उसे आज अपने से सुंदर संसार में कोई दूसरी औरत न दिखाई देती थी। वह बार बार पति की ओर प्यार की निगाहों से देखती। पंडित जी भी उसके श्रृंगार और फबन पर आज ऐसी रीझे हुए थे कि बेर बेर घर में आते और उसको गले लगाते। कोई 10 बजे होंगे कि पंडित जी घर में आए और मुस्करा कर पूर्णा से बोले, प्यारी आज तो जी चाहता है तुमको आंखों में बैठे लें। पूर्णा ने धीरे से एक ठोका देकर और रसीली निगाहों से देखकर कहा,
वह देखो मैं तो वहां पहले ही से बैठी हूँ। इस छवि ने पंडित जी को लुभा लिया। वह झट बीवी को गले से लगाकर प्यार करने। इन्हीं बातों में 10 बजे तो पूर्णा ने कहा, दिन बहुत आ गया है, जरा बैठ जाव तो उपटन मल दून। देर हो जाएगी तो खाने में अबेर सबेर होने से सर दर्द होने लगेगा। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं दो, मैं उपटन नहीं मलवाऊंगा, लाओ धोती दो, नहा आऊं। पूर्णा, वाह उपटन मलवावेंगे, आज की तो यह रीति ही है, आके बैठ जाव। पंडित, नहीं प्यारी, इसी वक्त जी नहीं चाहता, गर्मी बहुत है। पूर्णा ने लपक कर पति का हाथ पकड़ लिया और चारपाई पर बैठकर उपटन मलने लगी। पंडित, मगर जरा जल्दी करना, आज मैं गंगा जी नहीं जाना चाहता हूँ। पूर्णा, अब दोपहर को कहाँ जाओगे? महरी पानी लाएगी, यहीं पर नहा लो। पंडित, यही प्यारी, आज गंगा में बड़ी बहार रहेगी। पूर्णा, अच्छा तो जरा जल्दी लौट आना, यह नहीं कि इधर उधर तैरने लगो। नहाते वक्त तुम बहुत दूर तक तैर जाया करते हो। थोड़ी देर में पंडित जी उपटन मलवा चुके और एक रेशमी धोती, साबुन, तौलिया और एक कमंडल हाथ में लेकर नहाने चले। उनका कायदा था कि घाट से जरा अलग नहा करते, यह तैराक भी बहुत अच्छे थे, कई बार शहर के अच्छे तैराकों से बाजी मार चुके थे। यद्यपि आज घर से वादा करके चले थे कि न तैरेंगे, मगर हवा ऐसी धीमी धीम चल रही थी और पानी ऐसा निर्मल था कि उसमें मध्यम मध्यम हलकोरे ऐसे भले मालूम होते थे और दिल ऐसी उमंगों पर था कि जी तैरने पर ललचाया। तुरंत पानी में कूद पड़े और इधर उधर कल्लोले करने लगे। निदान उनको बीच धारे में कोई लाल चीजें बहती दिखाया दी। गौर से देखा तो कमल के फूल मालूम हुए। सूर्य की किरणों से चमकते हुए वह ऐसे सुंदर मालूम होते थे कि बसंत कुमार का जी उन पर मचल पड़ा। सोचा, अगर ये मिल जाए तो प्यारी पूर्णा के कानों के लिए झुमके बनाऊं। वे मोटे ताजे आदमी थे, बीच धारे तक तैर जाना उनके लिए कोई बड़ी बात न थी। उनको पूरा विश्वास था कि मैं फूल ला सकता हूँ, जवानी दीवानी होती है। यह न सोचा था कि ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ूंगा त्यों त्यों फूल भी बढ़ेंगे। उनकी तरफ चले और कोई 15 मिनट में बीच धारे में पहुंच गए, मगर वहां जाकर देखा तो फूल इतना ही दूर और आगे था। अब कुछ कुछ थकान मालूम होने लगी थी, मगर बीच में कोई रेत ऐसा न था जिस पर बैठकर दम लेते। आगे बढ़ते ही गए, कभी हाथों से जोर मारते, कभी पैरों से जोर लगाते, फूलों तक पहुंचे, मगर उस वक्त तक हाथ पौ दोनों बोझल हो गए थे। यहाँ तक कि फूलों को लेने के लिए जब हाथ लपकाना चाहा तो उठ न सका। आखिर उनको दौतों में दबाया और लौटे, मगर जब वहां से उन्होंने किनारों की तरफ देखा तो ऐसा मालूम हुआ मानो हजार कोस की मंजिल है। बदन में जरा भी शक्ति बाकी न रही थी और पानी भी किनारे से धारे की तरफ बह रहा था। उनका हियाव छूट गया, हाथ उठाया तो वह न उठे, मानो वह अंग में थे ही नहीं। हाय, उस वक्त बसंत कुमार के चेहरे पर जो निराशा और बेबसी छाई हुई थी, उसके ख्याल करने ही से छाती फटती है। उनको मालूम हुआ कि मैं डूबा जा रहा हूँ। उस वक्त प्यारी पूर्णा की सुधी आई कि वह मेरी बात देख रही होगी। उसकी प्यारी प्यारी मोहनी सूरत औखें के सामने खड़ी हो गई। एक बार और हाथ फेंका मगर कुछ बस न चला, औखों से आंसू बहने लगे और देखते देखते वह लहरों में लोप आ गए। गंगा माता ने सदा के लिए उनको अपनी गोद में लिया। काल ने फूल के भेस में आकर अपना काम किया। उधर हाल का सुलिए, पंडित जी के चले आने के बाद पूर्णा ने थालियां परसी, एक बर्तन में गुलाल घोली, उसमें मिलाया, पंडित जी के लिए संदूक से नए कपड़े निकाले, उनकी आसतीनों में चुन्नटे डाली, टोपी सादी थी उसमें सितारे टोके, आज माथे पर केसर का टीका लगाना शुभ समझा जाता है। उसने अपने कोमल हाथों से केसर और चंदन रगड़ा, पान लगाए, मेवे सरौते से कतर कतर कटोरा में रखे। रात ही को प्रेमा के बगीचे से सुंदर कलियां लेती आई थी और उनको तर कपड़े में लपेट कर रख दिया था। इस समय वह खूब खिल गई थी। उनको तागे में गुंथकर सुंदर हार बनाया और यह सब प्रबंध करके अपने प्यारे पति की राह देखने लगी। अब पंडित जी को नहाकर आ जाना चाहिए था, मगर नहीं, अभी कुछ देर नहीं हुई, आते ही होगी, यही सोचकर पूर्णा ने 10 मिनट और उनका रास्ता देखा। अब कुछ कुछ चिंता होने लगी, क्या करने लगे, धूप कड़ी हो रही है, लौटने पर नहाया बेनहाया एक हो जाएगा, कदाचित यार दोस्तों से बातों करने लगे। नहीं नहीं, मैं उनको खूब जानती हूँ, नदी नहाने जाते हैं तो तैरने की सुझती है, आज भी तैर रहे होंगे। यह सोचकर उसने आधा घंटे और राह देखी, मगर जब वह अब भी ना आए तब तो वह बेचैन होने लगी। महरी से कहा, बिल्लो जरा लपक तो जावा, देखो क्या करने लगे। बिल्लो बहुत अच्छे स्वभाव की बुढ़िया थी, इसी घर की चाकरी करते करते उसके बाल पक गए थे। यह इन दोनों प्राणियों को अपने लड़कों के समान समझती थी। वह तुरंत लपकी हुई गंगा जी की तरफ चली। वहां जाकर क्या देखती है कि किनारे पर 2-3 मल्लाह जमा हैं।
पंडित जी की धोती, तौलिया, साबुन का मंडल सब किनारे पर धरे हुए हैं। यह देखते ही उसके पैर मन मन भर के हो गए। दिल धड़ धड़ करने लगा और कलेजा मुंह को आने लगा। या नारायण, यह क्या गजब हो गया। बदहवास घबराई हुई नजदीक पहुंची तो एक मल्लाह ने कहा, काहे बिल्लो, तुम्हारे पंडित नहाया आवा रहीं। बिल्लो क्या जवाब देती, उसका गला रुंध गया, आंखों से आंसू बहने लगे, सर पीटने लगी। मल्लाहों ने समझाया कि अब रोए पीटे का होत है, उनकी चीज वस्तु लेव और घर का जाव, बेचारे बड़े भले मनाई रहें। बिल्लो ने पंडित जी की चीजें ली और रोते पीटती घर की तरफ चली। ज्यों ज्यों वह मकान के निकट आती त्यों त्यों उसके कदम पीछे को हटे आते थे। हाय नारायण, पूर्णा को यह समाचार कैसे सुनाऊंगी, वह बिचारी सोलहो सिंगार किए पति की राह देख रही है, यह खबर सुनकर उसकी क्या गत होगी, इस धक्के से उसकी तो छाती फट जाएगी। इन्हीं विचारों में डूबी हुई बिल्लो ने रोते हुए घर में कदम रखा, तमाम चीजें जमीन पर पटक दी और छाती पर दोहत्थड़ मार हाय हाय करने लगी। बेचारी पूर्णा इस वक्त आईना देख रही थी, वह इस समय ऐसी मगन थी और उसका दिल उमंगों और अरमानों से ऐसा भरा हुआ था कि पहले उसको बिल्लो के रोने पीटने का कारण समझ में न आया। वह हकपका कर ताकने लगी कि यकायक सब मजारा उसकी समझ में आ गया। दिल पर एक बिजली कौंद गई, कलेजा सन से हो गया। उसको मालूम हो गया कि मेरा सुहाग उठ गया, जिसने मेरी बहु पकड़ी थी उससे सदा के लिए बिछड़ गई। उसके मुंह से केवल इतना निकला, खाए नारायण, और वह पछाड़ खाकर धम से जमीन पर गिर पड़ी। बिल्लो ने उसको संभाला और पंखा झलने लगी। थोड़ी देर में पास पड़ोस की सैकड़ों औरतें जमा हो गईं। बाहर भी बहुत आदमी एकत्र हो गए। राय हुई कि जाल डलवाया जाए। बाबू कमला प्रसाद भी आए थे, उन्होंने पुलिस को खबर की। प्रेमा को ज्यों ही इस आपत्ति की खबर मिली उसके पैर तले से मिट्टी निकल गई। चटपट आकर घबराई हुई कोठे से उतरी और गिरती पड़ती पूर्णा की घर की तरफ चली। माँ ने बहुत रोका मगर कौन सुनता है। जिस वक्त वह वहां पहुंची चारों ओर रोना धोना हो रहा था। घर में ऐसा न था जिसकी आंखों से आंसू की धारा न बह रही हो। अभगिनी पूर्णा का विलाप सुन सुनकर लोगों के कलेजे मुंह को आए जाते थे। हाय पूर्णा पर जो पहाड़ टूट पड़ा वह सातवें बैरी पर भी न टूटे। अभी एक घंटा पहले वह अपने को संसार की सबसे भाग्यवान औरतों में सिमसिचती थी, मगर देखते ही देखते क्या का क्या हो गया। अब उसका सा अभागा कौन होगा। बेचारी समझाने बुझाने से जरा चुप हो जाती, मगर ज्यों ही पति की किसी बात की सुधी आती त्यों ही फिर दिल उमड़ आता और ननों से नीर की झड़ी लग जाती, चित व्याकुल हो जाता और रोम रोम से पसीना बहने लगता। हाय क्या एक दो बात याद करने की थी। उसने दो वर्ष तक अपने प्रेम का आनंद लूटा था, उसकी एक एक बात, उसका हंसना, उसका प्यार की निगाहों से देखना उसको याद आता था। आज उसने चलते चलते कहा था, प्यारी पूर्णा, जी चाहता है तुझे आँखों में बिठा लूं। अफसोस है, अब कौन प्यार करेगा, अब किसकी पुतलियों में बैठूंगी, कौन कलेजे में बैठाएगा। उस रेशमी धोती और तौलिया पर दृष्टि पड़ी तो जोर से चीख उठी और दोनों हाथों से छाती पीटने लगी। निदान प्रेमा को देखा तो झपट कर उठी और उसके गले से लिपट कर ऐसी फूट फूट कर रोई कि भीतर तो भीतर बाहर मुसीबत। हरि प्रसाद, बाबू कमला प्रसाद और दूसरे लोग आंखों से रुमाल दिए बेअख्तियार रो रहे थे। बेचारी प्रेमा के लिए महीने से खाना पीना दुर्लभ हो रहा था। विराहनल में जलते जलते वह ऐसी दुर्बल हो गई थी कि उसके मुंह से रोने की आवाज तक न निकलती थी। हिचकियां बंधी हुई थी और आंखों से मोती के दाने टपक रहे थे। पहले वह समझती थी कि सारे संसार में मैं ही एक अभागिन हूँ, मगर इस समय वह अपना दुख भूल गई और बड़ी मुश्किल से दिल को थाम कर बोली, प्यारी सखी यह क्या गजब हो गया। प्यारी सखी इसके जवाब में अपना माथा ठोंका और आसमान की ओर देखा, मगर मुंह से कुछ न बोल सकी। इस दुखियारी अबला का दुख बहुत ही करुणायोग्य था, उसकी जिंदगी का बेड़ा लगाने वाला कोई न था। दुख बहुत ही करुणायोग्य था, उसकी जिंदगी का बेड़ा पार लगाने वाला कोई न था। उसके मैके में सिर्फ एक बूढ़े बाप से नाता था और वह बेचारा भी आजकल का मेहमान हो रहा था। ससुराल में जिससे अपनापा था वह परलोक से धरा, न सास न ससुर न अपने न पराए, काई चुल्लू भर पानी देने वाला दिखाई न देता था। घर में इतनी जथा जुगती भी न थी कि साल दो साल के गुजारे भर को गुजारे भर हो जाती। बेचारी पंडित जी को अभी नौकरी ही करते कितने दिन हुए थे कि रुपया जमा कर लेते, जो कमाया वह खाया। पूर्णा को वह अभी वह बातें नहीं सूझी थी, अभी उसको सोचने का अवकाश ही न मिला था। हाँ, बाहर मर्दाने में लोग आपस में इस विषय पर बातचीत कर रहे थे। दो ढाई घंटे तक उस मकान में स्त्रियों का ठट्टा लगा रहा, मगर शाम होते होते सब अपने घरों को सिधारी। त्योहार का दिन था, ज्यादा कैसे ठहरती। प्रेमा कुछ देर से मूर्छा पर मूर्छा आने लगी थी।
लोग उसे पालकी पर उठाकर वहां से ले गए और दिया में बत्ती पड़ते पड़ते उस घर में सिवाय पूर्णा और बिल्ली के और कोई न था। हाय, यही वक्त था कि पंडित जी दफ्तर से आया करते। पूर्णा उस वक्त द्वारे पर खड़ी उनकी राह देखा करती और ज्यों ही वह ड्योढ़ी में कदम रखते वह लपक कर उनके हाथों से छतरी ले लेती और उनके हाथ मुंह धोने और जलपान की सामग्री इकट्ठी करती। जब तक वह मिष्ठान इत्यादि खाते वह पान के बीड़े लगा रखती। वह प्रेम रस का भूख, दिन भर का थका मादा, स्त्री की दन खातिरदारियों से गदगद हो जाता। कहां वह प्रीति बढ़ाने वाले व्यवहार और कहां आज का सन्नाटा। सारा घर भौंय भौंय कर रहा था, दीवारें काटने को दौड़ती थी। ऐसा मालूम होता कि इसके बसने वालों उजड़ गए। बेचारी पूर्णा आंगन में बैठी हुई, उसके कलेजे में अब रोने का दम नहीं है और न आंखों से आंसू बहते हैं। हाँ, कोई दिल में बैठा खून चूस रहा है। वह शोक से मतवाली हो गई है। नहीं मालूम इस वक्त वह क्या सोच रही है। शायद अपने सिधारने वाले पिया से प्रेम की बातें कर रही है या उससे कर जोड़ के विनती कर रही है कि मुझे भी अपने पास बुला लो, हमको उस शोकातुरा का हाल लिखते ग्लानी होती है। हाय, वह उस समय पहचानी नहीं जाती। उसका चेहरा पीला पड़ गया है, होठों पर पपड़ी छाई हुई है, आंखें सूरज आई हैं, सिर के बाल खुलकर माथे पर बिखर गए हैं, रेशमी साड़ी फटकार तार तार हो गई है, बदन पर गहने का नाम भी नहीं है, चूड़िया टूटकर चकनाचूर हो गई है, लंबी लंबी सौंसें आ रही हैं। वह चिंता, उदासी और शोक का प्रत्यक्ष स्वरूप मालूम होती है। इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो उसको तसल्ली दे। यह सब कुछ हो गया मगर पूर्णा की आस अभी तक कुछ कुछ बंधी हुई है। उसके कान दरवाजे की तरफ लगे हुए हुए है कि कहीं कोई उनके जीवित निकल आने की खबर लाता हो। सच है, वियोगियों की आस टूट जाने पर भी बंधी रहती है। शाम होते होते इस शोकदायक घटना की खबर सारे शहर में गूंज उठी। जो सुनता सिर धुनता। बाबू अमृतराय हवा खाकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में पुलिस के आदमियों को एक लाश के साथ जाते देखा। बहुत से आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। पहले तो वह समझे कि कोई खून का मुकदमा होगा, मगर जब दरियाफ्त किया तो सब हाल मालूम हो गया। पंडित जी की अचानक मृत्यु पर उनको बहुत रोज हुआ। वह बसंत कुमार को भली भांति जानते थे। उन्हीं की सिफारिश से पंडित जी दफ्तर में वह जग मिली थी। बाबू साहब लाश के साथ साथ थाने पर पहुंचे। डॉक्टर पहले से ही आया हुआ था। जब उसकी जांच के निमित्त लाश खोली गई तो जितने लोग खड़े थे सबके रोंगटे खड़े हो गए और कई आदमियों की आंखों से आंसू निकल आए। लाश फूल गई थी मगर मुखड़ा ज्यों का त्यों था और कमल के सुंदर फूल होंठों के बीच दांतों तले दबे हुए थे। हाय, यह वही फूल थे जिन्होंने काल बनकर उसको डसा था। जब लाश की जांच हो चुकी तब अमृतराय ने डॉक्टर साहब से लाश के जलाने की आज्ञा मांगी जो उनको सहज ही में मिल गई। इसके बाद वह अपने मकान पर आए, कपड़े बदले और बाइसिकल पर सवार होकर पूर्णा के मकान पर पहुंचे। देखा तो चौतरफा सन्नाटा छाया हुआ है, हर तरफ से सियापा बरस रहा है। यही समय पंडित जी के दफ्तर से आने का था। पूर्णा रोज इसी वक्त उनके जूते की आवाज़ें सुनने की आदि हो रही थी। इस वक्त ज्यों ही उसने पैरों की चाप सुनी वह बिजली की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर ज्यों ही दरवाजे पर आई और अपने पति की जगी पर बाबू अमृतराय को खड़े पाया तो ठिठक गई। शर्म से सर झुका लिया और निराश होकर उल्टे पांव वापस हुई। मुसीबत के समय पर किसी दुख पूछने वालों की सूरत आंखों के लिए बहाना हो जाती है। बाबू अमृतराय एक महीने में 2-3 बार अवश्य आया करते थे और पंडित जी पर बहुत विश्वास रखते थे। इस वक्त उनके आने से पूर्णा के दिल पर एक ताज़ा सदमा पहुंचा। दिल फिर उमड़ आया और ऐसा फूट फूट कर रोई कि बाबू अमृतराय जो मोम की तरह नर्म दिल रखते थे बड़ी देर तक चुपचाप खड़े बिसुरा किए। जब जरा जी ठिकाने हुआ तो उन्होंने महीर को बुलाकर बहुत कुछ दिलासा दिया और दहलीज में खड़े होकर पूर्णा को भी समझा और उसको हर तरह की मदद देने का वादा करके चिराग जलते जलते अपने घर की तरफ रवाना हुए। उसी वक्त प्रेमा अपनी महताबी पर हवा खाने निकली थी। सखी आंखें पूर्णा के दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। निदान उसने किसी को बाइसिकल पर सवार उधार से निकलते देखा, गौर से देखा तो पहचान गई और चौंक कर बोली, अरे यह तो अमृतराय है। भाग 5। यह गजरा क्या हो गया। पंडित बसंत कुमार का दुनिया से उठ जाना केवल पूर्णा ही के लिए जानलेवा न था, प्रेमा की हालत भी उसी की सी थी। पहले वह अपने भाग्य पर रोया करती थी, अब विधाता ने उसकी प्यारी सखी पूर्णा पर विपत्ति डालकर उसे और भी शोकातुर बना दिया था। अब उसका दुख हटाने वाला, उसका गम गलत करने वाला कायना था। वह आजकल रात दिन मुंह लपेटे चारपाई पर पड़ी रहती, ना वह किसी से हंसती ना बोलती, कई कई दिन बिना दाना पानी के बीत जाते। बनाव सिगार उसको जरा भी न भाता, सर के बल 2-2 हफ्ते न गूंथे जाते। सुरमादानी अलग पड़ी रोया करती, कंघी अलग हाय हाय करती,
गहने बिल्कुल उतार फेंके थे। सुबह से शाम तक अपने कमरे में पड़ी रहती, कभी जमीन पर करवटें बदलती, कभी इधर उधर बौखलाई हुई घूमती, बहुधा बाबू अमृत राय की तस्वीर को देखा करती और जब उनके प्रेम पत्र याद आते तो रोती। उसे अनुभव होता था कि अब मैं थोड़े दिनों की मेहमान हूँ। पहले 2 महीने तक तो पूर्णा का ब्राह्मणों के खिलाने पिलाने और पति के मृतक संस्कार से सौस लेने का अवकाश न मिला कि प्रेमा के घर जाती। इसके बाद भी 2-3 महीने तक वह घर से बाहर न निकली। उसका जी ऐसा बुझ गया था कि कोई काम अच्छा न लगता। हाँ, प्रेमा माँ के मना करने पर भी 2-3 बार उसके घर गई थी, मगर वहां जाकर आप रोती और पूर्णा को भी रुलाती, इसलिए अब उधर जाना छोड़ दिया था। किंतु एक बात वह नित्य करती, वह संध्या समय महताबी पर जाकर जरूर बैठती। इसलिए नहीं कि उसको समय सुहाना मालूम होता या हवा खाने को जी चाहता था, नहीं प्रत्युत केवल इसलिए कि वह कभी कभी बाबू अमृत राय को उधर से आते जाते देखती। हायलिज वक्त वह उनको देखते उसका कलेजा बौसों उछालने लगता। जी चाहता कि कूद पड़ूं और उनके कदमों पर अपनी जान निछावर कर दूं। जब तक वह दिखाई देते अकट की बौंधे उनको देखा करती। जब वह आँखों से आझला हो जाते तब उसके कलेजे में एक हूक उठती, आपे की कुछ सुधी न रहती। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन वह सदा की भांति अपने कमरे में लेटी हुई बदल रही थी कि पूर्णा आई। इस समय उसको देखकर ऐसा ज्ञात होता था कि वह किसी प्रबल रोग से उठी है। चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे कोई फूल मुरझा गया हो। उसके कपोल जो कभी गुलाब की तरह खिले हुए थे अब कुम्हला गए थे। वे मृगी की सी औंखें जिनमें किसी समय समय जवानी का मतवालापन और प्रेमी का रस भरा हुआ था अंदर घुसी हुई थी। सिर के बाल कंधों पर इधर उधर बिखरे हुए थे, गहने पाते का नाम न था। केवल एक नैन सुख की साड़ी बदन पर पड़ी हुई थी। उसको देखते ही प्रेमा दौड़कर उसके गले से चिपट गई और लाकर अपनी चारपाई पर बिठा दिया। कई मिनट तक दोनों सखियां एक दूसरे के मुंह को ताकती रहीं। दोनों के दिल में ख्यालों का दरिया उमड़ा हुआ था, मगर जबान किसी की न खुलती थी। आखिर पूर्णा ने कहा, आजकल जी अच्छा नहीं है क्या, गलकर कोटा गई हो? प्रेमा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, नहीं सखी, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ, तुम तो कुशल से रही। पूर्णा की आंखों में आंसू डब्बा आए, बोली, मेरा कुशल आनंद क्या पूछती हो सखी, आनंद तो मेरे लिए सपना हो गया। 5 महीने से अधिक हो गए मगर अब तक मेरी आंखें नहीं झपकी, जान पड़ता है कि नींद आंसू होकर बह गई। प्रेमा, ईश्वर जानता है सखी, मेरा भी तो यही हाल है, हमारी तुम्हारी एक ही गत है। अगर तुम ब्याही विधवा हो तो मैं कुंवारी विधवा हूँ। सच कहती हूँ सखी, मैंने ठान लिया है कि अब परमार्थ के कामों में ही जीवन व्यतीत करूँगा। पूर्णा कैसी बातें करती हो प्यारी, मेरा और तुम्हारा क्या जोड़ा, जितना सुख भोगना मेरे भाग में बदा था भोग चुकी, मगर तुम अपने को क्यों घुलाए डालती हो। सच मानो सखी, बाबू अमृत राय की दशा भी तुम्हारी ही सी है, वे आजकल बहुत मलिन दिखाई देते हैं। जब कभी इधर की बात चलती हूँ तो जाने का नाम ही नहीं लेते। मैंने एक दिन देखा, वह तुम्हारा काढ़ा हुआ रुमला लिए हुए थे। यह बातें सुनकर प्रेमा का चेहरा खिल गया, मारे हर्ष के औंखें जगमगाने लगी। पूर्णा का हाथ अपने हाथों में लेकर और उसकी औंखों से औंखें मिलाकर बोली, सखी इधर की और क्या क्या बातें आई थी। पूर्णा मुस्कराकर, अब क्या सब आज ही सुन लोगी, अभी तो कल ही मैंने पूछा कि आप ब्याह कब करेंगे तो बोले जब तुम चाहो। मैं बहुत लजा गई। प्रेमा, सखी तुम बड़ी ढीठ हो, क्या तुमको उनके सामने निकलते बैठते लाज नहीं आती? पूर्णा, लाज क्यों आती, मगर बिना सामने आए काम तो नहीं चलता, और सखी उनसे क्या पर्दा करूं, उन्होंने मुझ पर जो जो अनुग्रह किए हैं उनसे मैं कभी उऋण नहीं हो सकती। पहले ही दिन जबकि मुझ पर वह विपत्ति पड़ी, रात को मेरे यहाँ चोरी हो गई, जो कुछ असबाबा था पापियों ने मूस लिया। उस समय मेरे पास एक कौड़ी भी न थी, मैं बड़े फेर में पड़ी हुई थी कि अब क्या करूं। जिधर औख उठाती अंधेरा दिखाई देता। उसके तीसरे दिन बाबू अमृत राय आए, ईश्वर करे वह युग युग जिए। उन्होंने बिल्लों की तनख्वाह बौद दी और मेरे साथ भी बहुत सलूक किया। अगर वह उस वक्त आड़े न आते तो गहने पाते अब तक कभी के बिक गए होते। सोचती हूँ कि वह इतने बड़े आदमी आकर मुझ भिखारिनी के दरवाजे पर आते हैं तो उनसे क्या पर्दा करूं? और दुनिया ऐसी है कि इतना भी नहीं देख सकती। वह जो पड़ोसा में पंडाइन रहती है, कई बार आए और बोली कि सर के बाल मुड़ा लो, विधवाओं का बाल न रखना चाहिए, मगर मैंने अब तक उनका कहना नहीं माना। इस पर सारे मोहल्ले में मेरे बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, जितने मुंह उतनी बातें। बिल्लो आकर सब वृतांत मुझसे कहती है, सब सुना लेती हूँ और रो धोकर चुप हो रहती हूँ। मेरे भाग्य में दुख भोगना,
लोगों की जली कटी सुनना न लिखा होता तो यह विपत्ति ही काहे को पड़ती। मगर चाहे कुछ हो, मैं इन बालों को मुड़वाकर मुंडी नहीं बनना चाहती। ईश्वर ने सब कुछ तो हर लिया, अब क्या इन बालों से भी हाथ धोऊं? यह कहकर पूर्णा ने कंधों पर बिखरे हुए लंबे लंबे बालों पर ऐसी दृष्टि से देखा मानो वे कोई धन है। प्रेमा ने भी उन्हें हाथ से संभालाकर कहा, नहीं सखी, खबरदार, बालों को मुड़वाओगी तो हमसे तुमसे न बनगी। पंडाइन को बकने दो, वह पगला गई है। यह देखो नीचे की तरफ जो ऐठन पड़ गई है, कैसी सुंदर मालूम होती है। यही कहकर प्रेमा उठी, बक्स में सुगंधित तेल निकाला और जब तक पूर्णा हाय हाय करे कि उसके सर की चादर खिसका कर तेल डाल दिया और उसका सर जांघ पर रख कर धीरे धीरे मलने लगी। बेचारी पूर्णा इन प्यार की बातों को न सह सकी, आंखों में आंसू भरकर बोली, प्यारी प्रेमा यह क्या गजब करती हो, अभी क्या काम उपहास हो रहा है, जब बाल सवारे निकलूंगी तो क्या गत होगी, अब तुमसे दिल की बात क्या छिपाऊं। सखी, ईश्वर जानता है मुझे यह बाल खुद बोझ मालूम होते हैं, जब इस सूरत का देखने वाला ही संसार से उठ गया तो यह बाल किस काम के, मगर मैं इनके पीछे पड़ोसियों के ताने सहती हूँ तो केवल इसलिए कि सर मुड़ाकर मुझसे बाबू अमृतराय के सामने न निकला जाएगा। यह कहकर पूर्णा जमीन की तरफ ताकने लगी, मानो वह लजा गई है। प्रेमा भी कुछ सोचने लगी, अपन सखी के सर में तेल मला, कंघी की बाल गूंथे और तब धीरे से आईना लाकर उसके सामने रख दिया। पूर्णा ने इधर पौच महीने से आईने का मुंह नहीं देखा था, वह सचती थी कि मेरी सूरत बिल्कुल उतर गई होगी, मगर अब जो देखा तो सिव्या इसके कि मुंह पीला पड़ गया था और कोई भेद न मालूम हुआ। मध्यम स्वर में बोली, प्रेमा ईश्वर के लिए अब बस करो, भाग से यह सिंगार बदा नहीं है, पड़ोसिन देखेंगी तो न जाने क्या अपराध लगा दें। प्रेम उसकी सूरत को टकटकी लगाकर देख रही थी, यकायक मुस्कुराकर बोली, सखी तुम जानती हो मैंने तुम्हारा सिंगार क्यों किया। पूर्णा, मैं क्या जानूं, तुम्हारा जी चाहत होगा प्रेमा इसलिए कि तुम उनके सामने इसी तरह जाओ। पूर्णा तुम बड़ी खोटी हो, भला मैं उनके सामने इस तरह कैसे जाऊंगी, वह देखकर दिल में क्या कहेंगे, देखने वाले यूं ही बेसिर पैर की बातें उड़ाया करते हैं, तब तो और भी न मालूम क्या कहेंगे। थोड़ी देर तक ऐसे ही हंसी दिल्ली की बातों बातों में प्रेमा ने कहा, सखी अब तो अकेले नहीं रहा जाता, क्या हर्ज है, तुम भी यहीं उठाओ, हम तुम दोनों साथ साथ रहें। पूर्णा, सखी मेरे लिए इससे अधिक हर्ष की कौन सी बात होगी कि तुम्हारे साथ रहूं, मगर अब तो पैर फूक फूक कर धरना होती है, लोग तुम्हारे घर ही में राजी न होंगे, और अगर यह मान भी गए तो बिना बाबू अमृतराय की मर्जी के कैसे आ सकती हूँ, संसार के लोग भी कैसे अंधे हैं, ऐसे दयालु पुरुष कहते हैं कि ईसाई हो गया है, कहने वालों के मुंह से न मालूम कैसे ऐसी झूठी बात निकालती है। मुझसे वह कहते थे कि मैं शीघ्र ही एक ऐसा स्थान बनवाने वाला हूँ जहाँ अनाथ विधवाएं आकर रहेंगी, वहाँ उनके पालन पोषण और वस्त्र का प्रबंध किया जाएगा और उनके पढ़ना लिखाना और पूजा पाठ करना सिखाया जाएगा। जिस आदमी के विचार ऐसे शुद्ध हों उसको वह लोग ईसाई और अधर्मी बनाते हैं, जो भूलकर भी भिखमंगे को भीख नहीं देते, ऐसा अंधेर है। प्रेमा बहन, संसार का यही है, हाय अगर वह मुझे अपनी लौड़ी बना लेते तो भी मेरा जीवन सफल हो जाता, ऐसे उदारचित दाताचैरी बनना भी कोई बड़ाई की बात है। पूर्णा तुम उनकी चैरी काहे को बनेगी, काहे को बनेगी, वह तो आप तुम्हारे सेवक बनने के लिए तैयार बैठे है, तुम्हारे लाला जी ही नहीं मानते, विश्वास मानो यदि तुमसे उनका ब्याह न हुआ तो कवारे ही रहेंगे। प्रेमा यहाँ यही ठान ली है कि चैरी बनूंगी तो उन्हीं की, कुछ देर तक तो यही बातें हुआ की। जब सूर्य अस्त होने लगा तो प्रेमा ने कहा, चलो सखी तुमको बगीचे की सैर करा लावे, जब से तुम्हारा आना जाना छूटा तब से मैं उधर भूलकर भी नहीं गई। पूर्णा मेरे बाल खोल दो तो चलूं, तुम्हारी भावज देखेगी तो ताना मारेगी। प्रेमा उनके ताने का क्या डर, वह तो हवा से उलझा करती हैं। दोनों सखियां उठी और हाथ दिए कोठे से उतार कर फुलवारी में आई। यह एक छो बगिया थी जिसमें भांति भांति के फूल खिल रहे थे। प्रेमा को फूलों से बहुत प्रेम था, उसी ने अपनी दिलबलावा के लिए बगीचा था, एक माली इसी की देखभाल के लिए नौकर था। बाग के बीचों बीच एक गोल चबूतरा बना हुआ था, दोनों सखियां इस चबूतरे पर बैठ गई। इनको देखते ही माली बहुत सी कलियां एक साफ तरह कपड़े में लपेट कर लाया। प्रेमा ने उनको पूर्णा को देना चाहा, मगर उसने बहुत उदास होकर कहा, बहन मुझे क्षमा करो, इनकी वो बास तुमको मुबारक हो, सुहाग के साथ मैंने फूल भी त्याग दिए, हाय जिस दिन वह कालरूपी नदी में नहाने गए हैं उस दिन ऐसे ही कलियों का हार बनाया था, रोकर वह हार धराका धराका गया, तब से मैंने फूलों को हाथ नहीं लगाया,
यह कहते कहते वह यकायक चौंक पड़ी और बोली, सखी अब मैं जाऊंगी, आज इतवार का दिन है, बाबू साहब आते होंगे। प्रेमा ने रोनी हंसकर कहा, नहीं सखी, अभी उनके आने में आध घंटे की देर है। मुझे इस समय का ऐसा ठीक परिचय मिल गया है कि अगर कोठरी में बंद कर दो तो भी शायद गलती न करूं। सखी कहते ला जाती है, मैं घंटों बैठकर झरोखे से उनकी राह देखा करती हूं। चंचल चित को बहुत समझती हूं, पर मानता ही नहीं। पूर्णा ने उसको ढारस दिया और अपनी सखी से गले मिल शर्माती हुई घूंघट से चेहरे को छिपाए अपने घर की तरफ चली और प्रेमी किसी के दर्शन की अभिलाषा कर महताबी पर जाकर टहलने लगी। पूर्णा के मकान पर पहुंचे ठीक आधी घड़ी हुई थी कि बाबू अमृतराय बाइसिकल पर फर फर करते आ पहुंचे। आज उन्होंने अंग्रेजी बाने की जगह बंगाली बाना धारण किया था, जो उन पर खूब सजता था। उनको देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह राजकुमार नहीं है। बाजारों में जब निकलाते तो सबकी औंखें उन्हीं की तरफ उठती थी। रीति के विरुद्ध आज उनकी दाहिनी कलाई पर एक बहुत ही सुगंधित मनोहर बेल का हार लिपटा हुआ था, जिससे सुगंध उड़ रही थी और इस सुगंध से लेवेंडर की खुशबू मिलकर मानो सोने में सुहागा हो गया था। संदली रेशमी के बेलदार कुर्ते पर धानी रंग की रेशमी चादर हवा के मंद मंद झोंकों से लहरा लहरा कर एक अनोखी छवि दिखाती थी। उनकी आहट पाते ही बिल्लो घर में से निकल आए और उनको ले जाकर कमरे में बैठा दिया। अमृतराय, क्यों बिल्लो, सब कुशल है? बिल्लो, हाँ सरकार सब कुशल है। अमृतराय, कोई तकलीफ तो नहीं है? बिल्लो, नहीं सरकार कोई तकलीफ नहीं है। इतने में बैठके का भीतर वाला दरवाजा खुला और पूर्णा निकली। अमृतराय ने उसकी तरफ देखा तो अचंभे में आ गए और उनकी निगाह आप ही आप उसके चेहरे पर जम गई। पूर्णा मारे लज्जा के गड़ी जाती थी कि आज क्यों यह मेरी ओर ऐसे ताक रहे हैं। वह भूल गई थी कि आज मैंने बालों में तेल डाला है, कंघी की है और माथे पर लाल बिंदी भी लगाई है। अमृतराय ने उसको इस बनाव चुनाव के साथ कभी नहीं देखा था और न वह समझे थे कि वह ऐसी रूपवती होगी। कुछ देर तक तो पूर्णा सर नीचा किए खड़ी रही। यकायक उसको अपने गुंथे केश की सुधी आ गई और उसने झट लजाकर सर और भी निहुरा लिया, घूंघट को बढ़ाकर चेहरा छिपा लिया। और यह ख्याल करके कि शायद बाबू साहब इस बनाव सिंगार से नाराज हों, वह बहुत ही भोलेपन के साथ बोली, मैं क्या करूं, मैं तो प्रेमा के घर गई थी। उन्होंने हट करके सर में मैं तेल डालकर बाल गूंथ दिए, मैं कल सब बाल कटवा डालूंगी। यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके बनाव सिंगार ने अमृतराय पर पहले ही जादू चलाया था, अब इस भोलेपन ने और लुभा लिया। जवाब दिया, नहीं नहीं तुम्हें कसम है ऐसा हरगिज न करना। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी सखी ने तुम्हारे ऊपर यह कृपा की। अगर वह यहाँ इस समय होती तो इसके निहोरे में मैं उनको धन्यवाद देता। पूर्णा पढ़ी लिखी औरत थी, इस इशारे को समझ गई और झेपेर गर्दन नीचे कर ली। बाबू अमृतराय दिल में डर रहे थे कि कहीं इस छेड़ पर यह देवी रुष्ट न हो जाए, नहीं तो फिर मनाना कठिन हो जाएगा। मगर जब उसे मुस्कुरा कर गर्दन नीची करते देखा तो और भी ढिठाई करने का साहस हुआ। बोले, मैं तो समझता था प्रेमा मुझे भूल होगी, मगर मालूम होता है कि अभी तक मुझ पर कुछ कुछ स्नेह बाकी है। अब की पूर्णा ने गर्दन उठाए और अमृतराय के चेहरे पर औंखें जमाकर बोली, जैसे कोई वकील किसी दुखियारे के लिए न्यायाधीश से अपील करता हो, बाबू साहब आपका केवल इतना समझना कि प्रेमा आपको भूल गई होगी, उन पर बड़ा भारी अपेक्ष है। प्रेमा का प्रेम आपके निमित्त सच्चा है, आज उनकी दशा देखकर मैं अपनी विपत्ति भूल गई, वह गलकर आधी हो गई है, महीनों से खाना पीना नामात्र है, सारे दिन आनी कोठरी में पड़े पड़े रोया करती हैं, घरवाले लाख लाख समझाते हैं मगर नहीं मानती। आज तो उन्होंने आपका नाम लेकर कहा, सखी अगर चेरी बनूंगी तो उन्हीं की। यह समाचार सुनकर अमृतराय कुछ उदास हो गए। यह अग्नि जो कलेजे में सुलग रही थी और जिसको उन्होंने सामाजिक सुधार के राख तले दबा रखा था, इस समय क्षण भर के लिए धधक उठी, जी बेचैन होने लगा, दिल उकसाने लगा कि मुंशी बदरी प्रसाद का घर दूर नहीं है, दम भर के लिए चलो, अभी सब काम हुआ जाता है। मगर फिर देशहित के उत्साह ने दिल को रोका। बोले, पूर्णा तुम जानती हो कि मुझे प्रेमा से कितनी मोहब्बत थी, 4 वर्ष तक मैं दिल में उनकी पूजा करता रहा, मगर मुंशी बदर प्रसाद ने मेरी दिनों की बंधी हुई आस केवल इस बात पर तोड़ दी कि मैं सामाजिक सुधार का पक्षपाती हो गया। आखिर मैंने भी रो रोकर उस आग को बुझाया और अब तो दिल एक दूसरी ही देवी की उपासना करने लगा है। अगर यह आशा भी यूं ही टूट गई तो सत्य मानो बिना ब्याह ही रहूंगा। पूर्णा का अब तक यह ख्याल था कि बाबू अमृतराय प्रेमा से ब्याह करेंगे, मगर अब तो उसको मालूम हुआ कि उनका ब्याह कहीं और लग रहा है। तब उसको कुछ आश्चर्य हुआ, दिल से बातें करने लगी, प्यारी प्रेमा क्या तेरी प्रीति का ऐसा दुखदायी परिणाम होगा, तेरो माँ बाप भाई बंद तेरी जान के ग्राह हो रहे हैं,
यह बेचारा तो अभी तक तुझ पर जान देता है। चाहे वह अपने मुंह से कुछ भी न कहे, मगर मेरा दिल गवाही देता है कि तेरी मोहब्बत उसके रोम रोम में व्याप रही है। मगर जब तेरे मिलने की कोई आशा ही ना हो तो बेचारी क्या करे, मजबूर होकर कहीं और ब्याह करेगा। इसमें सका क्या दोष है? मन में इस तरह विचार कर बोली, बाबू साहब, आपको अधिकार है, जहां चाहो संबंध करो, मगर मैं मो यही कहूंगी कि अगर इस शहर में आपके जोड़ की कोई है तो वही प्रमा है। अमृत शून्य यह क्यों नहीं कहती कि यहाँ उनके योग्य कोई वर नहीं, इसीलिए तो मुंशी बदरी प्रसाद ने मुझे छुटकार किया। पूर्णा, यह आप कैसी बात कहते हैं? प्रेमा और आपका जोड़ ईश्वर ने अपने हाथ से बनाया है। अमृत शून्य, जब उनके योग्य मैं था, अब नहीं हूँ। पूर्णा, अच्छा आजकल किसके यहाँ बातचीत हो रही है? अमृत शून्य मुस्कराकर, नाम अभी नहीं बताऊंगा। बातचीत तो हो रही है, मगर अभी कोई पक्की उम्मीदें नहीं है। पूर्णा, वाह, ऐसा भी कहीं हो सकता है? यहाँ ऐसा कौन रईस है जो आपसे नाता करने में अपनी बड़ाई न समझता हो? अमृत शून्य, नहीं, कुछ बात ही ऐसी आ पड़ी है। पूर्णा, अगर मुझसे कोई काम हो सके तो मैं करने को तैयार हूँ, जो काम मेरे योग्य हो बता दीजिए। अमृत मुस्कराकर, तुम्हारी मर्जी बिना तो वह काम कभी पूरा हो ही नहीं सकता। तुम चाहो तो बहुत जल्द मेरा घर बस सकता है। पूर्णा बहुत प्रसन्न हुई कि मैं भी अब इनके कुछ काम आ सकूंगी। उसकी समझ में इस वाक्य के अर्थ नहीं आए कि तुम्हारी मर्जी बिना तो वह काम पूरा हो ही नहीं सकता। उसने समझा कि शायद मुझसे यही कहेंगे कि जाके लड़की को देखावे। 6 महीने के अंदर ही अंदर वह इसका अभिप्राय भली भांति समझ गई। बाबू अमृतराय कुछ देर तक यहाँ और बैठे। उनकी आंखें आज इधर उधार से घूमकर आती और पूर्णा के चेहरे पर गड़ जाती। वह कनखी से उनकी ओर ताकती तो उन्हें अपनी तरफ ताकते पाती। आखिर वह उठे और चलते समय बोले, पूर्णा, यह गजरा आज तुम्हारे वास्ते लाया हूँ, देखो इसमें से कैसे सुगंध उड़ रही है। पूर्णा भौचक हो गई, यह आज अनोखी बात कैसी? 1 मिनट तक तो वह इस सोच विचार में थी कि लूं या न लूं। उन गजरों का ध्यान आया जो उसने अपने पति के लिए होली के दिन बनाए थे। फिर की कलियों का ख्याल आया, उसने इरादा किया, मैं न लूंगी। जबान ने कहा, मैं इसे लेकर क्या करूंगी, मगर हाथ आप ही आप बढ़ गया। बाबू साहब ने खुश होकर गजरा उसके हाथ में पिन्हाया, उसको खूब नजर भर कर देखा, फिर बाहर निकल आए और पैरगाड़ी पर सवार हो रवाना हो गए। पूर्णा कई मिनट तक सन्नाटे में खड़ी रही। वह सोचती थी कि मैंने तो गजरा लेने से इनकार किया था, फिर यह मेरे हाथ में कैसे आ गया, जी चाह की फेंक दे। मगर फिर यह ख्याल पलट गया और उसने गजरे को हाथ में पहन लिया। हाय, उस समय भी भोली भाली पूर्णा के समझ में ना आया कि इस जुमले का क्या मतलब है कि तुम चाहो तो बहुत जल्द मेरा घर बस सकता है। उधर प्रेमा महताबी पर टहल रही थी, उसने बाबू साहब को आते देखा था। उनकी सज धज उसकी आंखों में खुब गई थी, उसने उन्हें कभी इस बनाव के साथ नहीं देखा था। वह सोच रही थी कि आज इनके हाथ में गजरा क्यों है। उसकी आंखें पूर्णा के घर की तरफ लगी हुई थी। उसका जी झुंझलाता था कि वह आज इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। एकाएक पैरगाड़ी दिखाई दी, उसने फिर बाबू साहब को देखा, चेहरा खिला हुआ था, कलाइयों पर नजर पड़ी गई, हाय वह गजरा क्या हो गया। भाग 6। पूर्णा ने गजरा पहन तो लिया, मगर रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उसकी समझ में यह बात न आती थी कि अमृतराय ने उसे गजरा क्यों दिया। उसे ऐसा मालूम होता था कि पंडित बसंत कुमार उसकी तरफ बहुत क्रोध से देख रहे हैं। उसने चाहा कि गजरा उतार कर फेंक दूं, मगर नहीं मालूम क्यों उसके हाथ कांपने लगे। सारी रात उसने आंखों में काटी। प्रभात हुआ, अभी सूर्य भगवान ने भी कृपा न की थी कि पंडायन और चौबाइन और बाबू कमला प्रसाद की वृद्ध महाराजन और पड़ोस की सेठानी जी कई दूसरी औरतों के साथ पूर्णा के मकान में आ उपस्थित हुई। उसने बड़े आदर से सबको बिठाया, सबके पैर छुए, उसके बाद यह पंचायत होने लगी। पंडायन, जो बुढ़ापे की वजह से सूखकर छुहारे की तरह हो गई थी, क्यों दुल्हन, पंडित जी को गंगालाभ हुए कितने दिन बीते। पूर्णा, डरते डरते 5 महीने से कुछ अधिक हुआ होगा। पंडायन, और अभी से तुम सबके घर आने जाने लगी, क्या नाम की कल तुम सरकार के घर चली गई थी, उनक क्वारी कन्या के पास दिन भर बैठी रही, भला सोचो तुमने कोई अच्छा काम किया। क्या नाम की तुम्हारा और उनका अब क्या साथ, जब वह तुम्हारी सखी थी तब थी, अब तो तुम विधवा हो गई, तुमको कम से कम साल भर तक घर से बाहर पौव न निकालना चाहिए। तुम्हारे लिए साल भर तक हंसना बोलना मना है। हम यह नहीं कहते कि तुम दर्शन को न जाव या स्नान को न जाव, स्नान पूजा तो तुम्हारा धर्म ही है। हो किसी सुहागिन या किसी क्वारी कन्या पर तुमको अपनी छाया नहीं डालनी चाहिए।
पंडाइन चुप हुई तो महाराजन टुयो की तरह चहकने लगी, क्या बतलाऊं, बड़ी सरकार और दुलाहिन दोनों लहू का ढूंढ पीकर रह गई। ईश्वर जाने बड़ी सरकार तो बिलख बिलख रो रही थी कि एक तो बेचारी लड़की के यूं हर जान के लाले पड़े हैं, दूसरी अब रॉड बेवा के साथ उठना बैठना है, नहीं मालूम नारायण क्या करने वाले है। छोटी सरकार मारे क्रोध के कौप रही थी, आंखों से ज्वाला निकल रही थी। बारे मैंने उनको समझाया कि आज जाने दीजिए, वह बेचारी तो अभी बच्चा है, खोटे खरे का मर्म क्या जाने, सरकार का बेटा जिए, जब बहुत समझाया तब जाके माई, नहीं तो कहती थी मैं अभी जाकर खड़े खड़े निकाल देती हूँ। सो बेटा, अब तुम सुहागिनों के साथ बैठने योग्य नहीं रही। अरे ईश्वर ने तो तुम पर विपत्ति डाल दी, जब अपना प्राणप्रिय ही न रहा तो अब कैसा हंसना बोलना। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि चुपचाप अपने घर में पड़ी रहो, जो कुछ रुखा सूखा मिले खावो पियो, और सरकार का बेटा जिए, जहां तक हो सके धर्म के काम करो। महाराजन के चुप होते ही चौबाइन गरजने लगी, यह एक मोटी भदेसिल और अधेड़ औरत थी, भला इनसे पूछा कि अभी तुम्हारे दुल्हे को उठे पौच महीने भी न बीते, अभी से तुम कंधी चोटी करने लगी, क्या कि तुम अब विधवा हो गई, तुमको अब सिंगार पेटार से क्या सरोकार ठहरा, क्या नाम की मैंने हजारों औरतों को देखा है जो पति के मरने के बाद गहना पाता नहीं पहनती, हंसना बोलना तक छोड़ देती है, यह न कि आज तो सुहाग उठा और कल सिंगार पटार होने लगा। मैं लल्लो पत्तों की बात नहीं जानती, कहूंगी सच, चाहे किसी को तीता लगे या मीठा। बाबू अमृतराय का रोज रोज आना ठीक नहीं है, है कि नहीं सेठानी जी? सेठानी जी बहुत मोटी थी और भारी भारी गहनों से लदी थी, मांस के लोथड़े हड्डियों से अलग होकर नीचे लटक रहे थे। इसकी भी एक बहू रौड़ हो गई थी जिसका जीवन इसने व्यर्थ कर रखा था। इसका स्वभाव था कि बात करते समय हाथों को मटकाया करती थी। महाराजन की बात सुनकर जो सच बात होगी सब कोई कहेगा, इसमें किसी का क्या डर, भला किसी ने कभी रौर बेवा को भी माथे पर बिंदी देते देखा है? जब सुहाग उठ गया तो फिर सिंदूर कैसा, मेरी भी तो एक बहु विधवा है, मगर आज तक कभी मैंने उसको लाल साड़ी नहीं पहनने दी। ना जाने इन छोकरियों का जी कैसा है कि विधवा हो जाने पर भी सिंगार पर जी ललचाया करता है। अरे इनको चाहिए कि बाबा अब रॉड हो गई, हमको निगोड़े सिंगार से क्या लेना। महाराजन सरकार का बेटा जिए, तुम बहुत ठीक कहती हो सेठानी जी, कल छोटी सरकार ने जो इनको मौन में सिंदूर लगाए देखा तो खड़ी ठक रह गई, दोतों तले उंगली दबाई की अभी 3 दिन की विधवा और यह सिगार। सो बेटा अब तुमको समझ बूझ कर काम करना चाहिए, तुम अब बच्चा नहीं हो सेठानी, और क्या, चाहे बच्चा हो या बूढ़ी, जब बेराह चलेगी तो सभी कहेंगे। चुप क्यों हो पंडाइन, इनके लिए अब कोई राह बाट निकाल दो। डाइन जब यह अपने मन की हो गई तो कोई क्या राह बाट निकाले, इनको चाहिए कि ये अपने लंबे लंबे केश कटवा डाले, क्या नाम की दूसरों के घर आना जाना छोड़ दे, कंधी चोटी कभी न करे, पान न खाए, रंगीन साड़ी न पहने और जैसे संसार की विधवाएं रहती है वैसे रहें। चौबाइन और बाबू अमृतराय से कह दे कि यहाँ न आया करें। इस पर एक औरत ने जो गहने कपड़े से बहुत मालदार न जान पड़ती थी कहा, चौबाइन यह सब तो तुम कह गई, मगर जो कहीं बाबू अमृतराय चिढ़ गए तो क्या तुम इस बेचारी का रोटी कपड़ा चला दोगी, कोई विधवा हो गई तो क्या अब अपना मुंह सी लें। महाराजन हाथ चमकाकर यह कौन बोला, थिसों क्या ममता फड़कने लगी, सेठानी हाथ मटकाकर तुझे किसने बुलाया जो आके बीच में बोल उठी, रोड़ तो हो गई हो, काहे नहीं जाके बाजा में बैठती हो, चौबाइन जाने भी दो सेठानी जी, इस बोई के मुंह क्या लगती हो, सेठानी कड़क कर इस मुई को यहाँ किसने बुलाया, यह तो चाहती है जैसी मैं बेहयास हूँ वैसा ही संसार हो जाए, महाराजन हम तो सीख दे रही थी तो इसे क्यों बुरा लगा, यह कौन होती है बीच में बोलने वाली, चौबाइन बहन उस कुटनी से नाहक बोलती हो, उसको तो अब कुटनापा करना है, इस भांति कटुक्तियों द्वारा सीख देकर यह सब स्त्रियां यहाँ से पधारी। महाराजन भी मुंशी बदरी प्रदान के यहाँ खाना पकाने गई, इनसे और छोटी सकार से बहुत बनती थी, वह इन पर बहुत विश्वास रखती थी। महाराजन ने जाते ही सारी कथा खूब नमक मिर्च लगाकर बयान की और छोटी सरकार ने भी इस बात को गौट बौद्ध लिया और प्रेमा को जलाने और सुलगाने के लिए उसे उत्तम समझकर उसके कमरे की तरफ चली। यूं तो प्रेमा प्रतिदिन सारी रात जगा करती थी, मगर कभी कभी घंटे आध घंटे के लिए नींद आ जाती थी। नींद क्या आ जाती थी, एक ऊंक सी आ जाती थी, मगर जब से उसने बाबू अमृतराय को बंगालियों के भेस में देखा था और पूना के घर से लौटते वक्त उसको उनकी कलाई पर गजरा न नजर आया था, तब से उसके पेट में खलबली पड़ी हुई थी कि कब पूना आवे और कब सारा हाल मालूम हो। रात को बेचैनी के मारे उठ उठ घड़ी पर औंखें दौड़ाती कि कब भोर हो।
इस वक्त जो भावज के पैरा की चाल सुनी तो यह समझकर कि पूर्णा आ रही है, लपकी हुई दरवाजे तक आई। मगर जो ही भावज को देखा ठिठक गई और बोली, कैसे चली भाभी? भाभी तो यह चाहती ही थी कि छेड़छाड़ के लिए कोई मौका मिले। यह प्रश्न सुनते ही तिनका बोली, क्या बताओ कैसे चली? अब से जब तुम्हारे पास आया करूंगी तो इस सवाल का जवाब सोचकर आया करूंगी। तुम्हारी तरह सबका लोहू थोड़े ही सफेद हो गया है कि चाहे किसी की जान निकल जाए, घी का घड़ा ढलक जाए, मगर अपने कमरे से पौ बाहर ना निकाले। प्रेमा ने वह सवाल यूं ही पूछ लिया था। उसके जब यह अर्थ लगाए गए तो उसको बहुत बुरा मालूम हुआ। बोली, भाभी तुम्हारे तो नाक पर गुस्सा रहता है, तुम जरा सी बात का बदगंठ बना देती हो। भला मैंने कौन सी बात बुरा मानने की कही थी? भाभी कुछ नहीं, तुम तो जो कुछ कहती हो मानो मुंह से फूल झाड़ती हो। तुम्हारे मुंह में मिश्री घोली हुई ना, और सबके तो नाक पर गुस्सा रहता है, सबसे लड़ा ही करते हैं। प्रेमा झल्ला कर, भावज इस समय मेरा तो चित बिगड़ा हुआ है, ईश्वर के लिए मुझसे मत उलझो, मैं तो यूं ही अपनी जान को रो रही हूँ, उस पर से तुम और भी नमक छिड़कने आई। भाभी मटक कर, हाँ रानी मेरा तो चित बिगड़ा हुआ है, सर फिरा हुआ है, जरा सीधी सादी हूँ ना, मुझको देखकर भागा करो। मैं कटी कुतिया हूँ, सबको काटती चलती हूँ। मैं भी यारों को चुपके चुपके चिट्ठी पत्री लिखा करती, तस्वीरें बदला करती तो मैं भी सीता कहलाती और मुझ पर भी घर भर जान देने लगता। मगर मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तुम लाख जतन करो लाख चिट्ठियां लिखो, मगर वह सोने की चिड़िया हाथ आने वाली नहीं। यह जली कटी सुनकर प्रेमा से जबत न हो सका। बेचारी सीधे स्वभाव की औरत थी, उसका वर्षों से विरह की बगनी में जलते जलते कलेजा और भी पक गया था। वह रोने लगी। भावज ने जब उसको रोते देखा तो मारे हर्ष के औखें जगमगा गईं। हत्तेरे की कैसा रुला दिया, बोली बिलखने क्या लगी, क्या अम्मा को सुनाकर देश निकाला करा दोगी? कुछ झूठ थोड़ी ही कहती हूँ, वही अमृतराय जिनके पास आप चुपके चुपके प्रेम पत्र भेजा करती थी, अब दिन दहाड़े उस रॉवर पूर्णा के घर आता है और घंटों वहीं बैठा रहता है। सुनती हूँ फूल के गजरेला लाकर पहनाता है, शायद दो एक गहने भी दिए है। प्रेमा इससे ज्यादा न सुन सकी, गिड़गी कर बोली, भाभी मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे जो चाहो कह लो, रोकर बड़ी हो जी चाहे मार लो, मगर किसी का नाम लेकर और उस पर छठे रखाकर मेरे कदल को मत जलाओ। आखिर किसी के सर पर झूठ मूठ अपराध क्यों लगाती हो? प्रेमा ने तो यह बात बड़ी दीनता से कही, मगर छोटी सरकार छुदे रखकर पर बिगड़ गई। चमक कर बोली, हाँ हाँ रानी मैं दूसरों पर छुदे रखकर तुमको जलाने आती हूँ, मैं तो झूठ का व्यवहार करती हूँ, मुझे तुम्हारे सामने झूठ बोलने से मिठाई मिलती होगी। आज मोहल्ले भर में घर घर यही चर्चा हो रही है, तुम तो पढ़ी लिखी हो, भला तुम ही सोचो एक 30 वर्ष के संडे मर्दवे का पूर्णा से क्या काम। माना कि वह उसका रोटी कपड़ा चलाते हैं, मगर यह तो दुनिया है, जब एक पर आ पड़ती है तो दूसरा उसके आड़ आता है। भले मनुष्यों का यह ढंग नहीं है कि दूसरे को बहकाया करें, और उस छोकरी को क्या कोई बहकाएगा, वह तो आप मर्दों पर डोरे डाला करती है। मैंने तो जिस दिन उसकी सूरत देखी रथी उसी दिन ताड़ गई थी कि यह एक ही विष की गांठ है। अभी 3 दिन भी दूल्हे को मरे हुए नहीं बीते कि सबको झमकड़ा दिखाने लगी। दूल्हा क्या मरा मानो एक बला दूर हुई। कल जब वह यहाँ आई थी तो मैं बाल बुंधा रही थी, नहीं तो डेयरी के भीतर तो पैर धरने ही नहीं देती। चुड़ैल कहीं की यहाँ आकर तुम्हारी सहेली बनती है, इसी से अमृतराय को अपना यौवन दिखाकर अपना लिया। कल कैसा लचक लचक कर ठुमुक ठुमुक चलती थी, देख देख कर औखें फूटती थी। खबरदार जो अब कभी तुमने उस चुड़ैल को अपने यहाँ बिठाया, मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहती। जबान वह बला है कि झूठ बात का भी विश्वास दिला देती है। छोटी सरकार ने जो कुछ कहा वह तो सब सच था, भला उसका असर क्यों ना होता। अगर उसने गजरा लिए हुए जाते न देखा होता तो भावच की बातों को अवश्य बनावट समझती। फिर भी वह ऐसी ओछी नहीं थी कि उसी वक्त अमृतराय और पूर्णा को कोसने लगती और यह समझ लेती कि उन दोनों में कुछ सॉट गॉट है। हाँ वह अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई और मुंह लपेटकर कुछ सोचने लगी। प्रेमा को तो पनलंग पर लेटकर भावच की बातों को तौलने दीजिए और हम मर्दाने में चले। यह एक बहुत सजा हुआ लंबा चौड़ा दीवान खाना है, जमीन पर मिर्जापुर खूबसूरत कालीने बिछी हुई है, भोती भोती की गद्देदार कुर्सियां लगी हुई है, दीवारें उत्तम चित्रों से भूक्षित है, पंखा झला जा रहा है। मुंशी बदरी प्रसाद एक आराम कुर्सी पर बैठे ऐनक लगाए एक अखबार पढ़ रहे हैं। उनके दाएं बाएं की कुर्सियों पर कोई और महाशय रईस बैठे हुए है।
वह सामने की तरफ मुंशी गुलजारीलाल हैं और उनके बगल में बाबू दाननाथ है। दाहिनी तरफ बाबू कमला प्रसाद मुंशी झम्मनलाल से कुछ कानाफूसी कर रहे हैं। बाईं और दो तीन और आदमी है जिनको हम नहीं पहचानते। कई मिनट तक मुंशी बदरी प्रसाद अखबार पढ़ते रहे, आखिर सर उठाया और सभा की तरफ देखकर बड़ी गंभीरता से बोले, बाबू अमुतराय के लेख अब बड़े ही निंदनीय होते जाते हैं। गुलजारीलाल क्या आज फिर कुछ जहर उगला? बदरी प्रसाद कुछ न पूछिए, आज तो उन्होंने खुली खुली गालियां दी है। हमसे तो अब यह बर्दाश्त नहीं होता। गुलजारी आखिर कोई कहां तक बर्दाश्त करे, मैंने तो इस अखबार का पढ़ना तक छोड़ दिया। झम्मनलाल गोया अपने अपनी समझ में बड़ा भारी काम किया। अजी आपका धर्म यह है कि उन लेखों को काटिए, उनका उत्तर दीजिए। मैं आजकल एक कवित रच रहा हूँ, उसमें मैंने इनको ऐसा बनाया है कि यह भी क्या याद करेंगे। कमला प्रसाद बाबू अमृत राय ऐसे अजीबे आदमी नहीं है कि आपके कवित चौपाई से डर जाए। वह जिस काम में लिपटते हैं सारे जी से लिपटते हैं। झम्मन शून्य हम भी सारे जी से उनके पीछे पड़ जाएंगे, फिर देखे वह कैसे शहर में मुंह दिखाते हैं। कहो तो चुपकी बजाते उनको सारे शहर में बदनाम कर दूं। कमला शून्य जोर देकर, यह कौन सी बहादुरी है? अगर आप लोग उनसे विरोध मोल लिया चाहते हैं तो सोच समझ कर लीजिए। उनके लेखों को पिए, उनको मन में विचारिए, उनका जवाब लिखिए, उनकी तरह देहातों में जा जाकर व्याख्यान दीजिए, तब जाके काम चलेगा। कई दिन हुए मैं अपने इलाके पर से आ रहा था कि एक गांव में मैंने 10-12 हजार आदमियों की भीड़ देखी। मैंने समझा पेट है, मगर जब एक आदमी से पूछा तो मालूम हुआ कि बाबू अमृत राय का व्याख्यान था। और यह काम अकेले वही नहीं करते, कॉलेज के कई होनहार लड़के उनके सहायक हो गए हैं। और यह तो आप लोग सभी जानते हैं कि इधर कई महीने से उनकी वकालत अंधाधुंध बढ़ रही है। गुलजारीलाल आप तो सलाह इस तरह देते हैं गोया आप खुद कुछ न करेंगे। कमला प्रसाद न, मैं इस काम में आपका शरीक नहीं हो सकता। मुझे अमृत राय के सब सिद्धांतों से मेल है, सिवाय विधवा विवाह के। बदरी प्रसाद टपट कर, बच्चे कभी तुमको समझ न आएगी, ऐसी बातें मुंह से मत निकाला करो। झम्मनलाल कमला प्रसाद से, क्या आप विलायत जाने के लिए तैयार है? कमला प्रसाद मैं इसमें कोई हानि नहीं समझता। गुलजारीलाल हंसकर, यह नए बिगह हैं, इनको अभी अस्पताल की हवा खिलाए। बदरी प्रसाद झल्लाकर, बच्चा तुम मेरे सामने से हट जाओ, मुझे रोज होता है। कमला प्रसाद को भी गुस्सा आ गया, वह उठकर जाने लगे कि दो तीन आदमियों ने मनाया और फिर कुर्सी पर लाकर बिठा दिया। इसी बीच में मिस्टर शर्मा की सवारी आई। आप वही उत्साही पुरुष हैं जिन्होंने अमृत राय को पक्की सहायता का वादा किया था। इनको देखते ही लोगों ने बड़े आदर से कुर्सी पर बिठा दिया। मिस्टर शर्मा उस शहर में म्यूनिसिपालिटी के सेक्रेटरी थे। गुलजारीलाल कहिए पंडित जी क्या खबर है? मिस्टर शर्मा मूंछों पर हाथ फेरकर, वह ताज़ा खबर लाया हूँ कि आप लोग सुनकर फड़क जाएंगे। बाबू अमृत राय ने दरिया के किनारे वाली हरी भरी जमीन के लिए दरखास्त है, सुनता हूँ वहाँ एक अनाथालय बनवाएंगे। बदरी प्रसाद ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कमला प्रसाद तुम आज उसी जमीन के लिए हमारी तरफ से कमेटी में दरखास्त पेश कर दो, हम वहाँ ठाकुर द्वारा और धर्मशाला बनवाएंगे। मिस्टर शर्मा आज अमृत राय साहब के बंगले पर गए थे, वहाँ बहुत देर तक बातचीत होती रही। साहब ने मेरे सामने मुस्कुरा कर कहा, अमृत राय मैं देखूंगा कि जमीन तुमको मिले। गुलजारीलाल ने सर हिलाकर कहा, अमृत राय बड़े चाल के आदमी है, मालूम होता है साहब को पहले ही से उन्होंने अपने ढंग पर लगा लिया है। मिस्टर शर्मा जनाब आपको मालूम नहीं अंग्रेजों से उनका कितना मेलजोल है, हमको अंग्रेज मेंबरों से कोई आशा नहीं रखना चाहिए, वह सब के सब अमृत राय का पक्ष करेंगे। बदरी प्रसाद जोर देकर, जहां तक मेरा बस चलेगा मैं यह जमीन अमृत राय को न लेने दूंगा। क्या डर है अगर और ईसाई मेंबर उनके तरफदार है, यह लोग 5 से अधिक नहीं, बाकी 22 मेंबर अपने हैं, क्या हमको उनकी वोट भी न मिलेगी? यह भी न होगा तो मैं उस जमीन को दाम देकर लेने पर तैयार हूँ। झम्मनलाल जनाब मुझको पक्का विश्वास है कि हमको आधे से ज्यादा वोट अवश्य मिल जाएंगे। एक बहुत ही उत्तम रीति से सजा हुआ कमरा है, उसमें मिस्टर वाल्टर साहब बाबू अमृत राय के साथ बैठे हुए कुछ बातें कर रहे हैं। वाल्टर साहब यहाँ के कमिश्नर है और साधारण अंग्रेजों के अतिरिक्त प्रजा के बड़े हितैषी और बड़े उत्साही प्रजापालक है। आपका स्वभाव ऐसा निर्मल है कि छोटा बड़ा कोई हो सबसे हंसकर क्षेम कुशल पूछते और बात करते हैं। वह प्रजा की अवस्था को उन्नत दशा में ले जाने का उद्योग किया करते हैं और यह उनका नियम है कि किसी हिंदुस्तानी से अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे। अभी पिछली साल जब प्लेग का डंका चारों ओर घेंघोर बज रहा था
वाल्टर साहब गरीब किसानों के घर जाकर उनका हाल चाल देखते थे और अपने पास से उनको कंबल बौटते फिरते थे। और अकाल के दिनों में तो वह सदा प्रजा की ओर से सरकार के दरबार में वादानुवाद करने के लिए तत्पर रहते हैं। साहब अमृतराय की सच्ची देशभक्ति की बड़ी बड़ाई किया करते हैं और बहुधा प्रजा की रक्षा करने में दोनों आदमी एक दूसरे की सहायता किया करते हैं। वाल्टर मुस्कुरा कर, बाबू साहब आप बड़ा चालाक है, आप चाहता है कि मुंशी बद्री प्रसाद से थैली भर रूपा ले, मगर आपका बात वह नहीं मानने सकता। अमृतराया, मैंने तो आपसे कह दिया कि मैं अनाथालय अवश्य बनवाऊंगा और इस काम में 20,000 से कम न लगेगा। अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो आशा है कि यह काम भी सफल हो जाए और मैं भी बना रहूं। और अगर आप कतरा गए तो ईश्वर की कृपा से मेरे पास अभी इतनी जायदाद है कि अकेले 2 अनाथालय बनवा सकता हूँ, मगर हाँ तब मैं और कामों में कुछ भी उत्साह न दिखा सकूंगा। वाल्टर हंसकर, बाबू साहब आप तो जरा से बात में नाराज हो गया, हम तो बोलता है कि हम तुम्हारा मदद 2,000 से कर सकता है, मगर बदरी प्रसाद से हम कुछ नहीं कहने सकता, उसने अभी अकाल में सरकार को 5,000 दिया है। अमृतराय, तो यह 2,000 में लेकर क्या करूंगा, मुझे तो आपसे 15,000 की पूरी आशा थी। मुंशी बदरी प्रसाद के लिए 5,000 क्या बड़ी बात है, तब से इसका दुगना तो वह एक मंदिर बनवाने में लगा चुके हैं, और केवल इस आशा पर कि उनको CIE की पदवी मिल जाएगी वह इसका 10 गुना आज दे सकते हैं। वाल्टर अमृतराय से हाथ मिलाकर, वेल अमृतराय तुम बड़ा चालाक है, तुम बड़ा चालाक है, तुम मुंशी बदरी प्रसाद को लूटना मांगता है, यह कहकर साहब उठ खड़े हुए। अमृतराय भी उठे, बाहर फिटन खड़ी थी, दोनों उस पर बैठ गए। साइस ने घोड़े को चाबुक लगाया और देखते देखते मुंशी बदरी प्रसाद के मकान पर जा पहुंचे। ठीक उसी वक्त जब वहां अमृतराय से रार बढ़ाने की बातें सोची जा रही थी। प्यारे पाठकगण, हम यह वर्णन करके कि इन दोनों आदमियों के पहुंचते ही वहां कैसी खलबली पड़ गई, मुंशी बदरी प्रसाद ने इनका कैसा आदर किया, गुलजारीलाल दाननाथ और मिस्टर शर्मा कैसी औखे चुराने लगे, या साहब ने कैसे काट छांट की बातें की और मुंशी जी को CIE की पदवी की किन शब्दों में आशा दिलाए, आपका समय नहीं गंवाया चाहते। खुलासा यह कि अमृतराय को यहाँ से 70,000 रूपा मिला, मुंशी बदरी प्रसाद ने अकेले 12,000 दिया जो उनकी उम्मीद से बहुत ज्यादा था। वह जब यहाँ से चले तो ऐसा मालूम होता था कि मानो कोई गड़ी जीते चले आ रहे हैं। वह जमीन भी जिसके लिए उन्होंने कमेटी में दरखास्त की थी मिल गई और आज ही इंजीनियर ने उसको नापकर अनाथालय का नक्शा बनाना आरंभ कर दिया। साहब और अमृतराय के चले जाने पर यहाँ यो बातें होने लगी। जमनलाल यार, हमको तो इस लौंडे ने आज 500 के रूप में डाल दिया। गुलजारी लाल, जनाब आप 500 को रो रही है, यहाँ तो 1,000 पर पानी फिर गया। मुंशी जी तो CIE की पदवी पावेगे, यहाँ तो कोई राय बहादुरी को भी नहीं पूछता। कमला प्रसाद, बड़े शोक की बात है कि आप लोग ऐसे शुभ कार्य में सहायता देकर पछताते हैं। अमृतराय को देखिए कि उन्होंने अपना एक गौ बेचकर 10,000 रूपा भी दिया और उस पर दौड़ धूप अलग कर रहे हैं। मुंशी बदरी प्रसाद, अमृतराय बड़ा उत्साही आदमी है, मैंने आज इसको जाना। बच्चा कमला प्रसाद, तुम आज शाम को उनके यहाँ जाकर हमारी ओर से धन्यवाद दे देना। जमनलाल, मुंह फेर कर आप क्यों ना प्रसन्न होंगे, आपको तो पदवी मिलेगी ना। कमला प्रसाद हंसकर, अगर आपका वह कवित तैयार हो तो जरा सुनाए। दाननाथ जो अब तक चुपचाप बैठे हुए थे बोले, अब आप उनकी निंदा करने की जगह उनकी प्रशंसा कीजिए। मिस्टर शर्मा, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब सभा विसर्जन कीजिए, आज यह मालूम हो गया कि अमृतराय अकेले हम सब पर भारी है। कमला प्रसाद, आपने नहीं सुन, सत्य की सदा जय होती है। भाग 7, आज से कभी मंदिर न जाऊंगी। बेचारी पूर्णा पंडाइन चौबाइन मिश्राइन आदि के चले जाने के बाद रोने लगी। वह सोचती थी कि हाय अब मैं ऐसी मनहूस समझी जाती हूँ कि किसी के साथ बैठ नहीं सकती, अब लोगों को मेरी सूरत काटने दौड़ती हैं, अभी नहीं मालूम क्या क्या भोगना बदा है। या नारायण, तू ही मुझ दुखिया का बेड़ा पार लगा, मुझ पर न जाने क्या कुमति सवार थी कि सिर में एक तेल डलवा लियो, यह निगोड़े बाल न होते तो काहे को आज इतनी फजीहत होती। इन्हीं बातों की सुधि करते करते जब पंडाइन की यह बात याद आ गई कि बाबू अमृतराय का रोज रोज आना ठीक नहीं, तब उसने सिर पर हाथ मारकर कहा, वह जब आप ही आप आते हैं तो मैं कैसे मना कर दूं, मैं तो उनका दिया खाती हूं, उनके सिवाय अब मेरी सुधि लेने वाला कौन है, उनसे कैसे कह दूं कि तुम मत आओ, और फिर उनके आने में हरज ही क्या है, बेचारे सीधे साधे भले मनुष्य है, कुछ नंगे नहीं शोहदे नहीं, फिर उनके आने में क्या हरज है। जब वह और बड़े आदमियों के घर जाते हैं तब तो लोग उनको औखों पर बिठाते हैं,
मुझ भिखारिन के दरवाजे पर आवे तो मैं कौन हूँ लेकर उनको भगा दूँ। नहीं नहीं, मुझसे ऐसा कभी ना होगा। अब तो मुझ पर विपत्तियाँ ही पड़ी है, जिसके जी में जो आवे कहे। इन विचारों से छुट्टी पाकर वह अपने नियमानुसार गंगा स्नान को चली। जब से पंडित जी का देहांत हुआ था तब से वह प्रतिदिन गंगा नहाने जाया करती थी, मगर मुंह अंधेरे जाती और सूर्य निकलते लौट आती। आज इन बिन बुलाए मेहमानों के आने से देर हो गई। थोड़ी दूर चली होगी कि रास्ते में सेठानी की बहू से भेंट हो गई। इसका नाम रामकली था। यह बेचारी 2 साल से रंडे पर भोग रही थी। आयु 16 अथवा 17 साल से अधिक न होगी। वह अति सुंदरी नक्षिक से दुरुस्त थी। गात ऐसा कोमल था कि देखने वाले देखते ही रह जाते थे। जवानी की उम्र मुखड़े से झलक रही थी। अगर पूर्णा पके हुए आम के समान पीली हो रही थी तो वह गुलाब के फूल की भांति खिली हुई थी। न बाल में तेल था, न आँखों में काजल, न मौंग में सिंदूर, न दौतों पर मिस्सी, मगर आँखों में वह चंचलता थी, चाल में वह लचक और होठों पर वह मनभवानी लाली थी कि जिससे बनावटी श्रृंगार की जरूरत न रही थी। वह मटकती इधर उधर ताकती मुस्कुराती चली जा रही थी कि पूर्णा को देखते ही छिठक गई और बड़े मनोहर भाव से हंसकर बोली, आओ बहन आओ, तुम तो जानो बताशी पर पैर धर रही हो। पूर्णा को यह छेड़छाड़ की बात बुरी मालूम हुई, मगर उसने बड़ी नरमी से जवाब दिया, क्या करूं बहन, मुझसे तो और तेज नहीं चला जाता। रामकली, सुनती हूँ कल हमारी डाइन कई चुड़ैलों के साथ तुमको जलाने गई थी। जानो मुझे सताने से अभी तक जी नहीं भरा। तुमसे क्या कहूँ बहन, यह सब ऐसा दुख देती है कि जी चाहता है माहुर खा लूं। अगर यही हाल रहा तो एक दिन अवश्य यही होना है। नहीं मालूम ईश्वर का क्या बिगाड़ा था कि स्वप्न में भी जीवन का सुख न प्राप्त हुआ। भला तुम तो अपने पति के साथ 2 वर्ष तक रही भी, मैंने तो उसका मुंह भी नहीं देखा। जब तमाम औरतों को बनाव सिंगार किए हंसी खुशी चलते फिरते देखती हूँ तो छाती पर सांप लौटने लगता है। विधवा क्या हो गई, घर भर की लौड़ी बना दी गई। जो काम कोई ना करे वह मैं करूँ। उस पर रोज उठते जूते, बैठते लात, काजा मत लगाओ, किसी मत लगाओ, बाल मत गुंथाओ, रंगीन साड़ियाँ मत पहनो, पान मत खाओ। एक दिन एक गुलाबी साड़ी पहन ली तो चुड़ैल मारने उठी थी। जी में तो आया कि सर के बाल नोच लूं, मगर विष का घूंट पी के रह गई और वह तो वह। उसकी बेटियां और दूसरी बहुएं मुझसे कन्नी काटती फिरती है। भोर के समय कोई मेरा मुंह नहीं देखता। अभी पड़ोस में एक ब्याह पड़ा था। सबकी सब गहने से लद लद गाती बजाती गई। एक में ही अभागिनी घर में पड़ी रोती रही, भला बहन अब कहाँ तक कोई छाती पर पत्थर रख ले। आखिर हम भी तो आदमी हैं, हमारी भी तो जवानी है। दूसरों का राग रंग हंसी चुहल देख अपने मन में भी भावना होती है। जब भूख लगे और खाना न मिले तो हार कर चोरी करनी पड़ती है। यह कहकर रामकली ने पूर्णा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और मुस्कुराकर धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। बेचारी पूर्णा दिल में कुड़ रही थी कि इसके साथ क्यों लगी। रास्ते में हजारों आदमी मिले, कोई इनकी ओर औखे फाड़ फाड़ घूरता था, कोई इन पर बोलिया बोलता था, मगर पूर्णा सर को ऊपर न उठाती थी। हाँ, रामकली मुसकरा मुसकरा कर बड़ी चपलता से इधर उधर ताकती, औखें मिलाती और छेड़छाड़ का जवाब देती जाती थी। पूर्णा जब रास्ते में मर्दों को खड़े देखती तो कतरा के निकल जाती, मगर रामकली बरबस उनके बीच में से घुसकर निकलती थी। इसी तरह चलते चलते दोनों नदी के तट पर पहुंची। 8 बज गया था। हजारों मर्द स्त्रियां बच्चे नहा रहे थे, कोई पूजा कर रहा था, कोई सूर्य देवता को पानी दे रहा था। माली छोटी छोटी डालियों में गुलाब बेला चमेली के फूल लिए नहाने वालों को दे रहे थे। चारों ओर जय गंगा का शब्द हो रहा था। नदी बाढ़ पर थी, उस मटमैले पानी में तैरते हुए फूल अति सुंदर मालूम होते थे। रामकली को देखते ही एक पंडे ने कही, इधर सेठानी जी इधर। पंडा जी महाराज पीताम्बर पहने, तिलक मुद्रा लगाए, आसन मारे, चंदन रगड़ने में जुटे थे। रामकली ने उसके स्थान पर जाकर धोती और कमाऊ रख दिया। पंडा घूर कर, यह तुम्हारे साथ कौन है? राम शून्य औखें मटकाकर, कोई होंगी तुमसे मतलब, तुम कौन होते हो पूछने वाले? पंडा जरा नाम सुन के कान खुश कर लें। राम शून्य यह मेरी सखी हैं, इनका नाम पूर्णा है। पंडा हंसकर, ओहो हो कैसा अच्छा नाम है भी तो पूर्ण चंद्रमा के समान। धन्य भाग्य है कि ऐसे जजमान का दर्शन हुआ। इतने में एक दूसरा पंडा लाल लाल औखें निकाले, कंधे पर लठ रखे, नशे में चूर झूमता झामता आ पहुंचा और इन दोनों ललनाओं की ओर घूर कर बोला, अरे राम भरोसे आज तेरे चंदन का रंग बहुत चोखा है। राम भरोसे तेरी औखें काहे को फूटे है, प्रेम की बूटी डाली है जब जाके ऐसा चोखा रंग भया।
पंडा तेरे भाग्य को धन्य है, यह रक्त चंदन रामकली की तरफ देखकर तो तूने पहले ही रगड़ा रखा था, परंतु इस मलयागिर पूर्णा की तरफ इशारा करके के सामने तो उसकी शोभा ही जाती रही। पूर्णा तो यह नोक झोंक समझ समझ कर झिम्पी जाती थी, मगर रामकली कब चूकने वाली थे। हाथ मटका कर बोली, ऐसे कर्मठड़ियों को थोड़े ही मलयागिर मिला करता है। राम भरोसे पंडा से, अरे बोरे, तू इन बातों का मर्म क्या जाने, दोनों ही अपने अपने गुण में चोखे है, एक में सुगंध है तो दूसरे में रंग है। पूर्णा मन में बहुत लज्जित थी कि इसके साथ कहाँ फंस गई, अब तक वो नहा धो के घर पहुंची होती। रामकली से बोली, बहन नहाना हो तो नहाओ, मुझको देर होती है, अगर तुमको देर हो तो मैं अकेले जाऊं। राम भरोसे, नहीं जजमान, अभी तो बहुत सवेरा है, आनंद पूर्वक स्नान करो। पूर्णा ने चादर उतार कर धर दी और साड़ी लेकर नहाने के लिए उतरना चाहती थी कि यकायक बाबू अमृतराया एक सादा कुर्ता पहने सादी टोपी सर पर रखे, हाथ में नापने का फीता लिए चंद ठेकेदारों के साथ हथी दिखाई दिए। उनको देखते ही पूर्णा ने एक लंगी घूंघट निकाल ली और चाहा कि सीढ़ियों पर लंबाई चौड़ाई नापना था, क्योंकि वह एक जनाना घाट बनवा रहे थे। वह पूर्णा के निकट ही खड़े हो गए और कागज पेसिनला पर कुछ लिखने लगे। लिखते लिखते जब उन्होंने कदम बढ़ाया तो पैर सीढ़ी के नीचे जा पड़ा। करीब था कि वह औधमुंह गिरे और चोट चपेट आ जाए कि पूर्णा ने झपट कर उनको संभाला लिया। बाबू साहब ने चौंक कर देखा तो दहिना हाथ एक सुंदरी के कोमल हाथों में है। जब तक पूर्णा अपना घूंघट बढ़ावे वह उसको पहचान गए और बोले, प्यारी आज तुमने मेरी जान बचा ली। पूर्णा ने इसका कुछ जवाब न दिया। इस समय न जाने क्यों उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों में आंसू भरा आता था। हाय नारायण, जो कहीं वह आज गिर पड़ते तो क्या होता, यही उसका मन बेर बेर कहता। मैं भले संयोग से आ गई थी। वह सिर नीचा किए गंगा की लहरों पर टकटकी लगाए यही बातें गुनती रही। जब तक बाबू साहब खड़े रहे उसने उनकी ओर एक बेर भी न ताका। जब वह चले गए तो रामकली मुस्कुराती हुई आई और बोली, बहन आज तुमने बाबू साहब को गिरते गिरते बचा लिया, आज से तो वह और भी तुम्हारे पैरों पर सिर रखेंगे। पूर्णा कड़ी निगाहों से देखकर, रामकली ऐसी बातें न करो, आदमी आदमी के काम आता है, अगर मैंने उनको संभाल लिया तो इसमें क्या बात अनोखी हो गई। रामकली, ए लो, तुम तो जरा सी बात पर तिनक गई। पूर्णा, अपनी अपनी रुचि है, मुझको ऐसी बातें नहीं भाती। रामकली, अच्छा अपराध क्षमा करो, अब सरकर से दिल लगी न करूंगी, चलो तुलसी दल ले लो। पूर्णा, नहीं अब मैं यहाँ न ठहरूंगी, सूरज माथे पसर आ गया। रामकली, जब तक इधर उधर जी बहले अच्छा है, घर पर तो जलते अंगारों के सिवाय और कुछ नहीं। जब दोनों नहाकर निकली तो फिर पंडों ने छेड़नाप चाहा, मगर पूर्णा एकदम भी न रुकी। आखिर रामकली ने भी उसका साथ छोड़ना उचित न समझा। दोनों थोड़ी दूर चली होगी कि रामकली ने कहा, क्यों बहन पूजा करने न चलोगी। पूर्णा, नहीं सखी, मुझे बहुत देर हो जाएगी। राम शून्य, आज तुमको चलना पड़ेगा, तनिक देखो तो कैसे विहार की जगह है, अगर दो चार दिन भी जाओ तो फिर बिना नित्य गए जी न माने। पूर्णा, तुम जाओ, मैं न जाऊंगी, जी नहीं चाहता। राम शून्य, चलो चलो, बहुत इतराओ मत, दम की दम में तो लौटे आते हैं। रास्ते में एक तंबोली की दुकान पड़ी, काठ के पटरों पर सफेद भीगे हुए कपड़े बिछे थे, उस पर भौती भौती के पान मसालों की खूबसूरत डिबिया, सुगंध की शीशियां, दो तीन हरे हरे गुलदस्ते सजा कर धरे हुए थे। सामने ही दो बड़े बड़े चौखटेदार आईने लगे हुए थे। पनवाड़ी एक सजिया जवान था, सर पर दोपली टोपी चुनकर टैडी दे रखी थी, बदन में तंजेब का फंसा हुआ कुर्ता था, गले में सोने की तावीजे, आंखों में सुरमा, माथे पर रोरी, ओठों पर पान की गहरी लीली। इन दोनों स्त्रियों को देखते ही बोला, सेठानी जी पान खाती जाव। रामकली ने चट सर से चादर खसका दी और फिर उसको एक अनुपम भाव से ओढ़ कर हंसते हुए नयनों से बोली, अभी प्रसाद नहीं पाया, पनवाड़ी आवो आवो, यह भी तो प्रसाद ही है, संतों के हाथ की चीज प्रसाद से बढ़कर होती है, यह आज तुम्हारे साथ कौन शक्ति है। राम, यह हमारी सखी है, तंबोली बहुत अच्छा जोड़ा है, धन्य भाग्य जो दर्शन हुआ। रामकली दुकान पर ठमक गई और शीशे में देख देख अपने बाल संवारने लगी। उधर पनवाड़ी ने चांदी के वरक लपेटे हुए बीड़े फुर्ती से बनाए और रामकली की तरफ हाथ बढ़ाया। जब वह लेने को झुकी तो उसने अपना हाथ खींच लिया और हंसकर बोला, तुम्हारी सखी ले तो दे। राम शून्य, मुंह बनवा आओ, मुंह पान लेकर लो, सखी पान खाव। पूर्णा, मैं न खाऊंगी। राम, तुम्हारी क्या कोई सास बैठी है जो कोसेगी, मेरी तो सास मना करती है, मगर मैं उस पर भी प्रतिदिन खाती हूँ। पूर्णा, तुम्हारी आदत होगी मैं पान नहीं खाती। राम, आज मेरी खातिर से खाव, तुम्हें कसम है,
रामकली ने बहुत हटकी मगर पूर्णानी गिलोरियां न ली। पान खाना उसने सदा के लिए त्याग दिया था। इस समय तक धूप बहुत तेज हो गई थी। रामकली से बोली, किधर है तुम्हारा मंदिर? वहाँ चलते चलते तो सांझ हो जाएगी। राम, अगर ऐसे दिन कटा जाता तो फिर रोना काहे का था। पूर्णा चुप हो गई। उसको फिर बाबू अमृतराय के पैर फिसलने का ध्यान आ गया और फिर मन में यह प्रश्न किया कि कहीं आज वह गिर पड़ते तो क्या होता। इसी सोच में थी कि निदान रामकली ने कहा, लो सखी, आ गया मंदिर। पूर्णा ने चौंक कर दाहिनी ओर जो देखा तो एक बहुत ऊंचा मंदिर दिखाई दिया। दरवाजे पर दो बड़े बड़े पत्थर के शेर बने हुए थे और सैकड़ों आदमी भीतर जाने के लिए धक्कम धक्का कर रहे थे। रामकली पूर्णा को इस मंदिर में ले गई। अंदर जाकर क्या देखती है कि पक्का चौड़ा आंगन है जिसके सामने से एक अंधेरी और सकरी गली देवी जी के धाम को गई है। दाहिनी ओर एक बारादरी है जो अति उत्तम रीति पर सजी हुई है। यहाँ एक युवा पुरुष पीला रेशमी कोट पहने, सर पर खूबसूरत गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे, तकिया मसनद लगाए बैठा है। पैचवान लगा हुआ है। उगालदान, पानदान और नाना प्रकार की सुंदर वस्तुओं से सारा कमरा भूषित हो रहा है। उस युवा पुरुष के सामने एक सुधर कामिनी सिंगार किए विराज रही है। उसके इधर उधर सपरदाय बैठे हुए स्वर मिला रहे हैं। सैकड़ों आदमी बैठे और सैकड़ों खड़े हैं। पूर्णा ने यह रंग देखा तो चौंक कर बोली, सखी, यह तो नाचता सा मालूम होता है। तुम कहीं भूल तो नहीं गई? राम मुस्कुराकर, चुप, ऐसा भी कोई कहता है? यही तो देवी जी का मंदिर है। वह बरादरी में महंत जी बैठे हैं। देखती हो कैसा रंगीला जवान है। आज शुक्रवार है, हर शुक्र को यहाँ रामजनी का नाच होता है। इस बीच में एक ऊंचा आदमी आता दिखाई दिया। कोई 6 फुट का कद था, गोरा चिट्ठा, बालों में कंदी कह हुई, मुंह पान से भरे, माथे पर विभूति रमाए, गले में बड़े बड़े दानों की रुद्राक्ष की माला पहने, कंधे पर एक रेशमी दुपट्टा रखे, बड़ी बड़ी और लाल आंखों से इधर उधर ताकता इन दोनों स्त्रियों के समीप आकर खड़ा हो गया। रामकली ने उसकी तरफ कटाक्ष से देखकर कहा, क्यों बाबा इंद्रवत कुछ प्रसाद वर्षाद नहीं बनाया? इंद्र तुम्हारी खातिर सब हाजिर है, पहले चलकर नाच तो देखो। यह कंचनी कश्मीर से बुलाई गई है। महंत जी बेडब रीझे हैं, 1000 रुपया इनाम दे चुके हैं। रामकली ने यह सुनते ही पूर्णा का हाथ पकड़ा और बारादरी की ओर चली। बेचारी पूर्णा जाना न चाहती थी मगर वहां सबके सामने इनकार करते भी बनना पड़ता था। जाकर एक किनारे खड़ी हो गई। सैकड़ों औरतें जमा थी, एक से एक सुंदर गहने लदी हुई। सैकड़ों मर्द थे, एक से एक गबरू उत्तम कपड़े पहले हुए। सबके सब एक ही में मिले जुले खड़े थे। आपस में बीलियां बोली जाती थी, औखें मिलाई जाती थी औरतें मर्दों में। यह मेलजोल पूर्णा को न भाया। उसका हियाव न हुआ कि भीड़ में घुसे। वह एक कोने में बाहर ही दबक गई मगर रामकली अंदर घुसी और वहां कोई आध घंटे तक उसने खूब गुलछर्रे उड़ाए। जब वह निकली तो पसीने में डूबी हुई थी, तमाम कपड़े मसल गए थे। पूर्णा ने उसे देखते ही कहा, क्यों बहन, पूजा कर चुकी, अब भी घर चलोगी या नहीं? राम शून्य मुस्कुराकर, अरे तुम बाहर खड़ी रह गई क्या? जरा अंदर चल के देखो क्या बाहर है। ईश्वर जाने कंचनी गाती क्या है, दिल महसूस लेती है। पूर्णा दर्शन भी किया या इतनी देर केवल गाना ही सुनती रही? राम शून्य दर्शन करने आती है मेरी बला, यहाँ तो दिल बहलाने से काम है। 10 आदमी देखे, 10 आदमियों से हंसी दिल लगी कि चलो मन आन हो गया। आज इंद्रदत्त ने ऐसा उत्तम प्रसाद बनाया है कि तुमसे क्या बखान करूं। पूर्णा क्या है? चरणामृत। राम शून्य हंसकर, हाँ चरणामृत में बूटी मिला दी गई है। पूर्णा बूटी कैसी? राम शून्य इतना भी नहीं जानती हो, बूटी भंग को कहते हैं। पूर्णा ए तुमने भंग पी ली? राम यही तो प्रसाद है देवी जी का, इसके पीने में क्या हर्ज है, सभी पीते हैं, कहो तो तुमको भी पिलाऊं। पूर्णा नहीं बहन, मुझे क्षमा करो। इधर यही बातें हो रही थी कि 10-15 आदमी बारादरी से आकर इनके आसपास खड़े हो गए। एक पूर्णा की तरफ घूरकर, अरे यारो यह तो कोई नया स्वरूप है। दूसरा, जरा बच के चलो, बचकर। इतने में किसी ने पूर्णा के कंधे से धीरे से एक ठोका दिया। अब वह बेचारी बड़े फेर में पड़ी। जिधर देखती है आदमी ही आदमी दिखाई देती है, कोई इधर से हंसता है, कोई उधर से आवाजें कसता है। रामकली हंस रही है, कभी चादर को खिसकाती है, कभी दोपट्टे को संभालती है। एक आदमी ने उससे पूछा, सेठानी जी यह कौन है? रामकली, यह मेरी सखी है, जरा दर्शन कराने को लाई थी। दूसरा, इन्हें अवश्य लाया करो। ओहो कैसा खुलता हुआ रंग है, बारे किसी तरह इन आदमियों से छुटकारा हुआ। पूर्णा घर की ओर भागी और कान पकड़े कि आज से कभी मंदिर न जाऊंगी। भाग 8, कुछ और बातचीत।
पूर्णा ने कान पकड़े कि अब मंदिर कभी न जाओगी, ऐसे मंदिरों पर दही का कोप भी नहीं पड़ता। उस दिन से वह सारे घर ही पर बैठी रहती, समय काटना पहाड़ हो जाता। न किसी के यहाँ आना न जाना, न किसी से भेंट न मुलाकात, न कोई काम न धंधा। दिन कैसे कटे, पढ़ी लिखी तो अवश्य थी, मगर पढ़े क्या। दो चार किस्से कहानी की पुरानी किताबें पंडित जी की संदूक में पड़ी हुई थी, मगर उनकी तरफ देखने को अब जी नहीं चाहता था। कोई ऐसा न था जो बाजार से लाती, मगर वह किताबों का मोल कया जाने। दो एक बार जी में आया कि कोई पुस्तक प्रेमा के घर में मंगवाए, मगर फिर कुछ समझकर चुप हो रही। बेल बूटे बनाना उसको आते ही न थे कि उससे जी बहलाए। हाँ सीना आता था, मगर सिए किसके कपड़े। नित्य इस तरह बेकाम बैठे रहने से वह हरदम कुछ उदास सी रहा करती। हाँ कभी कभी पंडाइन और चौबाइन अपने चेले चापड़ों के साथ आकर कुछ सिखावन की बातें सुना जाती थी, मगर जब कभी वह कहती कि बाबू अमृतराय का आना ठीक नहीं, तो पूर्णा साफ साफ कह देती कि मैं उनको आने से नहीं रोक सकती और न कोई ऐसा बर्ताव कर सकती हूँ जिससे वह समझे कि मेरा आना इसको बुरा लगता है। सच तो यह है कि पूर्णा के हृदय में अब अमृतराय के लिए प्रेम का अंकुर जमने लगा था। यद्यपि वह अभी तक यही समझती थी कि अमृतराय यहाँ दया की राह से आया करते हैं, मगर नहीं मालूम क्यों वह उनके आने का एक एक दिन गिना करती, और जब इतवार आता तो सवेरे ही से उनके शुभगमन की तैयारियां होने लगती। बिल्लो बड़े प्रेम से सारा मकान साफ करती, कुर्सियां और तस्वीरों पर से 7 दिन की जमी हुई धूल मिट्टी दूर करती। पूर्णा खुद भी अच्छे और साफ कपड़े पहनती। अब उसके दिल में आप ही आप बनाव सिंगार करने की इच्छा होती थी, मगर दिल को रोकती। जब बाबू अमृतराय आ जाते तो उसका मलिन मुख कुंदन की तरह दमकने लगता, उसकी प्यारी सूरत और भी अधिक प्यारी मालूम होने लगती। जब तक बाबू साहब रहते उसे अपना घर भरा मालूम होता। वह इसी कोशिश में रहती कि ऐसी क्या बात करूं जिसमें वह प्रसन्न होकर घर को जावे। बाबू साहब ऐसे हंसमुख थे कि रोते को भी एक बार हंसा देते। यहाँ वह खूब बुलबुल की तरह चहकते, कोई ऐसी बात न कहते जिससे पूर्णा दुखित हो। जब उनके चलने का समय आता तो वह कुछ उदास हो जाती। बाबू साहब इसे ताड़ जाते और पूर्णा की खातिर से कुछ देर और बैठते। इसी तरह कभी कभी घंटों बीत जाते। जब दिया में बत्ती पड़ने की बेला आती तो बाबू साहब चले जाते। पूर्णा कुछ देर तक इधर उधर बौखलाई हुई ढूंढती, जो जो बातें हुई होती उनको मन में दोहराती। यह समय उस आनंददायक स्वप्न सा जान पड़ता था जो औंख के खुलते ही बिलाया जाता है। इसी तरह कई मास और बीत गए और आखिर जो बात अमृतराय के मन में थी वह पूरी हो गई, अर्थात पूर्णा को अब मालूम होने लगा कि मेरे दिल में उनकी मुहब्बत समाती जाती है और उनका दिल भी मेरी मुहब्बत से खाली नहीं। अब पूर्णा पहले से ज्यादा उदास रहने लगी। हाय ओ बौरे मन, क्या एक बार प्रीति लगाने से तेरा जी नहीं भरा जो तू फिर यह रोग पाल रहा है। तुझे कुछ मालूम है कि इस रोग की औषधि क्या है? जब तू यह जानता है तो फिर क्यों किस आशा पर यह स्नेह बढ़ा रहा है? और बाबू साहब तुमको क्या कहना मंजूर है? तुम क्या करने पर आए हो? तुम्हारे जी में क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि यह अग्नि धधकेगी तो फिर बुझाए न बुझेगी? मुझसे ऐसा कौन सा गुण है? कहाँ की बड़ी सुंदरी हूँ जो तुम प्रेमा प्यारी प्रेमा तो त्यागे देते हो? वह बेर बेर मुझको बुलाती है, तुम ही बताओ कौन मुंह लेकर उसके पास जाऊं और तुम तो आग लगाकर दूर से तमाशा देखोगे, इसे बुझाएगा कौन? बेचारी पूर्णा इन्हीं विचारों में डूबी रहती। बहुत चाहती कि अमृतराय का ख्याल न आने पावे, मगर कुछ बस न चलता। अपने दिल का परिचय उसको एक दिन यूं मिला कि बाबू अमृतराय नियत समय पर नहीं आए। थोड़ी देर तक तो वह उनकी राह देखती रही, मगर जब वह अब भी न आए तब तो उसका दिल कुछ महसूसने लगा। बड़ी व्याकुलता से दौड़ी हुई दरवाजे पर आई और आध घंटे तक कान लगाए खड़ी रही, फिर भीतर आई और मन मारकर बैठ गई। चित की कुछ वही अवस्था होने लगी जो पंडित जी के दौरे पर जाने के वक्त हुआ करती। शंका हुई कि कहीं बीमार तो नहीं हो गए। महरी से कहा, बिल्लो जरा देखो तो बाबू साहब का जी कैसा, नहीं मालूम क्यों मेरा दिल बैठा जाता है। बिल्लो लपकी हुई बाबू साहब के बंगले पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि वह आज 2-3 नौकरों को साथ लेकर बाजार गए हुए है, अभी तक नहीं आए। पुराना बूढ़ा कहार आधी टोगों तक धोती बौंधे सर हिलाता हुआ आया और कहने लगा, बेटा बड़ा खराब जमाना आवा है, 1,000 का सुदा होए तो हम ही ले आवत रहें, आज खुद आप गए हैं, भला इतने बड़े आदमी का उस चाहत रहा, बाकी फिर सब अंग्रेजी जमाना आया है, अंग्रेजी पढ़ पढ़ के जुन न हो जाए तो नचरज नहीं। बिल्लो बुए कहर केसर हिलाने पर हंसती हुई घर को लौटी। इधर जब से वह आई थी पूर्णा की विचित्र दशा हो रही थी, विकल होकर कभी भीतर जाती
कभी बाहर आती, किसी तरह चैन ही न आता। जान पड़ता कि बिल्लों के आने में देर हो रही है कि इतने में जूते ही आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर द्वार पर आई और बाबू साहब को टहलते हुए पाया तो मानो उसको कोई धन मिल गया। झटपट भीतर से किवाड़ खोल दिया, कुर्सी रख दी और चौखट पर सर नीचा करके खड़ी हो गई। अमृतराया, बिल्लो कहीं गई है क्या? पूर्णा लजाते हुए, हाँ आप ही के यहाँ तो गई है। अमृत शून्य, मेरे यहाँ कब गई? क्यों, कुछ जरूरत थी? पूर्णा, आपके आने में विलंब हुआ तो मैंने शायद जी न अच्छा हो उसको देखने के लिए भेजा। अमृत शून्य प्यार से देखकर, बीमारी चाहे कैसी ही हो वह मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकती, जरा बाजार चला गया था, वहाँ देर हो गई। यह कहकर उन्होंने एक दफे जोर से पुकारा, सुख अंदर आओ, और दो आदमी कमरे में दाखिल हुए। एक के हाथ में एक संदूक था और दूसरे के हाथ में तह किए हुए कपड़े। सब सामान चौकी पर रख दिया गया। बाबू साहब बोले, पूना मुझे पूरी आशा है कि तुम दो चार मामूली चीजें लेकर मुझे कृतार्थ करोगी। हंसकर, यह देर में आने का जुर्माना है। पूना अचंभे में आ गई, यह क्या, यह तो फिर वही स्नेह बढ़ाने वाली बातें हैं, और इनको खरीदने के लिए आप ही बाजार गए थे। अमृत राय, तुम्हारे दिल में जो है वह मैं जानती हूँ, मेरे दिल में जो है वह तुम भी जानते हो, मगर इसका नतीजा, इसमें संदेह नहीं कि इन चीजों की पूर्णा को बहुत जरूरत थी। पंडित जी की मोली हुई साड़ियां अब तक लंगे तंगे चली थी, मगर अब पहनने को कोई कपड़े न थे। उसने सोचा था कि अब की जब बाबू साहब के यहाँ से मासिक तनख्वाह मिलेगी तो मामूली साड़ियां मंगा लूंगी। उसे यह क्या मालूम था कि बीच में बनारसी और रेशमी साड़ियों का ढेर लग जाएगा। पहले तो वह स्त्रियों की स्वाभाविक अत्याभिलाषा से इन चीजों को देखने लगी, मगर फिर यह चेत कर कि मेरा इस तरह चीजों पर गिरना उचित नहीं है, वह अलग हट गई और बोली, बाबू साहब इस अनुग्रह के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मगर यह भारी भारी जोड़े मेरे किस काम के, मेरे लिए मोटी झोरी साड़ियाँ चाहिए, मैं इन्हें पहनूंगी तो कोई क्या कहेगा। अमृतराया, तुमने ले लिया, मेरी मेहनत ठिकाने लगी और मैं कुछ नहीं जानता। इतने में बिल्लो पहुंची और कमरे में बाबू साहब को देखते ही निहाल हो गई। जब चौकी पर दृष्टि पड़ी और इन चीजों को देखा तो बोली, क्या इनके लिए आप बाजार गए थे? बूढ़ा कहर रो रहा था कि मेरी दस्तूरी मारी गई। अमृतराया, दबी जबान से, वह सब कहार मेरे नौकर हैं, मेरे लिए बाजार से चीजें लाते हैं, तुम्हारे सकार का मैं चाकर हूँ। बिल्लो यह सुनकर मुस्कुराती हुई भीतर चली गई। पूर्णा के कान में भी भनक पड़ गई थी, बोली, उल्टी बात न कहिए, मैं तो खुद आपकी चेरियों की चरी हूँ। इसके बाद इधर उधर की कुछ बातें हुई। माघ पूस के दिन थे, सर्दी खूब पड़ रही थी। बाबू साहब देर तक न बैठ सके और 8 बजते-बजते वह अपने घर को सिधारे। उनके चले जाने के बाद पूर्णा ने जो संदूक खोला तो दंग रह गई। स्त्रियों के सिंगार की सब सामग्रियां मौजूद थी और जो चीज थी सुंदर और उत्तम थी। आईना, कंघी, सुगंधित तेलों की शीशियां, भोती भांति के इत्र, हाथों के कंगन, गले का चंद्रहार, जड़ाव, एक रुपहला पानदान, लिखने पने के सामान से भरी एक संदूकची, किस्से कहानी की किताबों, इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी चीजें बड़ी उत्तम रीति से सजाकर धरी हुई थी। कपड़ों का बेठन खोला तो अच्छी से अच्छी साड़ियां दिखाई दी, शरबती, धानी, गुलाबी, उन पर रेशम के बेल बूट बने हुए, चादरें भारी सुनहरे काम की। बिल्लो इन चीजों को देख देख फूली न समाती थी। बोली, बहू यह सब चीजें तुम पहनोगी तो रानी हो जाओगी। रानी? पूर्णा गिरी हुई आवाज में, कुछ भंग खा गई हो क्या बिल्लो? मैं यह चीजें पहनूंगी तो जीती बचूंगी, चौबाइन और सेठानी ताने दे देकर जान ले लेगी। बिल्लो, ताने क्या देंगी, कोई दिल लगी है इसमें? उनके बाप का क्या इजारा, कोई उनसे मांगने जाता है? पूर्णा ने महरी को आश्चर्य की आंखों से देखा। यही बिल्लो है जो अभी 2 घंटे पहले चौइन और पडाइन से सम्मति करती थी और मुझे बेर बेर पहनने उड़ने से बरजा करती थी। यकायक यह क्या कायापलट हो गई। बोली, कुछ संसार के कहने की भी तो लाज है। बिल्लो, मैं यह थोड़ा ही कहती हूँ कि हरदम यह चीजें पहना करो, जब बाबू साहब आवे थोड़ी देर के लिए पहन लिया। पूर्णा लजाकर यह सिंगार करके मुझसे उनके सामने क्यों कर निकला जाएगा? तुम्हें याद है एक बेर प्रेमा ने मेरे बाल गूंथ दिए थे। तुमसे क्या कहूँ, उस दिन वह मेरी तरफ ऐसा ताकते थे जैसे कोई किसी पर जादू करे। नहीं मालूम क्या बात है कि उसी दिन से वह जब कभी मेरी ओर देखते हैं तो मेरी छाती धड़धड़ करने लगती है। मुझसे जानबूझकर फिर ऐसी भूल न होगी। बिल्लो, बहू उनकी मर्जी ऐसी ही है तो क्या करोगी, इन्हीं चीजों के लिए कल वह बाजार गए थे। सैकड़ों नौकर चाकर है मगर इन्हें आप जाकर जाए, तुम इनको ना पहनोगी तो वह अपने दिल में क्या कहेंगे? पूर्णा आंखों में आंसू भरकर, बिल्लो
बाबू अमृत राय नहीं मालूम क्या करने वाले है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। वह मुझसे दिन दिन अधिक प्रेम बढ़ाते जाते हैं और मैं अपने दिल को क्या कहूँ, तुमसे कहते लज्जा आती है। वह अब मेरे कहने में नहीं रहा। मोहल्ले वाले अलग बदनाम कर रहे हैं। ना जाने ईश्वर को क्या करना मंजूर है। बिल्लो ने इसका कुछ जवाब ना दिया। पूर्णा ने भी उस दिन खाना न बनाया। सोनजी से जाकर चारपाई पर लेट रही। दूसरे दिन सुबह को उठकर उसने वह किताबें पढ़ना शुरू की जो बाबू साहब जाए थे। ज्यों ज्यों वह पढ़ती उसको ऐसा मालूम होता कि कोई मेरी ही दुख की कहानी कह रहा है। इनके पढ़ने में जो जी लगा तो इतवार का दिन आया। दिन निकलते ही बिल्लो ने हंसकर कहा, आज बाबू साहब के आने का दिन है। पूर्णा अनजान बनकर फिर, बिल्लो आज तुमको जरूर गहने पहनने पड़ेंगे। पूर्णा तभी आवाज से, आज तो मेरे सर में पीड़ा हो रही है। बिल्लो नौच, तुम्हारे बैरी का सर दर्द करे, इस बहाने से पीछा न छूटेगा। पूर्णा, और जो किसी ने मुझे ताना दिया तो तू जाना। बिल्लो, ताना कौन रोट देगी। सवेरे ही से बिल्लो ने पूर्णा का बनाव सिंगार करना शुरू किया। महीनों से सर न मला गया था, आज सुगंधित मसाले से मला गया, तेल डाला गया, कंघी की गई, बाल गूंथे गए। और जब तीसरे पहर को पूर्णा ने गुलाबी कुर्ती पहनकर उस रेशमी काम की शरबती साड़ी पहनी, गले में हार और हाथों में कंगन सजाए, तो सुंदरता की मूर्ति मालूम होने लगी। आज तक कभी उसने ऐसे रत्न जड़ित गहने और बहुमूल्य कपड़े न पहने थे और न कभी ऐसी सुघर मालूम हुई थी। वह अपने मुखारविंद को आप देख देख कुछ प्रसन्न भी होती थी, कुछ लजाती भी थी और कुछ शोच भी करती थी। जब सौंझ हुई तो पूर्णा कुछ उदास हो गई। जिस पर भी उसकी औंखें दरवाजे पर लगी हुई थी और वह चौंक कर ताकती थी कि कहीं अमृत राय तो नहीं आ गए। पौच बजते बजते और दिनों से सवेरे बाबू अमृत राय आए। कमरे में बैठे बिल्लो से कुशलानंद पूछा और ललचाई हुई औंखों से अंदर के दरवाजे की तरफ ताकने लगे, मगर वहां पूर्णा न थी। कोई 10 मिनट तक तो उन्होंने चुपचाप उसकी राह देखी, मगर जब अब भी न दिखाई दी तो बिल्लो से पूछा, क्यों महरी, आज तुम्हारी सकार कहाँ है। बिल्लो मुस्कराकर, घर ही में तो है, अमृत शून्य तो आई क्यों नहीं, क्या आज कुछ नाराज है क्या। बिल्लो मुस्कर, उनका मन जाने, अमृत शून्य जरा जाकर लिवा जाओ, अगर नाराज हो तो चलकर मनाऊं। यह सुनकर बिल्लो हंसती हुई अंदर गई और पूर्णा से बोली, बहू उठोगी या वह आप ही मनाने आते हैं। पूर्णा, बिल्लो तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जाकर कह दो बीमार है। बिल्लो, बीमारी का बहाना करोगी तो वह डॉक्टर को लेने चले जाएगे। पूर्णा, अच्छा कह दो, सो रही है। बिल्लो, तो क्या वह जगाने न आएंगे। पूर्णा, अच्छा बिल्लो तुम ही के ही बहाना कर दो जिससे मुझे जाना न पड़े। बिल्लो, मैं जाकर कहे देती हूँ कि वह आपको बुलाती है। पूर्णा को कोई बहाना न मिला। वह उठी और शर्म से सर झुकाए, घूंघट निकाले, बदन को चुराती, लजाती, बल खाती, एक गिलोरीदान लिए दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अमृत राय ने देखा तो अचंभे में आ गए, औंखें चौंधिया गई। एक मिनट तक तो वह इस तरह ताकते रहे जैसे कोई लड़के खिलौने को देखे। इसके बाद मुस्कराकर बोले, ईश्वर तू धन्य है। पूर्णा, लजाती हुई आप कुशल से थे। अमृत शून्य तिरछी निगाहों से देखकर अब तक तो कुशल से था, मगर अब खैरियत नहीं नजर आती। पूर्णा समझ गई, अमृत राय की रंगीली बातों का आनंद लेते लेते वह बोलने में निपुण हो गई थी। बोली, अपने किए का क्या इलाज, अमृत शून्य क्या किसी को अपनी जान से बैर है। पूर्णा ने लजाकर मुंह फेर लिया। बाबू साहब हंसने लगे और पूर्णा की तरफ प्यार की निगाहों से देखा। उसकी रसिक बातें उनको बहुत भाई। कुछ काल तक और ऐसी ही रस भरी बातें होती रही। पूर्णा को इस बात की सुधि भी न थी कि मेरा इस तरह बोलना चालना मेरे लिए उचित नहीं है। उसको इस वक्त न पंडाइन का डर था, न पड़ोसियों का भय। बातों ही बातों में उसने मुस्कुराकर अमृत राय से पूछा, आपको आजकल प्रेमा का कुछ समाचार मिला है। अमृत शून्य, नहीं पूर्णा, मुझे इधर उनकी कुछ खबर नहीं मिली। हाँ, इतना जानता हूँ कि बाबू दाननाथ से ब्याह की बातचीत हो रही है। पूर्णा, बाबू दाननाथ तो आपके मित्र है। अमृत शून्य मित्र भी है और प्रेमा के योग्य भी है। पूर्णा, यह तो मैं न मानूंगी, उनका जोड़ है तो आप ही से है। हो, आपका ब्याह भी तो कहीं ठहरा था। अमृत शून्य, हाँ कुछ बातचीत हो रही थी। पूर्णा, कब तक होने की आशा है। अमृत शून्य, देखे अब कब भाग्य जागता है, मैं तो बहुत जल्दी मचा रहा हूँ। पूर्णा, तो क्या उधर ही से खिंचाव है, आश्चर्य की बात है। अमृत शून्य, नहीं पूर्णा, मैं जरा भाग्यहीन हूँ, अभी तक सिवाय बातचीत होने के और कोई बात तय नहीं हुई। पूर्णा मुस्कुराकर, मुझे अवश्य नवता दीजिएगा। अमृत शून्य, तुम्हारे ही हाथों में तो सबकू है, अगर तुम चाहो तो मेरे सर सेहरा बहुत जल्द बंध जाए।
पूर्णा भौचक होकर अमृत राय की ओर देखने लगी। उनका आशय अब की बार भी वह न समझी। बोली, मेरी तरफ से आप निश्चित रहिए, मुझसे जहां तक हो सकेगा उठा न रखूंगी। अमृत शून्य, इन बातों को याद रखना पूर्णा, ऐसा न हो भूल जाओ तो मेरे सब अरमान मिट्टी में मिल जाए। यह कहकर बाबू अमृत राय उठे और चलते समय पूर्णा की ओर देखा। उसकी आंखें डिब्बाई हुई थी, मानो विनय कर रही थी कि जरा देर और बैठिए। मगर अमृत राय को कोई जरूरी काम था, धीरे से उठ खड़े हुए और बोले, जी तो नहीं चाहता कि यहाँ से जाऊं, मगर आज कुछ काम ही ऐसा आ पड़ा। यह कहा और चल दिए। पूर्णा खड़ी रोती रह गई। भाग नौ, तुम सचमुच जादूगर हो। 9 बजे रात का समय था। पूर्णा अंधेरे कमरे में चारपाई पर लेटी हुई करवटें बदल रही है और सोच रही है, आखिर वह मुझे क्या चाहते हैं। मैं तो उनसे कह चुकी कि जहां तक मुझसे हो सकेगा आपका कार्य सिद्ध करने में कोई बात उठा न रखूंगी। फिर वह मुझसे कितना प्रेम बढ़ाते हैं, क्यों मेरे सर पर पाप की गठरी लाते हैं। मैं उनकी इस मोहनी सूरत को देखकर बेबस हुई जाती हूँ। मैं कैसे दिल को समझाऊं, वह तो प्रेम रस पीकर मतवाला हो रहा है। ऐसा कौन होगा जो उनकी जादू भरी बातें सुनकर रीझ न जाए। हाय कैसा कोमल स्वभाव है, आंखें कैसी रस से भरी है, मानो हृदय में चुभी जाती है। आज वह और दिनों से अधिक प्रसन्न थे, कैसा रह रहकर मेरी ओर ताकते थे। आज उन्होंने मुझे 2-3 बार प्यारी पूर्णा कहा। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करने वाले हैं। नारायण, वह मुझसे क्या चाहते हैं? इस मोहब्बत का अंत क्या होगा? यही सोचते सोचते जब उसका ध्यान परिणाम की ओर गया तो मारे शर्म के पसीना आ गया। आप ही आप बोल उठी, न न मुझसे ऐसा न होगा। अगर यह व्यवहार उनका बढ़ता गया तो मेरे लिए सिवाय जान दे देने के और कोई उपाय नहीं है। मैं जरूर जहर खा लूंगी। नहीं नहीं, मैं भी कैसी पागल हो गई हूँ। क्या वह कोई ऐसे वैसे आदमी है? ऐसा सज्जन पुरुष तो संसार में न होगा। मगर फिर यह प्रेम मुझसे क्यों लगाते हैं? क्या मेरी परीक्षा लेना चाहती है? बाबू साहब, ईश्वर के लिए ऐसा न करना, मैं तुम्हारी परीक्षा में पूरी न उतरूंगी। पूर्णा इसी उधेड़ बुन में पड़ी थी कि नींद आ गई। सवेरा हुआ, अभी नहाने जाने की तैयारी कर रही थी कि बाबू अमुतराय के आदमी ने आकर बिल्लो को जोर से पुकारा और उसे एक बंद लिफाफा और एक छोटी सी संदूकची देकर अपनी राह लगा। बिल्लो ने तुरंत आकर पूर्णा को यह चीजें दिखाई। पूर्णा ने कांपते हुए हाथों से खत लिया। खोला तो यह लिखा था, प्राण प्यारी से अधिक प्यारी पूर्णा, जिस दिन से मैंने तुमको पहले पहल देखा था उसी दिन से तुम्हारे रसीले नैनों के तीर का घायल हो रहा हूँ और अब घाव ऐसा दुखदायी हो गया है कि सहा नहीं जाता। मैंने इस प्रेम की आग को बहुत दबाया, मगर अब वह जलन असह्य हो गई है। पूर्णा, विश्वास मानो, मैं तुमको सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। तुम मेरे हृदय कमल के कोश की मालिक हो। उठते बैठते तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चित्र आँखों के सामने फिरा करता है। क्या तुम मुझ पर दया न करोगी, मुझ पर तरस न खाओगी? प्यारी पूर्णा, मेरी विनय मान जाओ, मुझको अपना दास अपना सेवक बना लो। मैं तुमसे कोई अनुचित बात नहीं चाहता। नारायण, कदापि नहीं, मैं तुमसे शास्त्रीय रीति पर विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा विवाह तुमको अनोखा मालूम होगा, तुम समझोगी यह धोखे की बात है। मगर सत्य मानो, अब इस देश में ऐसे विवाह कहीं कहीं होने लगे हैं। मैं तुम्हारे विरह में मर जाना पसंद करूंगा, मगर तुमको धोखा न दूंगा। पूर्णा, नहीं मत करो, मेरी पिछली बातों को याद करो। अभी कल ही जब मैंने कहा कि तुम चाहो तो मेरे सर बहुत जल्द सेहरा बंध सकता है, तब तुमने कहा था कि मैं भर शक्ति कोई बात उठा न रखूंगी। अब अपना वादा पूरा करो। देखो मुकर मत जाना, इस पत्र के साथ मैं एक जहाव कंगन भेजता हूँ। शाम को मैं तुम्हारे दर्शन को आऊंगा। अगर यह कंगन तुम्हारी कलाई पर दिखाई दिया तो समझ जाऊंगा कि मेरी विनय मान ली गई। अगर नहीं तो फिर तुम्हें मुंह न दिखाऊंगा। तुम्हारी सेवा का अभिलाषी अमृत राय। पूर्णा ने बड़े गौर से इस खत को पढ़ा और सोच के अथाह समुद्र में गोते खाने लगी। अब यह गुल खिला, महापुरुष ने वहां बैठकर यह पाखंड रचा। इस धूर्मपन को देखो कि मुझसे बेर बेर कहते थे कि तुम्हारे ही ऊपर मेरा विवाह ठीक करने का बोझ है। मैं बोई क्या जानू कि इनके मन में क्या बात समाई है। मुझसे विवाह का नाम लेते उनको लाज नहीं होती। अगर सुहागिन बनना भाग में बाधा होता तो विधवा काहे होती। मैं अब इनको क्या जवाब दूं? अगर किसी दूसरे आदमी ने यह गाली लिखी होती तो उसका कभी मुंह न देखती। मैं क्या सखी प्रेमा से अच्छी हूँ, क्या उनसे सुंदर हूँ, क्या उनसे गुणवती हूँ, फिर यह क्या समझकर ऐसी बातें लिखते हैं? विवाह करेंगे, मैं समझ गई जैसा विवाह होगा। क्या मुझे इतनी भी समझ नहीं? यह सब उनकी धूर्तपन है। वह मुझे अपने घर रखा चाहते हैं, मगर ऐसा मुझसे कदापि न होगा।
मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि कभी कभी उनकी मोहनी मूरत का दर्शन पाया करूँ, कभी कभी उनकी रसीली बतियां सुना करूँ और उनका कुशल आनंद सुख समाचार पाया करूँ। बस उनकी पत्नी बनने के योग्य मैं नहीं हूँ। क्या हुआ अगर हृदय में उनकी सूरत जम गई है? मैं इसी घर में उनका ध्यान करते करते जान दे दूंगी, पर मोह के बस के आकर मुझसे ऐसा भारी पाप न किया जाएगा। मगर इसमें उन बेचारे का दोष नहीं है, वह भी अपने दिल से हारे हुए हैं। नहीं मालूम क्यों मुझे भागिनी में उनका प्रेम लग गया। इस शहर में ऐसा कौन रईस है जो उनको लड़की देने में अपनी बड़ाई न समझे। मगर ईश्वर को न जाने क्या मंजूर था कि उनकी प्रीति मुझसे लगा दी। हाय, आज की सौंझ को वह आएंगे, मेरी कलाई पर कंगन न देखेंगे तो दिल में क्या कहेंगे। कहीं आना जाना त्याग दे तो मैं बिन मारे मर जाऊं। अगर उनका चित जरा भी मेरी ओर से मोटा हुआ तो अवश्य जहर खा लूंगी। अगर उनके मन में जरा भी माँ खाया, जरा भी निगाह बदली तो मेरा जीना कठिन है। बिल्लो पूर्णा के मुखड़े का चढ़ाव उतार बड़े गौर से देख रही थी। जब वह खत पढ़ चुकी तो उसने पूछा, क्या लिखा है बहू? पूर्णा, मलिन स्वर में, क्या बताऊं क्या लिखा है? बिल्लो, क्यों, कुशल तो है? पूर्णा, हाँ सब कुशल ही है, बाबू साहब ने आज नया स्वांग रचा। बिल्लो अचंभे से, वह क्या? पूर्णा, लिखते हैं कि मुझसे, उससे और कुछ न कहा गया। बिल्लो समझ गई, मगर वहीं तक पहुंची जहां तक उसकी बुद्वी ने मदद की। वह अमृतराय की बढ़ती हुई मोहब्बत को देख देख कर दिल में समझे बैठी हुई थी कि वह एक न एक दिन पूर्णा को अपने घर अवश्य डालेंगे। पूर्णा उनको प्यार करती है, उन पर जान देती है। वह पहले बहुत हिचकिचाएगी मगर अंत में मान ही जाएगी। उसने सैकड़ों रईसों को देखा था कि नाइनों कहारियों महाराजनों को घर डाल लिया था, अब की भी ऐसा ही होगा। उसे इसमें कोई बात अनोखी नहीं मालूम होती थी कि बाबू साहब का प्रेम सच है, मगर बेचारे सिवाय इसके और कर ही क्या सकते हैं कि पूर्णा को घर डाल लें। देखा चाहिए कि बहू मानती है या नहीं। अगर मान गई तो जब तक जिएगे सुख भोगेगी। मैं भी उनकी सेवा में एक टुकड़ा रोटी पाया करूंगी और जो कहीं इनकार किया तो किसी का निभाह ना होगा, बाबू साहब ही का सहारा ठहरा। जब वही मुंह मोड़ लेंगे तो फिर कौन किसको पूछता है। इस तरह ऊंच नीच सोचकर उसने पूर्णा से पूछा, तुम क्या जवाब दो दोगी? पूर्णा, जवाब ऐसी बातों का भी भल कहीं जवाब होता है? भला विधवाओं का कहीं ब्याह हुआ है और वही भी ब्राह्मण का क्षत्रिय से? इस तरह की चंद कहानियां मैंने उन किताबों में पढ़ी जो वह मुझे दे गए है, मगर ऐसी बात कहीं सैतुक नहीं देखने आई। बिल्लो समझी थी कि बाबू साहब उसको घर डराने वाले है। जब ब्याह का नाम सुना तो चकरा कर बोली, क्या ब्याह करने को कहते हैं? पूर्णा, हाँ बिल्लो तुमसे, पूर्णा यही तो आर्शच है। बिल्लो अचराज सा अचरज है, भला ऐसी कहीं भया है? बालक पक गए मगर ऐसा ब्याह नहीं देखा। पूर्णा, बिल्लो यह सब बहाना है, उनका मतलब मैं समझ गई। बिल्लो वह तो खुली बात है। पूर्णा, ऐसा मुझसे न होगा, मैं जान दे दूंगी पर ऐसा न करूंगी। बिल्लो, बहु उनका इसमें कुछ दोष नहीं है, वह बेचारे भी अपने दिल से हारे हुए हैं, क्या करें। पूर्णा, हाँ बिल्लो, उनको नहीं मालूम क्यों मुझसे कुछ मोहब्बत हो गई है और मेरे दिल का हाल तो तुमसे छिपा नहीं। अगर वह मेरी जान मांगते तो मैं अभी दे देती, ईश्वर जानता है उनके जरा से इशारे पर मैं अपने को निछावर कर सकती हूँ। मगर जो बात वह चाहते हैं मुझसे न होगी, उसके सोचती हूँ तो मेरा कलेजा कांपने लगता है। बिल्लो, हाँ बात तो ऐसा ही है मुदा। पूर्णा, मगर क्या भले मानुसों में ऐसा कभी होता ही नहीं। हाँ, नीच जातियों में सगाई डोला सब कुछ आता है। बिल्लो, बहु यह तो सच है, मगर तुम इनकार करोगी तो उनका दिल टूट जाएगा। पूर्णा, यही डर मारे डालता है, मगर इनकार ना करूं तो क्या करूं? यह तो मैं भी जानती हूँ कि वह झूठ सच ब्याह कर लेंगे। ब्याह क्या कर लेंगे, ब्याह क्या करेंगे, ब्याह का नाम करेंगे, मगर सोचो तो दुनिया क्या कहेगी। लोग अभी से बदनाम कर रहे हैं तो न जाने और क्या क्या आक्षेप लगाएंगे। मैं सखी प्रेमा को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहूंगी, बस यही एक उपाय है कि जान दे दूं, न रहे बॉस न बजे बांसुरी। उनको दो चार दिन तक रंज रहेगा, आखिर भूल जाएंगे, मेरी तो इज्जत बच जाएगी। बिल्लो, बात पलटकर इस संदूकचे में क्या है? पूर्णा, खोलकर देखो। बिल्लो ने जो उसे खोला तो एक कीमती कंगन हरी मखमल में लपेट कर धरा था और संदूक में संदल की सुगंध आ रही थी। बिल्लो ने उसको निकाल लिया और चाहा कि पूर्णा के हाथ खींच लिया और आंखों में आंसू भरकर बोली, मत बिल्लो, इसे मत पहनाओ, संदूक में बंद करके रख दो। बिल्लो, जरा पहनो तो देखो कैसा अच्छा मालूम होता है। पूर्णा, कैसे पहनूं? यह तो इस बात का सूचक हो जाएगा कि उनकी बात मंजूर है। बिल्लो, क्या यह भी इस चिट्ठी में लिखा है?
पूर्णा, हाँ, लिखा है कि मैं आज शाम को आऊंगा और अगर कलाई पर कंगन देखूंगा तो समझ जाऊंगा कि मेरी बात मंजूर है। बिल्लो, क्या आज ही शाम को आएंगे? पूर्णा, हाँ। यह कहकर पूर्णा ने सिर नीचा कर लिया। नहाने कौन जाता है, खाने पीने की किसको सुध है? दोपहर तक चुपचाप बैठी सोचा की, मगर दिल ने कोई बात निर्णय न की। हाँ, ज्यों ज्यों सौंझ का समय निकट आया था त्यों त्यों उसका दिल धड़कता जाता था कि उनके सामने कैसे जाऊंगी। वह मेरी कलाई पर कंगन न देखे तो क्या कहेंगे, कहीं रुट कर चले न जाया, वह कहीं रिसा गए तो उनको कैसे मनाऊंगी। मगर तबीयत कायदा है कि जब कोई बात उसको अति लॉलिंग करने वाली होती है तो थोड़ी देर के बाद वह उसे भागने लगती है। पूर्णा से अब सोचा भी न जाता था। माथे पर हाथ घरे मौन साधे चिंता की चित्र बनी दीवार की ओर ताक रही थी। बिल्लो भी मान मारे बैठी हुई थी। 3 बजे होंगे कि यकायक बाबू अमृतराय की मानूस आवाज दरवाजे पर बिल्लो पुकराते सुनाई दी। बिल्लो चट बाहर दौड़ी और पूर्णा जल्दी से अपनी कोठरी में घुस गई कि दरवाजा भेर लिया। उसका दिल भर आया और वह किवाड़ से चिमट कर फूट फूट रोने लगी। उधर बाबू साहब बहुत बेचैन थे। बिल्लो ज्यों ही बाहर निकली कि उन्होंने उसकी तरफ आस भरी आंखों से देखा, मगर जब उसके चेहरे पर खुशी का कोई चिन्ह न दिखाई दिया तो वह उदास हो गए और दबी आवाज में बोली, महरी, तुम्हारी उदासी देखकर मेरा दिल बैठा जाता है। बिल्लो ने इसका उत्तर कुछ न दिया। अमृतराय का माथा ठनका कि जरूर कुछ गड़बड़ हो गई, शायद बिगड़ गई। डरते डरते बिल्लो से पूछा, आज हमारा आदमी आया था? बिल्लो, हाँ आया था। अमृत कुछ दे गया? बिल्लो, दे क्यों नहीं गया? अमृत तो क्या हुआ, उसको पहना? बिल्लो, हाँ पहना, अरे औक भर के देखा तो हुई नहीं, तब से बैठी रो रही है, न खाने उठी न गंगा जी गई। अमृत कुछ कहा भी? क्या बहुत खफा है? बिल्लो, कहती क्या, तभी से औसू का तार नहीं टूटा। अमृतराय समझ गए कि मेरी चाल बुरी पड़ी, अभी मुझे कुछ दिन और धीरज रखना चाहिए था, वह जरूर बिगड़ गई। अब क्या करूं? क्या अपना सा मुंह लेके लौट जाऊं, या एक दफा फिर मुलाकात कर लूं तब लौट जाऊं? कैसे लौटूं? लौटा जाएगा, हाय अब न लौटा जाएगा। पूर्णा, तू देखने में बहुत सीधी और भोली है, परंतु तेरा हृदय बहुत कठोर है। तूने मेरी बातों का विश्वास नहीं माना, तू समझती है मैं तुझसे कपट कर रहा हूँ? ईश्वर के लिए अपने मन से यह शंका निकाल डाल। मैं धीरे धीरे तेरे मोह में कैसा जकड़ गया हूँ कि अब तेरे बिना जीना कठिन है। प्यारी, जब मैंने तुझसे पहल बातचीत की थी तो मुझे इसकी कोई आशा न थी कि तुम्हारी मीठी बातों और तुम्हारी मंद मुस्कान का जादू मुझ पर ऐसा चल जाएगा, मगर वह जादू चल गया और अब सिवाय तुम्हारे उसे और कौन उतार सकता है? नहीं, मैं इस दरवाजे से कदापि नहीं हिलूंगा। तुम नाराज होगी, झल्लाओगी, मगर कभी न कभी मुझ पर तरस आ ही जाएगा। बस अब यही करना उचित है। मगर देखी प्यारी, ऐसा न करना कि मुझसे बात करना छोड़ दो, नहीं तो मेरा कहीं ठिकाना नहीं। क्या तुम हमसे सचमुच नाराज हो? हाय, क्या तुम पहरों से इसलिए रो रही हो कि मेरी बातों ने तुमको दुख दिया? यह बातें सोचते सोचते बाबू साहब की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने गदगद स्वर में बिल्लो से कहा, महरी, हो सके तो जरा उनसे मेरी मुलाकात करा दो, कह दो एकदम के लिए मिल जाएं, मुझ पर इतनी कृपा करो। महरी ने जो उनकी आंखें लाल देखी तो दौड़ हुई घर में आई। पूर्णा के कमरे में किवाड़ खटखटा कर बोली, बहू क्या गजब करती हो, बाहर निकलो, बेचारे खड़े रो रहे हैं। पूर्णा ने इरादा कर लिया था कि मैं उनके सामने कदापि न जाऊंगी, वह महरी से बातचीत करके आप ही चले जाएंगे, मगर जब सुना कि रो रहे हैं तो प्रतिज्ञा टूट गई, बोली, तुमन जाके क्या कह दिया? महरी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। पूर्णा से अब न रहा गया, चट के वार खोल दिए और कपती हुई आवाज से बोली, सच बतलाओ बिल्लो, क्या बहुत रो रहे है? महरी, नारायण जाने, दोनों आंखें लाल टैसू हो गई हैं, बेचारे बैठे तक नहीं, उनको रोते देखकर मेरा भी दिल भर आया। इतने में बाबू अमृतराय ने पुकार कर कहा, बिल्लो मैं जाता हूँ, अपनी सरकार से कह दो अपराध क्षमा करें। पूर्णा ने आवाज सुनी, वह एक ऐसे आदमी की आवाज थी जो निराशा के समुद्र में डूबता हो। पूर्णा को ऐसा मालूम हुआ जैसे उसके हृदय को किसी ने छेद दिया, आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। बिल्लो ने कहा, बहू हाथ जोड़ती हूँ, चली चलो, जिसमें उनकी भी खातिरी हो जाए। यह कहकर उसने आपसे उठती हुई पूर्णा का हाथ पकड़कर उठाया और वह घूंघट निकालकर आंसू पहुंचती हुई मर्दाने कमरे की तरफ चली। बिल्लो ने देखा कि उसके हाथों में कंगन नहीं है, चत संदूकची उठा लाए और पूर्णा का हाथ पकड़कर चाहती थी कि कंगन पहना दे, मगर पूर्णा ने हाथ झटक कर छुड़ा लिया और दम की दम में बैठक के भीतर दरवाजे पर आके खड़ी रो रही थी। उसकी दोनों आंखें लाल थी और ताजे आंसुओं की रेखाएं गालों पर बनी हुई थी।
पूर्णा ने घूंघट उठाकर प्रेम रस से भरी हुई आंखों से उनकी ओर ताका। दोनों की आंखें चार हुई। अमृतराय बेबस होकर बड़े सिसकती हुई पूर्णा का हाथ पकड़ लिया और बड़ी दीनता से बोले, पूर्णा ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो। उनके मुंह से और कुछ न निकला। करुणा से गला बंध गया और वह सर नीचा किए हुए जवाब के इंतजार में खड़ा हो गए। बेचारी पूर्णा का धैर्य उसके हाथ से छूट गया। उसने रोते रोते अपना सर अमृतराय के कंधे पर रख दिया। कुछ कहना चाहा मगर मुंह से आवाज न निकली। अमृतराय ताड़ गए कि अब देवी प्रसन्न हो गई। उन्होंने आंखों के इशारे से बिल्लों से कंगन मंगवाया। पूर्णा को धीरे इस कुर्सी पर बिठा दिया। वह जरा भी न झिझकी। उसके हाथों में कंगन पहनाए। पूर्णा ने जरा भी हाथ न खींचा। तब अमृतराय ने साहसा करके उसके हाथों को चूम लिया और उनकी आंखें प्रेम से मग्न होकर जगमगाने लगी। रोती हुई पूर्णा ने मोहब्बत भरी निगाहों से उनकी ओर देखा और बोली, प्यार अमृतराय तुम सचमुच जादूगर हो। भाग 10 विवाह हो गया। यह आंखों देखी बात है कि बहुत करके झूठी और बेसिर पैर की बातें आप ही आप फैल जाया करती है। तो भला जिस बात में सच्चाई नामात्र भी मिली हो उसको फैलते कितनी देर लगती है। चारों ओर यही चर्चा थी कि अमृतराय उस विधवा ब्राह्मणी के घर बहुत आया जाया करता है। सारे शहर के लोग कसम खाने पर उद्यत थे कि इन दोनों में कुछ सॉर्ट गॉट जरूर है। कुछ दिनों से पंडाइन और चौबाइन आदि ने भी पूर्णा के बनाव चुनाव पर नाक भान चढ़ाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके विचार में अब वह ऐसे बंधनों की भागी थी। जो लोग विद्वान थे और हिंदुस्तान के दूसरे देशों के हाल जानते थे उनको इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं यह दोनों नियोग न कर लें। हजारों आदमी इस घात में थे कि अगर कभी रात को अमृतराय पूर्णा की ओर जाते पकड़े जाएं तो फिर लौटकर घर न जाने पावे। अगर कोई अभी तक अमृतराय की नियत की सफाई पर विश्वास रखता था तो वह प्रेमा थी। वह बेचारी विराहग्नि में जलते जलते कोटा हो गई थी, मगर अभी तक उनकी मोहब्बत उसके दिल में वैसी ही बनी हुई थी। उसके दिल में कोई बैठा हुआ कह रहा था कि तेरा विवाह उनसे अवश्य होगा। इसी आशा पर उसके जीवन का आधार था। वह उन लोगों में थी जो एक ही बार दिल का सौदा चुकाते हैं। आज पूर्णा से वचन लेकर बाबू साहब बंगले पर पहुंचने भी न पाए थे कि यह खबर एक कान से दूसरे कान फैलने लगी और शाम होते होते सारे शहर में यही बात गूंजने लगी। जो कोई सुनता उसे पहले तो विश्वास न आता। क्या इतने मान मर्यादा के ईसाई हो गए हैं, बस उसकी शंका मिट जाती। वह उनको गालियां देता, कोसता। रात तो किसी तरह कटी। सवेरा होते ही मुंशी बदरी प्रसाद के मकान पर सारे नगर के पंडित, विद्वान, धनाड़े और प्रतिष्ठित लोग एकत्र हुए और इसका विचार होने लगा कि यह शादी कैसे रोकी जाए। पंडित भरिगुदत्त विधवा विवाह वर्जित हैं, कोई हमसे शास्त्रार्थ कर ले। वेद पुराण में कहीं ऐसा अधिकार कोई दिखा दे तो हम आज पंडिताई करना छोड़ दें। इस पर बहुत से आदमी चिल्लाए, हाँ हाँ जरूर शास्त्रार्थ हो। शास्त्रार्थ का नाम सुनते ही इधर उधर से सैकड़ों पंडित विद्यार्थी बगलों में पोथियां दबाए, सिर घुटाए, अंगूठा कंधे पर रखे, मुंह में तमाकू भरे, इकट्ठे हो गए और झक झक होने लगी कि जरूर शास्त्रार्थ हो, पहले यह श्लोक पूछा जाए, उसका यह उत्तर दे तो फिर यह प्रश्न किया जावे। अगर उत्तर देने में वह लोग साहित्य या व्याकरण में जरा भी चूके तो जीत हमारे हाथ हो जाए। सैकड़ों कठमुल्ले गंवार भी इसी मंडली में मिलकर कोलाहल मचा रहे थे। मुंशी बदरी प्रसाद ने जब इनको शास्त्रार्थ करने पर उतारू देखा तो बोले, किससे करोगे शास्त्रार्थ? मान लो वह शास्त्रार्थ न करे तब सेठ धुनीमल बिना शास्त्रार्थ किए विवाह कर लेंगे, धोती संभाल कर थाने में रपट कर दूंगा। ठाकुर जोरावर सिंह मोछों पर ताव देकर, कोई ठट्ठा है ब्याह करना, सिर काट डालूंगा, लोहू की नदी बह जाएगी। राव साहब वार्ता की बारात काट डाली जाएगी। इतने में सैकड़ों आदमी और आडटे और आग में ईंधन लगाने लगे। एक जरूर से जरूर सिर गंजा कर दिया जाए, दूसरा घर में आग लगा देंगे, सब बारात जल भुन जाएगी, तीसरा पहले उस यात्री का गला घोंट देंगे। इधर तो यह हरबोंग मचा हुआ था, उधर दीवानखाने में बहुत से वकील और मुख्तार रमझल्ला मचा रहे थे। इस विवाह को न्याय विरुद्ध साबित करने के लिए बड़ा उद्योग किया जा रहा था। बड़ी तेजी से मोटी मोटी पुस्तकों के वरक उल्टे जा रहे थे। बरसों की पुरानी धुरानी नजीरें पड़ी जा रही थी कि कहीं से कोई दांव पकड़ निकल आवे, मगर कई घंटे तक सर खपाने पर कुछ न हो सका। आखिर यह सम्मति हुई कि पहले ठाकुर जोरावर सिंह अमृतराय का धमकावे, अगर इस पर भी वह न माने तो जिस दिन बारात निकले सड़क पर मारपीट की जाए। इस प्रस्ताव के बाद न मानो तो विसर्जन हुई। बाबू अमृतराय ब्याह की तैयारियों में लगे हुए थे कि ठाकुर जोरावर सिंह का पत्र पहुंचा। उसमें लिखा था, बाबू अमृतराय को ठाकुर जोरावर सिंह का सलाम, बंदगी बहुत बहुत तरह से पहुंचे।
आगे हमने सुना है कि आप किसी विधवा ब्राह्मणी से विवाह करने वाले हैं। हम आपसे कह देते हैं कि भूल कर भी ऐसा न कीजिएगा, नहीं तो आप जाने और आपका काम। जोरावर सिंह एक धनाढ्य और प्रतिष्ठित आदमी होने के उपरांत उस शहर के लठैतों और बौके आदमियों का सरदार था और कई बेर बड़े बड़ों को नीचा दिखा चुका था। असकी धमकी ऐसी न थी कि अमृतराय पर उसका कुछ असर न पड़ता। चिट्ठी को देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सोचना लगे कि ऐसी कौन सी चाल चलूं कि इसको अपना आदमी बना लूं कि इतने में दूसरी चिट्ठी पहुंची। यह गुमनाम थी और सका आशा भी पहली चिट्ठी से मिलता था। इसके बाद शाम होते होते सैकड़ों गुमनाम चिट्ठियां आईं। कोई की कहता था कि अगर फिर ब्याह का नाम लिया तो घर में आग लगा देंगे। कोई सर काटने की धमकी देता था, कोई पेट में छुरी भोंकने के लिए तैयार था और कोई मूंछ के बात उखाड़ने के लिए चुटकियां गर्म कर रहा था। अमृतराय यह तो जानते कि शहर वाले विरोध अवश्य करेंगे, मगर उनको इस तरह की राड़ का गुमान भी न था। इन धमकियों ने जरा देर के लिए उन्हें भय में डाल दिया। अपने से अधिक खटका उनको पूर्णा के बारे में था कि कहीं यही सब दुष्ट उसे न कोई हानि पहुंचावे। उसी दम कपड़े पहन पैरगाड़ी पर सवार होकर चटपट मजिस्ट्रेट की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे पूरा पूरा वृतांत कहा। बाबू साहब का अंग्रेजों में बहुत मान था, इसलिए नहीं कि वह खुशामदी थे या अफसरों की पूजा किया करते थे, किंतु इसलिए कि वह अपनी मर्यादा रखना आप जानते थे। साहब ने उनका बड़ा आदर किया, उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनी, सामाजिक सुधार की आवश्यकता को माना और पुलिस के सुपरिंटेंडेंट को लिखा कि आप अमृतराय की रक्षा के वास्ते एक गारद रवाना कीजिए और खबर लेते रहिए कि मारपीट खून खराब ना हो जाए। सौंझ होते होते 30 सिपाहियों का एक गारद बाबू साहब के मकान पर पहुंच गया, जिनमें से 5 बलवान आदमी पूर्णा के मकान की हिफाजत करने के लिए भेज गए। शहर वालों ने जब देखा कि बाबू साहब ऐसा प्रबंध कर रहे हैं तो और भी झल्लाए। मुंशी बदरी प्रसाद अपने सहायकों को लेकर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे और दुहाई मचाई कि अगर वह विवाह रोक न दिया गया तो शहर में बड़ा उपद्रव होगा और बलवा हो जाने का डर है। मगर साहब समझ गए कि यह लोग मिलजुल कर अमृतराय को हानि पहुंचाया चाहते हैं। मुंशी जी से कहा कि सरकार किसी आदमी की शादी विवाह में विघ्न डालना नियम के विरुद्ध है, जब तक कि उस काम से किसी दूसरे मनुष्य को कोई दुख न हो। यह टकासा जवाब पाकर मुंशी जी बहुत लज्जित हुए। वहां से जल भूनकर मकान पर आए और अपने सहायकों के साथ बैठकर फैसला किया कि ज्यों ही बारात निकले उसी दम 50 आदमी उस पर टूट पड़े, पुलिस वालों की भी खबर लें और अमृतराय की भी हड्डी पसली तोड़कर धर दें। बाबू अमृतराय के लिए यह समय बहुत नाजुक था, मगर वह देश का हितैषी तन मन धन से इस सुधार के काम में लगा हुआ था। विवाह का दिन आज से एक सप्ताह पीछे नियत किया गया, क्योंकि ज्यादा विलंब करना उचित न था और यह 7 दिन बाबू साहब ने ऐसी हैरानी में काटे कि जिसे वर्णन नहीं किया जा सका। प्रतिदिन वह 2 कांस्टेबलों के साथ पिस्तौलों की जोड़ी लगायो 2 बेर पूर्णा के मकान पर आते। वह बेचारी मारे डर के मरी जाती थी। वह अपने को बार बार कोसती कि मैंने क्यों उनको आशा दिलाकर यह जोखिम मोल ली। अगर इन दुष्टों ने कहीं उन्हें कोई हानि पहुंचाई तो वह मेरी ही नादानी का फल होगा। यद्यपि उसकी रक्षा के लिए कई सिपाही नियत थे, मगर रात रात भर उसकी आंखों में नींद न आती। पत्ता भी खड़कता तो चौंक कर उठ बैठती। जब बाबू साहब सवेरे आकर उसको ढारस देते तो जाकर उसके जान में जान आती। अमृतराय ने चिट्ठियां तो इधर उधर भेज ही दी थी। विवाह के 3-4 दिन पहले से मेहमान आने लगे। कोई मुंबई से आता था, कोई मद्रास से, कोई पंजाब से और कोई बंगाल से। बनारस में सामाजिक सुधार के विरादियों का बड़ा जोर था और सारे भारतवर्ष के रिफर्मरों के जी में लगी हुई थी कि चाहे जो हो, बनारस में सुधार के चमत्कार फैलाने का ऐसा अपूर्व समय हाथ से न जाने देना चाहिए। वह इतनी दूर दूर से इसलिए आते थे कि सब काशी की भूमि में रिफॉर्म की पताका अवश्य गाड़ दें। वह जानते थे कि अगर इस शहर में यह विवाह हो तो फिर इस सूबे के दूसरे शहरों के रिफॉर्मरों के लिए रास्ता खुल जाएगा। अमृतराय मेहमानों की आवभगत में लगे हुए थे और उनके उत्साही चेले साफ सुथरे कपड़े पहने स्टेशन पर जा जाकर मेहमानों को आदरपूर्वक लाते और उन्हें सजे हुए कमरों में ठहराते थे। विवाह के दिन तक यहाँ कोई 150 मेहमान जमा हो गए। अगर कोई मनुष्य सारे आर्यावर्त की सभ्यता, स्वतंत्रता, उदारता और देशभक्ति को एकत्रित देखना चाहता था तो इस समय बाबू अमृतराय के मकान पर देख सकता था। बनारस के पुरानी लकीर पीटने वाले लोग इन तैयारियों और ऐसे प्रतिष्ठित मेहमानों को देख देख दोतों उंगली दबाते। मुंशी बदरी प्रसाद और उनके सहायकों ने कई बेर धूमधाम से जिनसे किए हर बेर यही बात तय हुई कि चाहे जो मारपीट जरूर की जाए। विवाह का पहले शाम को बाबू अमृतराय अपने साथियों को लेकर पूर्णा के मकान पर पहुंचे और वहां उनको बरातियों के आदर सम्मान का प्रबंध करने के लिए ठहरा दिया।
इसके बाद पूर्णा के पास गए। इनको देखते ही उसकी आंखें में आंसू भर आए। अमृत गले से लगाकर, प्यारी पूर्णा डरो मत, ईश्वर चाहेगा तो बैरी हमारा बाल भी बौनका न करा सके। कल जो बारात यहाँ आएगी वैसी आज तक इस शहर में किसी के दरवाजे पर ना आई होगी। पूर्णा, मगर मैं क्या करूँ, मुझे वो मालूम होता है कि कल जरूर मारपीट होगी। चारों से यह खबर सुन सुन मेरा जी आधा हो रहा है। इस वक्त भी मुंशी जी के यहाँ लाग जमा है। अमृत प्यारी, तुम इन बातों को जरा भी ध्यान में न लाओ। मुंशी जी के यहाँ तो ऐसे जलसे महीनों से हो रहे हैं और सदा हुआ करेंगे, इसका क्या डर। दिल को मजबूत रखो, बस यह रात और बीच है। कल प्यारी पूर्णा मेरे घर पर होगी। आह, वह मेरे लिए कैसे आनंद का समय होगा। पूर्णा यह सुनकर अपना डर भूल गई। बाबू साहब को प्यारी की निगाहों से देखा और जब चलने लगे तो उनके गले से लिपट कर बोली, तुमको मेरी कसम, इन दुष्टों से बचे रहना। अमृतराया ने उसे छाती से लगा लिया और समझा बुझाकर अपने मकान को रवाना हुए। पहर रात गए, पूर्णा के मकान पर कई पंडित रेशमी बाना सजे, गले में फूलों का हार डाले आए विधिपूर्वक लक्ष्मी की पूजा करने लगे। पूर्णा सोलहों सिंगार किए बैठी हुई थी। चारों तरफ गैस की रोशनी से दिन के समान प्रकाश हो रहा था। कांस्टेबल दरवाजे पर टहल रहे थे। दरवाजे का मैदान साफ किया जा रहा था और शामियाना खड़ा किया जा रहा था। कुर्सियां लगाई जा रही थी, फर्श बिछाया गया, गमले सजे गए। सारी रात इन्हीं तैयारियों में कटी और सवेरा होते ही बारात अमृतराय के घर से चली। बारात क्या थी, सभ्यता और स्वाधीनता की चलती फिरती तस्वीर थी। न बाजे का धड़ धड़ पड़ पड़, न बिगुलों की धूं धूं पों पों, न पालकियों का झुरमट, न सजे हुए घोड़ों की चिल्लापों, न मस्त हाथियों का रेलपिल, न सोंटे बल्लम वालों की कतारा, न फुलवाड़ी, न बगीचे, बल्कि भले मानुषों की एक मंडली थी जो धीरे धीरे कदम बढ़ाती चली जा रही थी। दोनों तरफ जंगी पुलिस के आदमी वर्दियां डोटे सोंटे लिए खड़े थे। सड़क के इधर उधर झुंड के झुंड आदमी लंबी लंबी लाठियां लिए एकत्र और थे, बारात की ओर देख देख दौत पीसते थे। मगर पुलिस का वह रोग था कि किसी को चूं करने का भी साहस नहीं होता था। बारातियों से 50 कदम की दूरी पर रिजर्व पुलिस के सवार हथियारों से लैंस, घोड़ों पर रान पटरी जामे, भाले चमकाते और घोड़ों को उछालते चले जाते थे। तिस पर भी सबको यह खटका लग हुआ था कि कहीं पुलिस के भय का यह तिलिस्म टूट न जाए। यद्यपि बारातियों के चेहरे से घबराहट लेशमात्र भी न पाई जाती थी, तथापि दिल सबके धड़क रहे थे। जरा भी सटपट होती तो सबके कान खड़े हो जाते। एक बेर दुष्टों ने सचमुच धावा कर ही दिया, चारों ओर हलचल मची। मगर उसी दम पुलिस ने भी डबल मार्च किया और दम की दम में कई फसादियों की मुश्किलें कस ली। फिर किसी को उपद्रव मचाने का साहस न हुआ। बारे किसी तरह घंटे भर में बारात पूर्णा के मकान पर पहुंची। यहां पहले से ही बारातियों के शुभागमन का सामान किया गया था। आंगन में फर्श लगा हुआ था, कुर्सियां धरी हुई थी और बीचों बीच में कई पूज्य ब्राह्मण हवन कुंड के किनारे बैठकर आहुति दे रहे थे। हवन की सुगंध चारों ओर उड़ रही थी। उस पर मंत्रों के मीठे मीठे मध्यम और मनोहर स्वर जब कान में आते तो दिल आप ही उछलने लगता। जब सब बारती बैठ गए तब उनके माथे पर केसर और चंदन मला गया, उनके गलों में हार डाले गए और बाबू अमृतराय पर सब आदमियों ने पुष्पों की वर्षा की। इसके पीछे घर मकान के भीतर गया और वहां विधिपूर्वक विवाह हुआ। न गीत गाए गए, न गाली गलौज की नौबत आई, न नेकचार का उधम मचा। भीतर तो शादी हो रही थी, बाहर हजारों आदमी लाठियां और सोंटे लिए गुल मचा रहे थे। पुलिस वाले उनको रोके हुए मकान के चौगिर्द खड़े थे। इसी बची में पुलिस का कप्तान भा पहुंचा। उसने आते ही हुक्म दिया कि भीड़ हटा दी जाए और उसी दम पुलिस वालों ने सोंटों से मार मार कर इस भीड़ को हटाना शुरू किया। जंगी पुलिस ने डराने के लिए बंदूकों की दो चार बाड़े हवा में सर कर दी। अब क्या था, चारों ओर भगदड़ मच गई, लोग एक पर एक गिरने लगे। मगर ठीक उसी समय ठाकुर जोरावर सिंह बांकी पगिया बौंधे, रजपूती बाना सजे, दोहरी पिस्तौल लगाए दिखाई दिया। उसकी मूंछे खड़ी थी, आंखों से अंगारे उड़ रहे थे। उसको देखते ही वह लोग जो छितर बिती हो रहे थे फिर इकट्ठा होने लगो, जैसे सरदार को देखकर भागती हुई सेना दम पकड़ ले। देखते ही देखते हजार आदमी से अधिक एकत्र हो गए और तलवार के धनी ठाकुर ने एक बार कड़क कर कहा, जय दुर्गा जी की, वहीं सारे दिलों में मानो बिजली कौंध गई। जोश भड़क उठा, तेवरियों पर बल पड़ गए और सबके सब नद की तरह उमड़ते हुए आगे को बढ़े। जंगी पुलिस वाले भी संगीने चढ़ाए, साफ बौंधे, डटे खड़े थे। चारों ओर भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। धड़का लगा हुआ था कि अब कोई दम में लोहू की नदी बहा चाहती है।
कप्तान ने जब इस बाढ़ को अपने ऊपर आते देखा तो अपने सिपाहियों को ललकारा और बड़े जीवत से मैदान में आकर सवारों को उभारने लगा कि एकाएक पिस्तौल की आवाज आई और कप्तान की टोपी जमीन पर गिर पड़ी, मगर घाव ओछा लगा। कप्तान ने देख लिया था कि यह पिस्तौल जोरावर सिंह ने सर की है। उसने भी चट अपनी बंदूक संभाली और निशाने का लगाना था कि धाएं से आवाज हुई और जोरावर सिंह चारों खाने चित जमीन पर आ रहा। उसके गिरते ही सबके हियाव छूट गए। वे भेड़ों की भौती भगाने लगे, जिसकी जिधर सीन समाई चल निकला। कोई आधा घंटे में वहां चिड़िया का पूत भी न दिखाई दिया। बाहर तो यह उपद्रव मचा था, भीतर दुल्हा दुल्हिन मारे डर के सूखे जाते थे। बाबू अमृतराय जी दम दम की खबर मंगाते और थर थर कौपती हुई पूर्णा को ढारस देते। वह बेचारी रो रही थी कि मुझे भागिनी के लिए माथा पिटोवल हो रही है कि इतने में बंदूक छूटी। या नारायण, आपकी किसकी जान गई? अमृतराय घबराकर उठे कि जरा बाहर जाकर देखें, मगर पूर्णा से हाथ न छुड़ा सके। इतने मैंने एक आदमी ने फिर आकर कहा, बाबू साहब ठाकुर ढेर हो गए, कप्तान ने गोली मार दी। आधा घंटे में मैदान साफ हो गया और अब यहाँ से बारात की विदाई की ठहरी। पूर्णा और बिल्लो एक सेज गाड़ी में बिठाई गई और जिस सज धज से बारात आई थी इसी तरह वापस हुई। अब की किसी को सर उठाने का साहस नहीं हुआ। इसमें संदेह नहीं कि इधर उधर झुंड आदमी जमा थे और इस मंडली को क्रोध की निगाहों से देख रहे थे। कभी कभी मनचला जवान एक आध पत्थर भी चला देता था, कभी तालियां बजाई जाती थी, मुंह चिढ़ाया जाता था, मगर इन शरारतों से ऐसे दिल के पोड़े आदमियों की गंभीरता में क्या विधन पड़ सकता था। कोई आधा घंटे में बारात ठिकाने पर पहुंची, दुल्हन उतारी गई और बारातियां की जान में जान आई। अमृतराय की खुशी का क्या पूछना, वह दौड़ दौड़ सबसे हाथ मिलाते फिरते थे, बौछें खिली जाती थी। ज्यों ही दुल्हन उस कमरे में पहुंची जो स्वयं आप ही दुल्हन की तरह सजा हुआ था तो अमृतराय ने आकर कहा, प्यारी लोहम कुशल से पहुंच गए। तुम तो रो रही हो डॉट डॉट, यह कहते हुए उन्होंने रुमाल से उसके औसू पोछे और उसे गले से लगाया। प्रेम रस की माती पूर्णा ने अमृतराय का हाथ पकड़ लिया और बोली, आप तो आज ऐसे प्रसन्नचित हैं मानो कोई राज मिल गया है। अमृत लिपटाकर, कोई झूठ है, जिसे ऐसी रानी मिले उसे राज की क्या परवाह। आज का दिन आनंद में कटा। दूसरे दिन बरातियों ने विदा होने की आज्ञा मांगी, मगर अमृतराय की यह सलाह हुई कि लाला धनुषधारी लाल कम से कम एक बार सबको अपने व्याख्यान से कृतज्ञ करे। यह सलाह सबो पसंद आई। अमृतराय ने अपने बगीचे में एक बड़ा शामियान खड़ा करवाया और बड़े उत्सव से सभा हुई। वह धुआंधर व्याख्यान हुए कि सामाजिक सुधार का गौरव सबके दिलों में बैठे गया। फिर तो दो जलसे और भी हुए और दूने धूमधाम के साथ सारा शहर टूटा पड़ता था। सैकड़ों आदमियों का जनेऊ टूट गया। इस उत्सव के बाद दो विधवा विवाह और हुए। दोनों दूल्हे अमृतराय के उत्साही सहायकों में थे और दुल्हनों में से एक पूर्णा के साथ गंगा नहाने वाली रामकली थी। चौथे दिन सब नेवथरी विदा हुए। पूर्णा बहुत कन्नी काटती फिरी, मगर बरातियों के आग्रह से मजबूर होकर उनसे मुलाकात करनी ही पड़ी। और लाला धनुषधारी लाल ने तो 3 दिन उसे बराबर स्त्री धर्म की शिक्षा दी। शादी के 4th दिन बाद पूर्णा बैठी हुई थी कि एक औरत ने आकर उसके एक बंद लिफाफा दिया। पढ़ा तो प्रेमा का प्रेम पत्र था। उसने उसे मुबारकबादी दी थी और बाबू अमृतराय की वह तस्वीर जो बरसों से उसके गले का हार हो रही थी पूर्णा के लिए भेज दी थी। उस खत की आखिरी सत्रें यह थी, सखी तुम बड़ी भाग्यवती हो, ईश्वर सदा तुम्हारा सुहाग कायम रखें। तुम्हारे पति की तस्वीर तुम्हारे पास भेजती हूँ, इसे मेरी यादगार समझाना। तुम जानती हो कि मैं इसको जान से ज्यादा प्यारी समझती रही, मगर अब मैं इस योग्य नहीं कि इसे अपने पास रख सकूं। अब यह तुमको मुबारक हो प्यारी, मुझे भूलना मत। अपने प्यारे पति को मेरी ओर से धन्यवाद देना। तुम्हारी अभागिनी सखी प्रेमा। अफसोस, आज के 15वें दिन बेचारी प्रेमा बाबू दाननाथ के गले बौधी दी गई। बड़े धूमधाम से बारात निकली, हजारों रुपया लुटा दिया गया। कई दिन तक सारा शहर मुंशी बदरी प्रसाद के दरवाजे पर नाच देखता रहा। लाखों का वार न्यारा हो गया। ब्याह के 3rd ही दिन मुंशी जी परलोक को सिधारे, ईश्वर उनको स्वर्गवास दे। भाग 11, विरोधियों का विरोध। मेहमानों के विदा हो जाने के बाद यह आशा की जाती थी कि विरोधी लोग अब सिर न उठाएंगे, विशेष इसलिए कि ठाकुर जोरावर सिंह और मुंशी बदरी प्रसाद के मर जाने से उनका बल बहुत कम हो गया था। मगर यह आशा पूरी न हुई। एक सप्ताह भी न गुजरने पाया था कि और अभी सुचित से बैठने भी न पाए थे कि फिर यही दौंत किलकिल शुरू हो गई। अमृतराय कमरे में बैठे हुए एक पत्र पढ़ रहे थे कि महाराज चुपके से आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अमृतराय ने सर उठाकर उसको देखा तो मुस्कुरा कर बोले, कैसे चले महाराज? महाराज हजूर, जान बक्सी होए तो कहूँ,
अमृत, शौक से कहो। महाराज, ऐसा ना हो कि आप रिसहे हो जाएं। अमृत, बात तो कहो। महाराज, हजूर, डर लगती है। अमृत, क्या तनख्वाह बढ़वाना चाहते हो? महाराज, नहीं सरकार। अमृत, फिर क्या चाहते हो? महाराज, हजूर, हमारा इस्तीफा ले लिया जाए। अमृत, क्या नौकरी छोड़ोगे? महाराज, हाँ सरकार, अब हमसे काम नहीं होता। अमृत, क्यों? अभी तो मजबूत हो। जी चाहे तो कुछ दिन आराम कर लो। मगर नौकरी क्यों छोड़ो? महाराज, नहीं सरकार, अब हम घर को जाए। अमृत, अगर तुमको यहाँ कोई तकलीफ है तो ठीक ठीक कह दो। अगर तनख्वाह कहीं और इसके ज्यादा मिलने की आशा हो तो वैसा कहो। महाराज, हजूर, तनख्वाह जो आप देते हैं कोई क्या मायका लाल देगा? अमृतराय, फिर समझ में नहीं आता कि क्यों नौकरी छोड़ना चाहते हो। महाराज, अब सरकार, मैं आपसे क्या कहूँ? यहाँ तो यह बातें हो रही थी, उधर चम्मन व रम्मन कहार और भगेलू व दुखी बारी आपस में बातें कर रहे थे। भगेलू, चलो चलो जल्दी, नहीं तो कचहरी की बेला आ जाए। चम्मन, आगे आगे तुम चलो। भगेलू, हमसे आगून न चला जाए। चम्मन, तब कौन आगून चले? भगेलू, हम के का बताई। रम्मन, कोई न चले आगून तो हम चले थे। दुखी, तें आगे एक बात कहे थे, न कोई आगून चले न कोई पीछून। चम्मन, फिर कैसे चला जाए? भगेलू, सब साथ साथ चले। चम्मन, तुम्हार कपार। भगेलू, साथ चले माँ कौन हरज है। मम्मन, तब सरकार से बतियाए कौन। भगेलू, दुखी का खूब बितिया बावत है। दुखी, अरे राम रे, मैं उनके ताई न जय हूँ, उनका देख के मौका मुतास हो आवत है। भगेलू, अच्छा को न चले तो हम आगून चले थे। सबके सब चले। जब बरामदे में पहुंचे तो भगेलू रुक गया। मम्मन, ठाड़े काहे हो गयो, चले चलो। भगेलू, अब हम न जाबई, हमारा तो छाती धड़त है। अमृतराया ने जो बरामदे में इनको सोए साए बातें करते सुना तो कमरे से बाहर निकल आए और हंसकर पूछा, कैसे चले भगेलू? भगेलू का हियाव छूट गया, सिर नीचा करके बोला, हजूर, यह सब कहार आपसे कुछ कहने आए हैं। अमृतराया, क्या कहते हैं? यह सब तो बोलते ही नहीं। भगेलू, कहारों से तुमको जौन कुछ कहना होए सरकार से कहो। कहार भगेलू के इस तरह निकल जाने पर दिल में बहुत झल्लाए। चम्मन ने जरा तीखे होकर कहा, तुम काहे नहीं कहत हो, तुम्हार मुंह में जीभ नहीं है। अमृतराया, हम समझ गए, शायद तुम लोग इनाम मांगने आए हो। कहारों से अब सिवाय हाँ कहने के और कुछ न बन पड़ा। अमृतराया ने उसी दम पौच रुपया भगेलू के हाथ पर रख दिया। जब यह सब फिर अपनी काठरी में आए तो यूं बातें करने लगे, चम्मन, भगेलुआ बड़ा बोर्डर है। रम्मन, असरीस लागत रहा कि खाया भरे का दे। दुखी, वहां जाए के ठकुरा सोहाती करे लागा। भगेलू, हमासे तो उनके सामने कुछ कहे न गवा। दुखी, तब काहे को यहाँ से आगे आगे गया रहियो। इतने में सुख कहार लकई टेकता खौसता हुआ आ पहुंचा और इनको जमा देखकर बोला, का भवा, सरकार का कहिन। दुखी, सरकार के सामने जाए के सब गूंगे हो गए, कोई के मुंह से बात न निकली। भगेलू, सुख दादा तुम नियाव करो, जब सरकार हंसकर इनाम दे लागे तब कैसे कहा जात की हम नौकरी छोड़न आए हैं। सुख, हम तो तुमसे पहले कह दीन की यहाँ नौकरी छोड़ी के सब जने पछता हो, अस भला मानुष कहूँ न मिले। भगेलू, दादा तुम बात लाख रुपया की कहत हो। चम्मन, एमा कौन झूठ है, अस मनई कहाँ मिले। रम्मन, आज 10 बरस रहत भये मुदा आधी बात का बहु नाही कहिन। भगेलू, रीस तो उनके देह में छू नहीं गए, जब बात करत है हंसकर। मम्मन, भैया हमसे को कहत कि तुम 20 कलदार लेव और हमारे यहाँ चल के काम करो तो हम सराकर का छोड़ के कहूँ न जाइट। मुद्रा बिरादरी की बात ठहरी, हुक्का पानी बंद हुई गवा तो फिर केह के द्वारे जैब। रम्मन, यही डर तो जान मारे डालते हैं। चम्मन, चौधरी कह गए हैं कि आज इनके काम न छोड़ देहूँ तो टाट बाहर कर दीन जही। सुख, हम एक बेर कह दीन की पछताओ, जस मन में आवे करो। कहार भगेलू के इस तरह निकल जाने पर दिल में बहुत झल्लाए। चम्मन ने जरा तीखे होकर कहा, तुम काहे नहीं कहत हो, तुम्हार मुंह में जीभ नहीं है। अमृतराया, हम समझ गए, शायद तुम लोग इनाम मांगने आए हो। कहारों से अब सिवाय हाँ कहने के और कुछ न बन पड़ा। अमृतराया ने उसी दम पौच रुपया भगेलू के हाथ पर रख दिया। जब यह सब फिर अपनी काठरी में आए तो यूं बातें करने लगे, चम्मन, भगेलुआ बड़ा बोर्डर है। रम्मन, असरीस लागत रहा कि खाया भरे का दे। दुखी, वहां जाए के ठकुरा सोहाती करे लागा। भगेलू, हमासे तो उनके सामने कुछ कहे न गवा। दुखी, तब काहे को यहाँ से आगे आगे गया रहियो। इतने में सुख कहार लकई टेकता खौसता हुआ आ पहुंचा और इनको जमा देखकर बोला, का भवा, सरकार का कहिन। दुखी, सरकार के सामने जाए के सब गूंगे हो गए, कोई के मुंह से बात न निकली। भगेलू, सुख दादा तुम नियाव करो, जब सरकार हंसकर इनाम दे लागे तब कैसे कहा जात की हम नौकरी छोड़न आए हैं।
सुख, हम तो तुमसे पहले कह दीन की यहाँ नौकरी छोड़ी के सब जने पछता हो। अस भलामानुष कहूँ न मिले। भगेलू, दादा तुम बात लाख रुपया की कहत हो। चम्मन, एमा कौन झूठ है। अस मनई कहाँ मिले। रम्मन, आज 10 बरस रहत भये मुदा आधी बात का बहु ना ही कहें। भगेलू, रीस तो उनके देह में छू नहीं गए। जब बात करत है हंसकर। मम्मन, भैया हमसे को कहत कि तुम 20 कलदार लेव और हमारे यहाँ चल के काम करो तो हम सराकर का छोड़ के कहूँ ना जाइट। मुद्रा बिरादरी की बात ठहरी। हुक्का पानी बंद हुई गवा तो फिर केह के द्वारे जैब। रम्मन, यही डर तो जान मारे डालते हैं। चम्मन, चौधरी कह गए हैं कि आज इनके कामना छोड़ दे हूं तो टाट बाहर कर दीन जही। सुख, हम एक बेर कह दीन की पछता हो। जस मन में आवे करो। 8 बजे रात को जब बाबू अमृतराय सैर रिके आए तो कोई टमटम थाने वाला न था। चारों ओर घूम घूम कर पुकारा मगर किसी आहट न पाए। महाराज, कहार, साइस सभी चल दिए। यहाँ तक कि जो साइस उनके साथ था वह भी न जाने कहाँ लोप हो गया। समझ गए कि दुष्टों ने छल किया। घोड़े को आप ही खोलने लगे कि सुख का हार आता दिखाई दिया। उससे पूछा, यह सब के सब कहाँ चले गए। सुख खांसकर, सब छोड़ गए, अब काम ना करेंगे। अमृतराय, तुम्हें कुछ मालूम है इन सबों ने क्यों छोड़ दिया। सुख, मालूम काहे नहीं, उनके बिरादरी वाले कहते हैं इनके यहाँ काम मत करो। अमृतराय राय की समझ में पूरी बात आ गई कि विरादियों ने अपना कोई और बस न चलते देखकर अब यह ढंग रचा है। अंदर गए तो क्या देखते हैं कि पूर्णा बैठी खाना पका रही है और बिल्लो इधर उधर दौड़ रही है। नौकरों पर दौत पीस कर रह गए। पूर्णा से बोले, आज तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। पूर्णा हंसकर, इसे आप कष्ट कहते हैं। यह तो मेरा सौभाग्य है। पत्नी के अधरों पर मंद मुस्कान और आंखों में प्रेम देखकर बाबू साहब के चढ़े हुए तेवर बदल गए। भड़कता हुआ क्रोध ठंडा पड़ गया और जैसे नाग सूबी बाजे का शब्द सुनकर थिरकने लगता है और मतवाला हो जाता, उसी भोती उस घड़ी अमृतराय का चित भी किलोले करने लगा। आव देखा न ताव, कोट पतलून जूते पहने हुए रसोई में बेधड़क घुस गए। पूर्णा हाँ हाँ करती रही मगर कौन सुनता है, और उसे गले से लगाकर बोले, मैं तुमको यह न करने दूंगा। पूर्णा भी प्रति के नशे में बसुध होकर बोली, मैं न मानूंगी। अमृत शून्य, अगर हाथों में छाले पड़े तो मैं जुर्माना ले लूंगा। पूर्णा, मैं उन छालों को फूल समझूंगी, जुर्माना क्यों देने लगी। अमृत शून्य, और जो सिर में धमक अमक हुई तो तुम जाना। पूर्णा, वाह ऐसे सस्ते न छूटोगे, चंदन रगड़ना पड़ेगा। अमृत, चंदन की रगड़ाई क्या मिलेगी। पूर्णा, वाह हंसकर भरपेट भोजन करा दूंगी। अमृत, कुछ और न मिलेगा। पूर्णा, ठंडा पानी भी पी लेना। अमृत, रिसियाकर कुछ और मिलना चाहिए। पूर्णा, बस अब कुछ न मिलेगा। यहाँ अभी यही बातें हो रही थी कि बाबू प्राणनाथ और बाबू जीवननाथ आए। यह दोनों कश्मीरी थे और कॉलेज में शिक्षा पाते थे। अमृतराय का पक्षपातियों में ऐसा उत्साही और कोई न था जैसे यह दोनों युवक थे। बाबू साहब का अब तक जो अर्थ सिद्ध हुआ था वह इन्हीं परोपकारियों के परिश्रम का फल था, और वे दोनों केवल जबानी बकवास लगाने वाली नहीं थे, वरन बाबू साहब की तरह वह दोनों भी सुधार का कुछ कुछ कर्तव्य कर चुके थे। यही दोनों वीर थे जिन्होंने सहस्रों रुकावटों और आधाओं को हटाकर विधवाओं से ब्याह किया था। पूर्णा की सखी रामकली ने अपनी मर्जी से प्राणनाथ के साथ विवाह करना स्वीकार किया था, और लक्ष्मी के माँ बाप जो आगरे के बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, जीवननाथ से उसका विवाह करने के लिए बनारस आए थे। ये दोनों अलग अलग मकान में रहते थे। बाबू अमृतराय उनके आने की खबर पाते ही बाहर निकल आए और मुस्कुराकर पूछा, क्यों, क्या खबर है। जीवननाथ, यह आपके यहाँ सन्नाटा कैसा। अमृत शून्य, कुछ न पूछो भाई। जीवन शून्य, आखिर वे दर्जन भर नौकरी कहाँ समा गए। अमृत शून्य, सब जहनुम चले गए, जालिमों ने उन पर बिरादरी का दबाव डालकर यहाँ से निकलवा दिया। प्राणनाथ ने ठट्ठा लगाकर कहा, लीजिए यहाँ भी वह ढंग है। अमृतराय, क्या तुम लोगों के यहाँ भी यही हाल है। प्राणनाथ, जनाब इससे भी बदतर, कहारी सब छोड़ भागो। जिस कुएं से पानी आता था वहां कई बदमाश लठ लिए बैठे हैं कि कोई पानी भरने आए तो उसकी गर्दन झाड़े। जीवननाथ आजी, वह तो कहो कुशल हुई कि पहले से पुलिस का प्रबंध कर लिया, नहीं तो इस वक्त शायद अस्पताल में होते। अमृतराय, आखिर अब क्या किया जाए, नौकरों बिना कैसे काम चलेगा। प्राणनाथ, मेरी तो राय है कि आप ही ठाकुर बनिए और आप ही चाकर। जीवननाथ, तुम तो मोटे ताजे हो, कुएं से 10-20 कल से पानी खींच ला सकते हो। प्राणनाथ, और कौन कहे कि आप बर्तन भोड़े नहीं मांग सकते। अमृत अजी, अब ऐसे कंगाल भी नहीं हो गए हैं, दो नौकर अभी हैं, जब तक इनसे थोड़ा बहुत काम लेंगे। आज इलाके पर लिख भेजता हूँ, वहाँ 2-4 नौकर आ जाएंगे। जीवन, यह तो आपने अपना इंतजाम किया, हमारा काम कैसे चले। अमृत,
बस आज ही यहाँ उठाओ, चटपट। जीवन, यह तो ठीक नहीं। और फिर यहाँ इतनी जगह कहाँ है? अमृत, वह दिल से राजी हैं। कई बेर कह चुकी हैं कि अकेले जी घबराता है। यह खबर सुनकर फूली न समाएंगी। जीवन, अच्छा अपने यहाँ तो टोह लूँ। प्राण, आप भी आदमी हैं या घनचक्कर? यहाँ टोह लूँ, वहाँ टोह लूँ। भलमानसी चाहो तो बग्घी जोत कर ले चलो। दोनों प्राणियों को यहाँ लाकर बैठा दो, नहीं तो जाव टोह लिया करो। अमृत, और क्या, ठीक तो कहते हैं, रात ज्यादा जाएगी तो फिर कुछ बनाए न बनेगी। जीवन, अच्छा जैसी आपकी मर्जी। दोनों युवक अस्तबल में गए, घोड़ा खोला और गाड़ी जोत कर ले गए। इधर अमृत राय ने आकर पूर्णा से यह समाचार कहा। वह सुनते ही प्रसन्न हो गई और इन मेहमानों के लिए खाना बनाने लगी। बाबू साहब ने सुप की मदद से दो कमरे साफ कराए, उनमें मेज, कुर्सियां और दूसरी जरूरत की चीजें रखवा दी। कोई 9 बजे होंगे कि सवारियां आ पहुंची। पूर्णा उनसे बड़े प्यार से गले मिली और थोड़ी ही देर में तीनों सखियां बुलबुल की तरह चहकने लगी। रामकली पहले जरा झिंपी, मगर पूर्णा की 2-4 बातों ने उसका हियाव भी खोल दिया। थोड़ी देर में भोजन तैयार आ गया और तीनों आदमी रसोई पर गए। इधर 4-5 बरस से अमृतराय दाल भात खाना भूल गए थे। कश्मीरी बावर्ची तरह तरह का सालना, अनेक प्रकार के मांस खिलाया करता था और यद्यपि जल्दी में पूर्णा सिवाय सादे खानों के और कुछ न बना सकी थी, मगर सबने इसकी बड़ी प्रशंसा की। जीवननाथ और प्राणनाथ दोनों कश्मीरी ही थे, मगर वह भी कहते थे कि रोटी दाल ऐसी स्वादिष्ट हमने कभी नहीं खाई। रात तो इस तरह कटी। दूसरे दिन पूर्णा ने बिल्लो से कहा कि जरा बाजार से सौदा लाओ तो आज मेहमानों को अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊं। बिल्लो ने आकर सुख से हुक्म लगाया और सुख एक टोकरा लेकर बाजार चले। वह आज कोई 30 बरस से एक ही बनिए से सौदा करते थे। बनिया एक ही चालाक था, बुल्लू को खूब दस्तूरी देता मगर सौदा रुपये में 12 आने से कभी अधिक न देता। इसी तरह इस घूरे साहू ने सब रईसों को फौसा रखा था। सुख ने उसकी दुकान पर पहुंचते ही टाकरा पटक दिया और तिपाई पर बैठकर बोला, लाव घूरे, कुछ सौदा सुलुफ तो दो मगर देरी न लगे। और हर बेर तो घूरे हंसकर सुख को तमाकू पिलाता और तुरंत उसके हुक्म की तामील करने लगता। मगर आज उसने उसको और बड़ी रुखाई से देखकर कहा, आगे जाव, हमारे यहाँ सौदा नहीं है। सुख, जरा आदमी देख के बात करो, हमें पहचानते नहीं क्या? घूरे, आगे जाव, बहुत टेटे न करो। सुख, कुछ मौंग वोंग तो नहीं खा गए क्या? अरे हम सुख हैं। घूरे, अजी तुम लाठ हो तो क्या, चलो अपना रास्ता देखो। सुख, क्या तुम जानते हो हमें दूसरी दुकान पर दस्तूरी न मिलेगी? अभी तुम्हारे सामने 2 आने रुपा लेकर दिखा देता हूँ। घूरे, तुम सीधे से जाओगे कि नहीं? दुकान से हटकर बात करो। बेचारा सुख साहू की सही रुखाई पर आश्चर्य करता हुआ दूसरी दुकान पर गया। वहाँ भी यही जवाब मिला। तीसरी दुकान पर पहुँचा, यहाँ भी वही धुतकार मिली। फिर तो उसने सारा बाजार छान डाला, मगर कहीं सौदा न मिला। किसी ने उसे दुकान पर खड़ा तक होने न दिया। आखिर झक मारकर सा मुंह लिए लौट आया और सब समाचार कहे, मगर नमक मसाले बिना कैसे काम चले? बिल्लो ने वहा, अब की मैं जाती हूँ, देखूं कैसे कोई सौदा नहीं देता। मगर वह हाथे ज्यों ही बाहर निकली कि एक आदमी उसे इधर उधर टहलता दिखाई दिया। बिल्लो को देखते ही वह उसके साथ हो लिया और जिस जिस दुकान पर बिल्लो गई वह भी परछाई की तरह साथ लगा रहा। आखिर बिल्लो भी बहुत दौड़ धूप कर हाथ झुलाते लौट आई। बेचारी पूर्णा ने हार कर सादे पकवान बनाकर धर दिए। बाबू अमृतराय ने जब देखा कि द्रोही लोग इसी तरह पीछे पड़े तो उसी दम लाला धनुषधारी लाल को तार दिया कि आप हमारे यहाँ पहुँच होशियार खिदमतगार भेज दीजिए। लाला साहब पहले ही समझे हुए थे कि बनारस में दुष्ट लोग जितना उधम मचाए थोड़ा है। तार पाते ही उन्होंने अपने अपने होटल के पहुँच नौकरों को बनारस रवाना किया, जिनमें एक कश्मीरी महाराज भी थी। दूसरे दिन यह सब आ पहुंचे। सबके सब पंजाबी थे, जो न तो बिरादरी के गुलाम थे और न जिनको टाट बाहर किए जाने का खटका था। विरोधियों ने उसके भी कान भरने चाहे, मगर कुछ दौर चला, सौदा भी लखनऊ से इतना मांगा लिया जो कई महीनों को काफी था। जब लोगों ने देखा इन शरारतों से अमृतराय को कुछ हानि पहुंची तो और ही चाल चले। उनके मुवक्किलों को बहकाना शुरू किया कि वह तो ईसाई हो गए हैं, साहबों के संग बैठकर खाते हैं, उनको किसी जानवर के मांस से विचार नहीं है, एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिया है, उनका मुंह देखना, उनसे बातचीत करना भी शास्त्र के विरुद्ध है। मुवक्किलों को बहकाना शुरू किया कि वह तो ईसाई हो गए हैं, विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिया है, उनका मुंह देखना, उनसे बातचीत करना भी शास्त्र के विरुद्ध है। मुवक्किलों में बहुधा करके देहातों के राजपूत ठाकुर और भूहार थे जो यहाता अविद्या की कालकोठरी में पड़े हुए थे या नए जमाने का चमत्कार ने उन्हें चौंधिया दिया था।
उन्होंने जब यह सब ऊटपटांग बातें सुनी तब वे बहुत बिगड़े, बहुत झल्लाए और उसी दम कसम खाई कि अब चाहे जो हो इस अधर्मी को कभी मुकदमा न देंगे। राम राम, इसको वेदशास्त्र का तनिक विचार नहीं भया कि चट एक रॉड को घर में बैठा लिया, छी छी अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ दिया। ऐसा ही था तो हिंदू के घर में काहे को जन्म लिया था, किसी चोर चंडाल के घर जन्मे होते, बाप दादे का नाम मिटा दिया। ऐसी ही बातें कोई दो सप्ताह तक उन्हें मुवक्किलों में फैली, जिसका परिणाम यह हुआ कि बाबू अमृतराय का रंग फीका पड़ने लगा। जहां मारे मुकदमों के सौस लेने का अवकाश न मिलता था, वहां अब दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की नौबत आ गई। यहां तक कि तीसरा सप्ताह कोरा बीत गया और उनको एक भी अच्छा मुकदमा न मिला। जज साहब एक बंगाली बाबू थे। अमृतराय के परिश्रम और तीव्रता, उत्साह और चपलता ने जज साहब की आंखों में उन्होंने बड़ी प्रशंसा दे रखी थी। वह अमृतराय की बढ़ती हुई वकालत को देख देख समझ गए थे कि थोड़ी ही दिनों में यह सब वकीलों का सभापति आ जाएगा। मगर जब 3 हफ्ते से उनकी सूरत न दिखाई दी तब उनको आश्चर्य हुआ। सरिश्तेदार से पूछा कि आजकल बाबू अमृतराय कहाँ हैं। सरिश्तेदार साहब जाति के मुसलमान और बड़े सच्चे साफ आदमी थे। उन्होंने सारा ब्योरा जो सुना था कह सुनाया। जज साहब सुनते ही समझ गए कि बेचारे अमृतराय सामाजिक कामों में अग्रणीय बनने का फल भोग रहे हैं। दूसरे दिन उन्होंने खुद अमृतराय को इजलास पर बुलवाया और देहाती जमींदारी के सामने उनसे बहुत देर तक इधर उधर की बातें की। अमृतराय भी हंस हंस उनकी बातों का जवाब दिया किए। इस बीच में कई वकीलों और बैरिस्टर जज साहब को दिखाने के लिए कागज पत्र लाए, मगर साहब ने किसी के ओर ध्यान नहीं दिया। जब वह चले तो साहब ने कुई उठकर हाथ मिलाया और जरा जोर से बोलो, बहुत अच्छा बाबू साहब, जैसा आप बोलता है इस मुकदमे में वैसा ही होगा। आज जब कचहरी बर्खास्त हुई तो उन जमींदारों में जिनके मुकदमे आज पेश थे यूं गलेचौर होने लगी। ठाकुर साहब पगड़ी बौंधे, मूछें खड़ी किए, मोटा सा लदवा हाथ में लिए आज जज साहब अमृतराय से खूब खूब बतियात रहे। मिश्र जीत सिर घुटाए, टीका लगाए, मुंह में तंबाकू दबाए और कंघे पर अगोछा रखे खूब बतियावत रहा, मानो को अपने मित्र से बतियावे। ठाकुर अमृतराय कस हंस हंस मुड़ी हिलावत रहा। मिश्र जी बड़े आदमियन का सब जगह आदर होत है। ठाकुर जब लो दोनों बतियात रहे तब तलुक कऊ वकील आए, बाकी साहिब को की ओर तनिक नाही ताकिन। मिश्र जी हम कहे देठ है तुम्हार मुकदमा उन्हीं के राय से चले, सुनत रहियो कि नहीं, जब अमृतराय चले लागे तो जज साहब कहें कि इस मुकदमे में वैसा ही होगा। ठाकुर सुना काहे नहीं, बाकी फिर काव करी। मिश्र जी इतना तो हम कहित है कि अस वकील पिर्दी भर में नहीं ना। ठाकुर कसबहस करत है मानो जिहवा पर सरस्वती बैठी होए, उनकर बराबरी करे या आज कोई नहीं है। मिश्र जी मुदा ईसाई हो गया, रौंड से ब्याह किया सी, ठाकुर इतने तो बीच परा है, अगर उनका वकील किए हुई तो बाजी बद के जीत जायत। इसी तरह दोनों में बातें हुई और दिया में बती पते पते दोनों अमृतराय के पास गए और उनसे मुकदमे की कुल रुयदाद बयान की। बाबू साहब ने पहले ही समझ लिया था कि इस मुकदमे में कुछ जान नहीं है, तिस पर उन्होंने मुकदमा ले लिया और दूसरे दिन इसी योग्यता से बहस की कि दूसरी ओर के वकील मुख्तियार खड़े मुंह ताकते रह गए। आखिर जीत का सेहरा भी उन्हीं के सिर रहा। जज साहब उनकी बक्तृया पर ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने हंसकर धन्यवाद दिया और हाथ मिलाया। बस अब क्या था, एक तो अमृतराय यूं ही प्रसिद्ध थे, उस पर जज साहब का यह बताव और भी सोने पर सुहागा हो गया। वह बंगले पर पहुंचकर चैन से बैठने भी न पाए थे कि मुवक्किलों के दल के दल आने लगे और 10 बजे रात तक यही ताता लगा रहा। दूसरे दिन से उनकी वकालत पहले से भी अधिक चमक उठी। द्रोहियों जब देखा कि हमारी चाल भी उल्टी पड़ी तो और भी दौत पीसने लगे। अब मुंशी बदरी प्रसाद तो थे ही नहीं कि उन्हें सीधी चालें बताते, और न ठाकुर थे कि कुछ बाहुबल का चमत्कार दिखाते। बाबू कमला प्रसाद अपने पिता के सामने ही से इन बातों से अलग हो गए थे, इसलिए दोहियों को अपना और कुछ बस न देख कर पंडित भगुदत्त का द्वार खटखटाया, उनसे कर जोड़ कर कहा कि महाराज कृपा सिंधु, अब भारत वर्ष में महा उत्पात और घोर पाप हो रहा है, अब आप ही चाहो तो उसका उद्वार हो सकता है, सिवाय आपके इस नौक को पार लगाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। महाराज अगर इस समय पूरा बल न लगाया तो फिर इस नगर के वासी कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। कृपा के परनाले और धर्म के पोखरा ने जब अपने जजमानों को ऐसी दीनता से स्तुति करते देखा तो दौत निकाल कर बोले, आप लोग जौन है तैन घबराए मत, आप देखा करें कि भरेगुदत्त क्या करते हैं। सेठ धुनीमल महाराज कुछ ऐसा यत्न कीजिए कि इस दुष्ट का सत्यानाश हो जाए, कोई नाम लेवा न बचे। कई आदमी हो महाराज, इस घड़ी तो यही चाहिए, भरेगुदत्त यही चाहिए तो यही लेना, सर्वथा नाश न कर दू तो ब्राह्मण नहीं।
आज के सातवें दिन उसका नाश हो जाएगा। सेठ जी द्वव्य जो लगे बेखट के कोठी से मैं गा लेना। भरिगुदत, इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल 500 ब्राह्मण का प्रतिदिन भोजन होगा। बाबू दीनानाथ तो कहिए तो कोई हलवाई लगा दिया जाए। राघव हलवाई पेड़े और लड्डू बहुत अच्छे बनाता है। भरिगुदत, जो पूजा में कराऊगा उसमें पेड़ा खाना वर्जित है। अधिक इमरती का सेवन हो उतना ही कार्य सिद्ध हो जाता है। इस पर पंडित जी के एक चेले ने कहा, गुरु जी, आज तो आपने न्याय का पाठ देते समय कहा था कि पेड़े के साथ दही मिला दिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं रहता। भरिगुदत हंसकर, हो हो, अब स्मरण हुआ। मनु जी ने इस श्लोक में इस बात का प्रमाण दिया है। दीनानाथ मुस्कुरा कर, महाराज, चेला तो बड़ा तीव्र है। सेठ जी, यह अपने गुरु जी से बाजी ले जाएगा। भरिगुदत, अब की इसने एक यज्ञ में 2 सेर पूरियो खाए, उस दिन से मैंने इसका नाम अंतिम परीक्षा में लिख दिया। चेला, मैं अपने मन से थोड़ा ही उठा, अगर जजमान हाथ जोड़कर उठा न देते तो अभी सेर भर और खा के उठता। दीनानाथ, क्यों न हो पटे, जैसे गुरु वैसे चेला। सेठ जी महाराज, अब हमको आज्ञा दीजिए, आज हलवाए आ जाएगा, मुनीम जी भी उसके साथ लगे रहेंगे। जो 100-200 का काम लगे मुनीम जी से फरमा देना, मगर बात तब है कि आप भी इस विषय में जान लड़ा दे। पंडित जी ने सिर का कद्दू हिलाकर कहा, इसमें आप कोई खटका न समझिए, एक सप्ताह में अगर दुष्ट का न नाश हो जाए तो भरिगुदत नहीं। अब आपको पूजन की विधि भी बता ही दूं। सुनिए, तांत्रिक विद्या में एक मंत्र ऐसा भी है जिसके जगाने से बैरी की आयु क्षीण होती है। अगर 10 आदमी प्रतिदिवस उसका पाठ करे तो आयु में दोपहर की हानि होगी। अगर 100 आदमी पाठ करे तो 10 दिन की हानि होगी। यदि 500 पाठ नित्य हो तो हर दिन 5 वर्ष आयु घटती है। सेठ जी महाराज, आपने इस घड़ी ऐसी बात कही कि हमारा चोला मस्त हो गया, मस्त हो गया। दीनानाथ कृपा सिंघु, आप धन्य हो, आप धन्य हो। बहुत से आदमी एक बार बोलो पंडित भरिगुदत जाए, बहुत से आदमी एक बार बोलो दुष्टों की छे छे। इस तरह कोलाहल मचाते हुए लोग अपने अपने घरों को लौटे। उसी दिन राघव हलवाई पंडित जी के मकान पर जा डटा। पूजा पाठ होने लगे, 500 भुक्खड़ एकत्र हो गए और दोनों जून माल उड़ाने लगे। धीरे धीरे 500 से 1000 नंबर पहुंचा। पूजा पाठ कौन करता है, सवेरे से भोजन का प्रबंध करते करते दोपहर हो जाता था और दोपहर से भंग बूटी छानते रात हो जाती थी। हौ पंडित भरिगुदत दास का नाम पूरे शहर में उजागर हो रहा था, चारों ओर उनकी बड़ाई गाई जा रही था। 7 दिन यही अधाधुंध मचा रहा। यह सब कुछ हुआ मगर बाबू अमृत राय का बाल बांका न हो सका। कहीं चमार के सरापे डागर मिलते हैं, ऐसे औख के अंधे और गट के पूरे न फंसे तो भरिगुदत जैसे गुगो को चिखौतिया कौन कराए। सेठ जी के आदमी तिल तिल पर अमृत राय के मकान पर दौड़ते थे कि देखे कुछ जंत्र मंत्र का फल हुआ कि नहीं, मगर 7 दिन के बीतने पर कुछ फल हुआ तो यही कि अमृत राय की वकालत सदा से बकर चमकी हुई थी। भाग 12। एक स्त्री के 2 पुरुष नहीं हो सकते। प्रेमा का ब्याह हुए 2 महीने से अधिक बीत चुके हैं मगर अभी तक उसकी अवस्था वही है जो कुंवरापन में थी। वह हरदम उदास और मलिन रहती है, उसका मुख पीला पड़ गया, औखें बैठे हुई, सर के बाल बिखरे। उसके दिल में अभी तक बाबू अमृत राय की मोहब्बत बनी हुई है, उनकी मूर्ति हरदम उसकी औखों के सामने नाचा करती है। वह बहुत चाहती है कि उनकी सूरत हृदय से निकाल दे मगर उसका कुछ बस नहीं चलता। यद्यपि बाबू दानाथ उससे सच्चा प्रेम रखते हैं और बड़े सुंदर हंसमुख मिलनसार मनुष्य हैं, मगर प्रेमा का दिल उनसे नहीं मिलता। वह उनसे प्रेम भाव दिखाने में कोई बात उठा नहीं रखती। जब वह मौजूद होते हैं तो वह हंसती भी हैं, बातचीत भी करती है, प्रेम भी जताती है, मगर जब वह चले जाते हैं तब उसके मुख पर फिर उदासी छा जाती है, उसकी सूरत फिर वियोगिन की सी हो जाती है। अपने मैके में उसे रोने की कोई रोक टोक न थी, जब चाहती और जब तक चाहती रोया करती थी, मगर यहाँ रा भी नहीं सकती, या रोती भी तो छिपकर। उसकी बूढ़ी सास उसे पान की तरह फेरा करती है, केवल इसलिए नहीं कि वह उसका पास और दबाव मानती है बल्कि इसलिए कि वह अपने साथ बहुत सा दहेज लाई है। उसने सारी गृहस्थी पतोहू के ऊपर छोड़ रखी है और हरदम ईश्वर से विनय किया करती है कि पोता खिलाने के दिन जल्द आए। बेचारी प्रेमा की अवस्था बहुत ही शोचनीय और करुणा के योग्य है। वह हंसती है तो उसकी हंसी में रोना मिला होता है, वह बातचीत करती है तो ऐसा जान पड़ता है कि अपने दुख की कहानी कह रही है। बनाव सिंगार से उसकी तनिक भी रुचि नहीं है, अगर कभी सास के कहने सुनने से कुछ सजावट करती भी है तो उस पर नहीं खुलता। ऐसा मालूम होता है कि इसकी कोमल गात में जो मोहिन थी वह रुट कर कहीं और चली गई। वह बहुधा अपने ही कमरे में बैठी रहती है, हाँ कभी कभी गाकर दिल बहलाती है,
मगर उसका गाना इसलिए नहीं होता कि उससे चित्त को आनंद प्राप्त हो, बल्कि वह मधुर स्वरों में विलाप और विषाद के राग गाया करती है। बाबू दाननाथ इतना तो शादी करने के पहले ही जानते थे कि प्रेमा अमृतराय पर जान देती है, मगर उन्होंने समझा था कि उसकी प्रीति साधारण होगी। जब मैं उसको ब्याह कर लाऊंगा, उससे स्नेह बढ़ाऊंगा, उस पर अपने के निछावर करूंगा, तो उसके दिल से पिछली बातें मिट जाएंगी और फिर हमारी बड़े आनंद से कटेगी। इसलिए उन्होंने एक महीने के लगभग प्रेमा के उदास और मलिन रहने की कुछ परवाह न की। मगर उनको क्या मालूम था कि स्नेह का वह पौधा जो प्रेम रस से सींच सींच कर परवान चढ़ाया गया है, महीने दो महीने में कदापि नहीं मुरझा सकता। उन्होंने दूसरे महीने भर भी इस बात पर ध्यान न दिया, मगर जब अब भी प्रेमा के मुख से उदासी की घटा फटते न दिखाई दी, तब उनको दुख होने लगा। प्रेम और ईर्ष्या का चोली दामन का साथ है। दाननाथ सच्चा प्रेम देखते थे, मगर सच्चे प्रेम के बदले में सच्चा प्रेम चाहते भी थे। एक दिन वह मालूम से सवेर मकान पर आए और प्रेमा के कमरे में गए तो देखा कि वह सर झुकाए हुए बैठी है। इनको देखते ही उसने सर उठाया और चोटौंचल से औसू पूंछ उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे आज ना मालूम क्यों लाला जी की याद आ गई थी, मैं बड़ी से रो रही हूँ। दाननाथ ने उसको देखते ही समझ लिया था कि अमृतराय के वियोग में औसू बहाए जा रहे हैं। इस पर प्रेमा ने जो यूं हवा बतलाई तो उनके बदन में आग लग गई। तीखी चितवनों से देखकर बोले, तुम्हारी औखे हैं और तुम्हारे औसू, जितना रोया जाए रो लो, मगर मेरी औखों में धूल मत झोंको। प्रेमा इस कठोर वचन को सुनकर चौंक पड़ी और बिना कुछ उत्तर दिए पति की ओर डबाई हुई औखों से ताकने लगी। दाननाथ ने फिर कहा, क्या ताकती हो प्रेमा, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ जैसा तुम समझती हो। मैंने भी आदमी देखे हैं और मैं भी आदमी पहचानता हूँ। मैं तुम्हारी एक एक बात की गौर से देखता हूँ, मगर जितना ही देखता हूँ उतना ही चित्त को दुख होता है, क्योंकि तुम्हारा बर्ताव मेरे साथ फीका है। यद्यपि तुमको यह सुनना अच्छा न मालूम होगा, मगर हार कर कहना पड़ता है कि तुमको मुझसे लेश मात्र भी प्रेम नहीं है। मैंने अब तक इस विषय में जबान खोलने का साहस नहीं किया था और ईश्वर जानता है कि तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ, मगर मोहब्बत सब कुछ सह सकती है, रुखाई नहीं सह सकती, और वह भी कैसी रुखाई जो किसी दूसरे पुरुष के वियोग में उत्पन्न हुई हो। ऐसा कौन बेहाया निर्लज आदमी होगा जो यह देखे कि उसकी पत्नी किसी दूसरे के लिए वियोगिन बनी हुई है और उसका लहू उबलने न लगे और उसके हृदय में क्रोध की ज्वाला धधक न उठे। क्या तुम नहीं जानती हो कि धर्मशास्त्र के अनुसार स्त्री अपने पति के सिवाय किसी दूसरे मनुष्य की ओर कुदृष्टि से देखने से भी पाप की भीगी हो जाती है और उसका पतिव्रत भंग हो जाता है। प्रेमा, तुम एक बहुत ऊंचे घराने की बेटी हो और जिस घराने की तुम बहू हो वह भी इस शहर में किसी से हेठा नहीं। क्या तुम्हारे लिए यह शर्म की बात नहीं है कि तुम एक बाजारों की घूमने वाली रौड़ ब्राह्मणी के तुल्य भी न समझी जाओ? और वह कौन है जिसने तुम्हारा ऐसा निरादर किया? वही अमृतराय जिसके लिए तुम ओठों पर मोती पिरोया करती हो। अगर उस दुष्ट के हृदय में तुम्हारा कुछ भी प्रेम होता तो वह तुम्हारे पिता के बार बार कहने पर भी तुमको इस तरह धता न बताता। कैसे खेद की बात है, इन्हीं आंखों ने उसे तुम्हारी तस्वीर को पैरों से रौंदते हुए देखा है। क्या तुमको मेरी बातों का विश्वास नहीं आता? क्या अमृतराय के कर्तव्य से नहीं विदित होता है कि उनको तुम्हारी रत्ती भर भी परवाह नहीं है? क्या उन्होंने डंके की चोट पर नहीं साबित कर दिया कि वह तुमको तुच्छा समझते हैं? माना कि कोई दिन ऐसा था कि वह विवाह करने की अभिलाषा रखते थे, पर अब तो वह बात नहीं रही। अब वह अमृतराय है जिसकी बदचलनी की सारे शहर में धूम मची हुई। मगर शोक और अति शोक की बात है कि तुम उसके लिए औसू बहा बहा कर अपने मेरे खानदान के माथे कालिक का टीका लगाती हो। दाननाथ मारे क्रोध के कांप रहे थे, चेहरा तमतमाया हुआ था, आंखों से चिनगारी निकल रही थी। बेचारी प्रेमा सिर नीचा किए हुए खड़ी रो रही थी, पति की एक एक बात उसके कलेजे के पार हुई जाती थी। आखिर न रहा गया, दाननाथ के पैरों पर गिर पड़ी और उन्हें गर्म गर्म औसू की बूंदों से भिगो दिया। दाननाथ ने पैर खसका लिया, प्रेमा को चारपाई पर बैठा दिया और बोले, प्रेमा रो मत, तुम्हारे रोने से मेरे दिल पर चोट लगती है। मैं तुमको रुलाना नहीं चाहता, परंतु उन बातों को कहे बिना रह भी नहीं सकता। अगर यह दिल में रह गई तो नतीजा बुरा पैदा करेगी। कान खोलकर सुनो, मैं तुमको प्राण से अधिक प्यार करता हूँ, तुमको आराम पहुँचाने के लिए हाजिर हूँ, मगर तुमको सिवाय अपने किसी दूसरे का ख्याल करते नहीं देख सकता। अब तक न जाने कैसे कैसे मैंने दिल को समझाया, मगर अब वह मेरे बस का नहीं, अब वह यह जलन नहीं सह सकता। मैं तुमको चेताए देता हूँ कि यह रोना धोना छोड़ा, यदि इस चेताने पर भी तुम मेरी बात ना मानो तो फिर मुझे दोष मत देना। बस इतना कहे देता हूँ कि स्त्री के दो पति कदापि जीते नहीं रह सकते,
यह कहते हुए बाबू दाननाथ क्रोध में भरे बाहर चले आए। बेचारी प्रेमा को ऐसा मालूम हुआ कि मानो किसी ने कलेजे में छुरी मार दी। उसको आज तक किसी ने भूलकर भी कड़ी बात नहीं सुनाई थी। उसकी भावज कभी कभी ताने दिया करती थी, मगर वह ऐसा न होते थे। वह घंटों रोती रही। इसके बाद उसने पति की सारी बातों पर विचार करना शुरू किया और उसके कानों में यह शब्द गूंजने लगे, एक स्त्री के दो पति कदापि जीते नहीं रह सकते। इनका क्या मतलब है? भाग तेरह। शोकदायक घटना। पूर्णा, रामकली और लक्ष्मी तीनों बड़े आनंद से हित मिलकर रहने लगी। उनका समय अब बातचीत हंसी दिल्लगी में कट जात, चिंता की परछाई भी न दिखाई देती। पूर्णा दो तीन महीने में निखर कर ऐसी कोमलागी हो गई थी कि पहचान न जाती थी। रामकली भी खूब रंग रूप निकाले थी। उसका निखार और यौवन पूर्णा को भी मात करता था। उसकी आंखों में अब चंचलता और मुख पर वह चपलता न थी जो पहले दिखाई देती थी, बल्कि अब वह अति सुकुमार कामिनी हो गई थी। अच्छे संग में बैठते बैठते उसकी चाल ढाल में गंभीरता और धैर्य आ गया था। अब वह गंगा स्नान और मंदिर का नाम भी लेती। अगर कभी कभी पूर्णा उसको छोड़ने के लिए पिछली बातें याद दिलाती तो वह नाक भान चढ़ा लेती, रुच जाती। मगर इन तीनों में लक्ष्मी का रूप निराला था। वह बड़े घर में पैदा हुई थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था और उसका बड़ी उत्तम रीति पर शिक्षा दी थी। उसका कोमल गत, उसकी मनोहर वाणी उसे अपनी सखिया में रानी की पदावी देती थी। वह गाने बजाने में निपुण थी और अपनी सखियों को यह गुण सिखाया करती थी। इसी तरह पूर्णा को अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने का व्यसन था। बेचारी रामकली के हाथों में यह सब गुण न थे। हाँ, वह हंसोड़ी थी और अपनी रसीली बातों से सखियों को हंसाया करती थी। एक दिन शाम को तीनों सखियां बैठी बातचीत कर रही थी कि पूर्णा ने मुस्कुराकर रामकली से पूछा, क्यों रमन, आजकल मंदिर पूजा करने नहीं जाती हो? रामकली ने झेप कर जवाब दिया, अब वहां जाने को जी नहीं चाहता। लक्ष्मी रामकली का सब वृतांत सुन चुकी थी। वह बोली, हाँ बुआ, अब तो हंसने बोलने का सामान घर ही पर ही मौजूद है। रामकली तिनकर, तुमसे कौन बोलता है, जो लगी जहर उगलने। बहन, इनको मना कर दो, ये हमारी बातों में न बोला करें, नहीं तो अभी कुछ कह बैठूंगी तो रोती फिरेंगी। पूर्णा, मत लक्ष्मी, लक्ष्मी सखी को मत छोड़ो। लक्ष्मी मुस्कुरा कर, मैंने कुछ झूठ थोड़े ही कहा था जो इनको ऐसा कड़वा मालूम हुआ। रामकली, जैसी आप है वैसी सबको समझती है। पूर्णा, लक्ष्मी तुम हमारी सखी को बहुत दिक किया करती हो, तुम्हारी बाल से वह मंदिर में जाती थी। लक्ष्मी, जब मैं कहती हूँ तो रोती काहे को है? पूर्णा, अब यह बात उनको अच्छी नहीं लगती तो तुम काहे को कहती हो? खबरदार, अब फिर मंदिर का नाम मत लेना। लक्ष्मी, अच्छा रमन, हमें एक बात दो तो हम फिर तुम्हें कभी न छेड़े। महंत जी ने मंत्र देते समय तुम्हारे कान में क्या कहा? हमारा माथा छुए जो झूठ बोले। रामकली चिटक कर, सुना लक्ष्मी, हमसे शरारत करोगी तो ठीक न होगा। मैं जितना ही तरह देती हूँ तुम उतनी ही सर चढ़ी जाती हो। पूर्णा, ऐ तो बतला क्यों नहीं देती, इसमें क्या हर्ज है? रामकली कुछ कहा होगा, तुम कौन होती हो पूछने वाली? बड़ी आई वहां से सीता बनके। पूर्णा, अच्छा भाई मत बताओ, बिगड़ती काहे को हो? लक्ष्मी, बताने की बात ही नहीं, बतला कैसे दें? रामकली, कोई बात भी हो कि यूं ही बतला दूं? पूर्णा, अच्छा यह बात जाने दो, बताओ उस तंबोली ने तुम्हें पान खिलाते समय क्या कहा था? रामकली फिर छेड़खानी की सूझी, मैं भी पते की बात कह दूंगी तो लजा जाओगी। लक्ष्मी, तुम्हें हमार कसम सखी, जरूर कहो, यह हम लोगों की बातों तो पूछ लेती है, अपनी बातें एक नहीं कहती। रामकली, क्यों सखी, कहूं? कहती हूं, बिगड़ना मत। पूर्णा, कहो, सोच को औंच क्या? रामकली, उस दिन घाट पर तुमने किस छाती से लिपटा लिया था? पूर्णा, तुम्हारा सर। लक्ष्मी, समझ गई, बाबू अमृत राय होंगे। क्यों है न? यह तीनों सखियां इसी तरह हंस बोल रही थी कि एक बूढ़ी औरत ने आकर पूर्णा को आशीर्वाद दिया और उसके हाथ में एक खत रख दिया। पूर्णा ने अक्षर पहचाने, प्रेमा का पत्र था। उसमें यह लिखा था, प्यारी पूर्णा, तुमसे भेंट करने को बहुत जी चाहता है, मगर यहाँ घर से बाहर पौर निकालने की मजाल नहीं, इसलिए यह खत लिखती हूँ। मुझे तुमसे एक अति आवश्यक बात करनी है जो पत्र में नहीं लिख सकती हूँ। अगर तुम बिल्लो को इस पत्र का जवाब देकर भेजो तो जवानी कह दूंगी। देखा, देर मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। 8 बजे के पहले बिल्लो यहाँ अवश्य आ जाए। तुम्हारी सखी प्रेमा। पत्र पढ़ते ही पूर्णा का चित व्याकुल हो गया, चेहरे का रंग उड़ गया और अनेक प्रकार की शंकाएं लगी। या नारायण, अब क्या होने वाला है? लिखती है, देखो देर मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। क्या बात है, अभी तक वह कचहरी से नहीं लौटे, रोज तो अब तक आ जाया करते थे।
इनकी यही बात तो हमको अच्छी नहीं लगती। लक्ष्मी और रामकली ने जब उसको ऐसा व्याकुल देखा तो घबरा कर बोली, क्या बहन, कुशल तो है? इस पत्र में क्या लिखा है? पूर्णा, क्या बताऊं क्या लिखा है? रामकली, तुम जरा कमरे में जाके झोंको तो आए या नहीं अभी? रामकली ने आकर कहा, अभी नहीं आए। लक्ष्मी, अभी कैसे आएंगे? आज तो 3 आदमी व्याख्यान देने गए हैं। इसी घबराहट में 8 बजा पूर्णा ने प्रेमा के पत्र का जवाब लिखा और बिल्लो को देकर प्रेमा को घर भेज दिया। आधा घंटा भी न बीता था कि बिल्लो लौट आई, रंग उड़ा हुआ, बदहवास और घबराई हुई। पूर्णा ने उसे देखते ही घबराकर पूछा, कहो बिल्लो, कुशल कहो। बिल्लो, माथा ठोंक कर क्या कहूँ, बहू कहते नहीं बनता, ना जाने अभी क्या होने वाला है। पूर्णा, क्या कहा? कुछ चिट्ठी पत्री तो नहीं दिया? बिल्लो, चिट्ठी कहाँ से देती, हमको अंदर बुलाते डरती थी। देखते ही रोने लगी और कहा, बिल्लो मैं क्या करूँ, मेरा जी यहाँ बिल्कुल नहीं लगता, मैं पिछली बातें याद करके रोया करती हूँ। वह दानाथ कभी जब मुझे रोते देख लेते हैं तो बहुत चिल्लाते हैं। एक दिन मुझे बहुत जली कटी सुनाए और चलते समय धमकाकर कहा, एक औरत के 2 चाहने वाले कदापि जीते नहीं रह सकते। यह कहकर बिल्लो चुप हो गई। पूर्णा के समझ में पूरी बात ना आई। उसने कहा, चुप क्यों हो गई, जल्दी कहो, मेरा दम रुका हुआ है। बिल्लो, इतना कहकर वह रोने लगी। फिर मुझको नजदीक बुला के कान में कहा, बिल्लो उसी दिन से मैं उनके तेवर बदले हुए देखती हूँ। वह 3 आदमियों के साथ लेकर रोज शाम को न जाने कहाँ जाते हैं। आज मैंने छिपकर उनकी बातचीत सुन ली। 12 बजे रात को जब अमृतराय पर चोट करने की सलाह हुई है, जब से मैंने यह सुना है हाथों के तोते उड़े हुए हैं। मुझे भागिनी के कारण न जाने कौन कौन दुख उठाएगा। बिल्लो की जबानी यह बातें सुनकर पूर्णा के पैर तले से मिट्टी निकल गई। दनानाथ की तस्वीर भयानक रूप धारण किए उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। वह उसी दम दौड़ती हुई बैठक में पहुंची। बाबू अमृतराय का वहां पता न था। उसने अपना माथा ठोंक बिल्लो से कहा, तुम जाकर आदमियों कह दो फाटक पर खड़े हो जाए, और खुद उसी जगह एक कुर्सी पर बैठकर गुनने लगी कि अब उनको कैसे खबर करूं कि इतने में गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनाई दी। पूर्णा का दिल बड़े जोर से धड़ धड़ करने लगा। वह लपक कर दरवाजे पर आई और कौपती हुई आवाज से पुकार बोली, इतनी देर कहाँ लगाए, जल्दी आते क्यों नहीं? अमृतराय जल्दी से उतरे और कमरे के अंदर कदम रखते ही पूर्णा इससे लिपट गई, मानो उन्हें किसी के वार से बचा रही है, और बोली, इतनी जल्दी क्यों आए, अभी तो बहुत सवेरा है। अमृतराय प्यारी, क्षमा करो, आज जरा देर हो गई। पूर्णा, चलिए रहने दीजिए, आप तो जाकर सैर सपाटे करते हैं, यहाँ दूसरों की जान हलकान होती है। अमृतराय क्या बताएं, आज बात ऐसी आ पड़ी कि रुकना पड़ा, आज माफ करो, फिर ऐसी देर ना होगी। यह कहकर वह कपड़े उतारने लगे, मगर पूर्णा वही खड़ी रही जैसे कोई चौंकी हुई हरिणी। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ लगी थी। अचानक उसको किसी मनुष्य की परछाई दरवाजे के सामने दिखाई पड़ी और वह बिजली की राह चमक कर दरवाजा रोक कर खड़ी हो गई। देखा तो कहार था, जूता खोलने आ रहा था। बाबू साहब ने ध्यान से देखा तो पूर्णा कुछ घबराई हुई दिखाई दी। बोले, प्यारी आज तुम कुछ घबराई हुई हो, पूर्णा सामने वाला दरवाजा बंद करा दो, अमृतराय गर्मी हो रही है, हवा रुक जाएगी, पूर्णा यहाँ न बैठने दूंगी, ऊपर चलो। अमृतराय क्यों, बात क्या है, डरने की कोई वजह नहीं, पूर्णा मेरा जी यहाँ नहीं लगता, ऊपर चलो, वहाँ चौधनी में खूब ठंडी हवा आ रही होगी। अमृतराय मन में बहुत सी बातें सोचते सोचते पूर्णा के साथ कोठे पर गए। खुली हुई छत थी, कुर्सियां धरी हुई थी। 9 बजे रात का समय, चैत्र के दिन, चौधनी खूब छिटकी हुई, मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। बगीचे के हरे भरे वृक्ष धीरे धीरे झूम झूम कर अति शुभायमान हो रहे थे। जान पड़ता था कि आकाश ने उसकी पतली हल्की चादर सब चीजों पर डाल दी है। दूर दूर के धुंधले धुंधले पेड़ ऐसे मनोहर मालूम होते हैं मानो वह देवताओं के रमण करने के स्थान हैं, या वह उस तपोवन के वृक्ष हैं जिनकी छाया में शकुंतला और उसकी सखियां भ्रमण किया करती थीं और जहां उस सुंदरी ने अपने जान के आधार राजा दुष्यंत को कमल के पत्ते पर प्रेम पाती लिखी थी। पूर्णा और अमृतराय कुर्सिया पर बैठ गए। ऐसे सुखदाय एकांत में चंद्रमा की किरणों ने उनके दिलों पर आक्रमण करना शुरू किया। अमृतराय ने पूर्णा के रसीले अधर चूमकर कहा, आज कैसी सुहावनी चांदनी है। पूर्णा, मेरी जी इस घड़ी चाहत है कि मैं चिड़िया होती। अमृतराय, तो क्या करती? पूर्णा, तो उड़कर उन दूर वाले पेड़ों पर जा बैठती। अमृतराय, आहा हा, देखा लक्ष्मी कैसा अलाप रही है। पूर्णा, लक्ष्मी का सा गाना मैंने कहीं नहीं सुना, कोयला की तरह कुकती है। सुनो कौन गीत है, सुना मोरी सुधी जनी बिसरहो महाराज।
अमृतराय जी चाहता है उसे यहीं बुला लूं। पूर्णा नहीं, यहाँ गाते ल जाएगी। सुनो, इतनी विनय में तुमसे करत हो दिन दिन स्नेह बढ़े महाराज। अमृतराय हाय जी बेचैन हुआ जाता है। पूर्णा जैसे कोई कलेजे में बैठा चुटकियां ले रहा हो। कान लगाओ, कुछ सुना, कहती है। मैं मधुमाती अर्ज करत हूँ नित दिन पत्तिया पठयो महाराज। अमृतराय कोई प्रेम रस की माती अपने सजन से कह रही है। पूर्णा कहती है नित दिन पत्तिया पठयो महाराज, हाय बेचारी प्रेम में डूबी हुई है। अमृतराय चुप हो गई। अब वह सन्नाटा कैसा मनोहर मालूम होता है। पूर्णा प्रेमा भी बहुत अच्छा गाती थी, मगर नहीं, प्रेमा का नाम जबान पर आते ही पूर्णा यकायक चौंक पड़ी और अमृतराय के गले में हाथ डालकर बोली, क्यों प्यारे, तुम उन गड़बड़ी के दिनों में हमारे घर जाते थे तो अपने साथ क्या ले जाया करते थे। अमृतराय आश्चर्य से, क्यों, किस लिए पूछती हो। पूर्णा यूं ही ध्यान आ गया। अमृतराय अंग्रेजी तमंचा था, उसे पिस्तौला कहते हैं। पूर्णा भला किसी आदमी के पिस्तौल की गोली लगे तो क्या हो। अमृतराय तुरंत मर जाए। पूर्णा मैं चलाना सीखूं तो आ जाए। अमृतराय तुम पिस्तौल चलाना सीखकर क्या करोगी। मुस्कुराकर, क्या नैनों की कटारी कुछ कम है। इस दम यही जी चाहता है कि तुमको कलेजा में रख लूं। पूर्णा हाथ जोड़कर, मेरी तुमसे यही विनय है मेरा सुधी जनी बिसरहो महाराज। यह कहते कहते पूर्णा की आंखों में नीर भर आया। अमृतराय भी गदगद स्वर हो गए और उसको खूब भींच भींच प्यार किया। इतने में बिल्लो ने आकर कहा, चलिए रसोई तैयार है। अमृतराय तो उधर भोजन पाने गए और पूर्णा ने इनकी अलमारी खोलकर पिस्तौल निकाल ली और उसे उलट पुलट कर गौर से देखने लगी। जब अमृतराय अपने दोनों मित्रों के साथ भोजन पाकर लौटे और पूर्णा को पिस्तौल लिए देखा तो जीवननाथ ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों भाभी, आज किसका शिकार होगा। पूर्णा इसे कैसे छोड़ते हैं, मेरे तो समझ ही में नहीं आत। जीवननाथ लाओ मैं बता दूं। यह कहकर जीवननाथ ने पिस्तौल हाथ में ली, उसमें गोली भरी और बरामदे में आए और एक पेड़ के तने में निशान लगा कर दो तीन फायर किए। अब पूर्णा ने पिस्तौल हाथ में ली, गोली भरी और निशाना लगाकर दागा, मगर ठीक न पड़ा। दूसरा फायर फिर किया, अब की निशाना ठीक बैठा। तीसरा फायर किया, वह भी ठीक। पिस्तौल रख दी और मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। अमृतराय ने पिस्तौल उठा लिया और जीवननाथ से बोले, कुछ समझ में नहीं आता कि आज इनको पिस्तौल की धुन क्यों सवार है। जीवननाथ पिस्तौल रखा देख के छोड़ने की जी चाहा होगा। अमृतराय, नहीं, आज जब से मैं आया हूँ कुछ घबरा हुआ देख रहा हूँ। जीवननाथ, आपने कुछ पूछा नहीं। अमृतराय, पूछा तो बहुत, मगर जब कुछ बतलाए भी मुँह हाँ करके टाल गई। जीवननाथ, किसी किताब में पिस्तौल की लड़ाई पड़ी होगी। और क्या प्राणनाथ, यही मैं भी समझता हूँ। जीवननाथ, सिवाय इसके और हो ही क्या सकता है। कुछ देर तक तीनों आदमी बैठे गपशप करते रहे। जब 10 बजने को आए तो लोग अपने अपने कमरों में विश्राम करने चले गए। बाबू साहब भी लेटे, दिन भर के थके थे, अखबार पढ़ते पढ़ते सो गए। मगर बेचारी पूर्णा की आंखों में नींद कहाँ, वह 12 बजे तक एक कहानी पढ़ती रही। जब तमाम सोता पड़ गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया तो उसे अकेले डर मालूम होने लगा। डरते ही डरते उठी और चारों तरफ के दरवाजे बंद कर लिए। मगर जवनी की नींद बहुत रोकने पर भी एक झपकिया ही गई। आधी घड़ी भी न बीती थी कि भय में सोने के कारण उसे एक अति भयंकर स्वप्न दिखाई दिया। चौंककर उठ बैठी, हाथ पांव थर थर कांपने लगे, दिल में धड़कन होने लगी। पति का हाथ पकड़कर चाहती थी कि जगा दें, मगर फिर यह समझकर कि इनकी प्यारी नींद उचट जाएगी तो तकलीफ होगी, उनका हाथ छोड़ दिया। अब इस समय उसकी जो अवस्था है वर्णन नहीं की जा सकती। चेहरा पीला हो रहा है, डरी हुई निगाहों से इधर उधर ताक रही है, पत्ता भी खड़खड़ाता है ता चौंक पड़ती हैं। कभी अमृतराय के सिरहाने खड़ी होती है, कभी पैताने। लैंप की धुंधली रोशनी में वह सन्नाटा और भी भयानक मालूम हो रहा है। तस्वीरें जो दीवारों से लटक रही है इस समय उसको घूरते हुए मालूम होती है। उसके सब रोंगटे खड़े हैं, पिस्तौल हाथ में लिए घबरा घबरा कर घड़ी की तरफ देख रही हैं। यकायक उसको ऐसा मालूम हुआ कि कमरे की छत दबी जाती है। फिर घड़ी की सुइयों को देखा, 1 बज गया था। इतने ही में उसको कई आदमियों के पांव की आहट मालूम हुई। कलेजा बौंसों उछालने लगा। उसने पिस्तौल संभाली, यह समझ गई कि जिन लोगों के आने का खटका था वह आ गए। तब भी उसको विश्वास था कि इस बंद कमरे में कोई ना आ सकेगा। वह कान लगाए पैरों की आहट ले रही थी कि अकस्मात दरवाजे पर बड़े जोर से धक्का लगा और जब तक वह बाबू अमृतराय को जगाए कि मजबूत किवाड़ आप ही आप खुल गए और कई आदमी धड़धड़ाते हुए अंदा घुस आए। पूर्णा ने पिस्तौल सर की, तड़ाके की आवाज हुई, कोई धम से गिर पड़ा। फिर कुछ खटखट होने लगा।
दो आवाजें पिस्तौल के छुटने की ओर हुई, फिर धमाका हुआ। इतने में बाबू अमृतराय चिल्लाए, दौड़ो दौड़ो चोर चोर। इस आवाज के सुनते ही दो आदमी उनकी तरफ लपके, मगर इतने में दरवाजे पर लालटेन की रोशनी नजर आई और प्राणानाथ और जीवननाथ हाथों में सोटे लिए आ पहुंचे। चोर भागने लगे, मगर दो के दोनों पकड़ लिए गए। जब लालटेने लेकर जमीन पर देखा तो दो लाशें दिखाई दी, एक तो पूर्णा की लाश थी और दूसरी एक मर्द की। यकायक प्राणनाथ ने चिल्ला कर कहा, अरे यह तो बाबू दाननाथ हैं। बाबू अमृतराय ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, आज जब मैंने उसके हाथ में पिस्तौल देखा तभी से दिल में एक खटका सा लगा हुआ था, मगर हाय क्या जानता था कि ऐसी आपत्ति आने वाली है। प्राणनाथ दाननाथ तो आपके मित्रों में थे, अमृतराय मित्रों में जब थे तब थे, अब तो शत्रु है। पूर्णा को दुनिया से उठे दो वर्ष बीत गया है, सौंझ का समय है, शीतल सुगंधित चित को हर्ष देने वाली हवा चल रही है, सूर्य की विदा होने वाली किरणें खिड़की से बाबू अमृतराय के सजे हुए कमरे में जाती हैं और पूर्णा के पूरे कद की तस्वीर के पैरों को चूम चूम कर चली जाती हैं। उनकी लाली से सारा कमरा सुनहरा हो रहा है। रामकली और लक्ष्मी के मुखड़े इस समय मारे आनंद के गुलाब की तरह खिले हुए हैं। दोनों गहने पाते से लौस हैं और जब वह खिड़की से भर निकालती हैं और सुनहरी किरणें उनके गुलाब से मुखड़ों पर पड़ती है तो जान पड़ता है कि सूर्य आप बलया ले रहा है। वह रह रहकर ऐसी चितवनों से ताकती हैं, से ताकती हैं जैसी किसी की रही हैं। यकायक रामकली ने खुश होकर कहा, सुखी वह देखो आ गए, उनके कपड़े कैसे सुंदर मालूम देते हैं। एक अति सुंदर फिटन चमचम करती हुई फाटक के अंदर दाखिल होती है और बंगले के बरामदे में आकर रुकती है। बाबू अमृतराय उसमें से उतरते हैं, मगर अकेले नहीं, उनका एक हाथ प्रेमा के हाथ में है। यद्यपि बाबू साहब का सुंदर चेहरा कुछ पीला हो रहा है, मगर होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट झलक रही है और माथे पर केशर का टीका और गले में खूबसूरत हार और शोभा बढ़ा रहे हैं। प्रेमा सुंदरता की मूरत और जवानी की तस्वीर हो रही है। जब हमने उसको पिछली बार देखा था तो चिंता और दुर्बलता के चिन्ह मुखड़े से पाए जाते थे, मगर कुछ और ही यौवन है। मुखड़ा कुंदन के समान दमक रहा है, बदन गदराया हुआ है, बोटी बोटी नाच रही है। उसकी चंचलता देखकर आश्चर्य होता है कि क्या वही पीली मुंह और उलझे बाल वाली रोगिन है। उसकी आंखों में इस समय एक घड़े का नशा समाया हुआ है। गुलाबी जमीन की हरे किनारे वाली साड़ी और उदय रंग की कलोइयों पर चुनी हुई जैकेट उस पर खिल रही है। उस पर गोरी गारी कलाइयों में जड़ाव कड़े बालों में गुंथे हुए गुलाब के फूल, माथे पर लाल रोरी की गोल बिंदी और पाँव में जरदोज के काम के सुंदर में सुहागा हो रहे हैं। इस ढके सिंगार से बाबू साहब को विशेष करके लगाव है, क्योंकि पूर्णा देवी की तस्वीर भी ऐसी ही कपड़े पहने दिखाई देती है और उसे देखकर कोई मुश्किल से कह सकता है कि प्रेमा ही की सूरत आईने में उत्तर कर ऐसा यौवन नहीं दिखा रही है। अमृतराय ने प्रेमा को एक मखमली कुर्सी पर बिठा दिया और मुस्कुरा कर बोले, प्यारी प्रेमा आज मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन है। प्रेमा ने पूर्णा की तस्वीर की तरफ मलिन चितवनों से देखकर कहा, हमारी जिंदगी का क्यों नहीं कहते। प्रेमा ने यह कहा था कि उसकी नजर एक लाल चीज पर जा पड़ी जो पूर्णा की तस्वीर के नीचे एक खूबसूरत दीवारगीर पर धरी हुई थी। उसने लपक कर उसे उठा लिया और ऊपर का रेशमी गिलाफ हटाकर देखा तो पिस्तौल था। बाबू अमृतराय ने गिरी हुई आवाज में कहा, यह प्यारी पूर्णा की निशानी है, इसी से उसने मेरी जान बचाई थी। यह कहते कहते उनकी आवाज कांपने लगी। प्रेमा ने यह सुनकर उस पिस्तौला को चूम लिया और फिर बड़ी लिहाज के साथ उसी जगह पर रख दिया। इतने में दूसरी फिटन दाखिल होती है और उसमें से तीन युवक हंसते हुए उतरते हैं। तीनों का हम पहचानते हैं, एक तो बाबू जीवननाथ हैं, दूसरे बाबू प्राणनाथ और तीसरे प्रेमा के भाई बाबू कमला प्रसाद हैं। कमला प्रसाद को देखते ही प्रेमा कुर्सी से उठ खड़ी हुई, जल्दी से घूंघट निकाल कर सिर झुका लिया। कमला प्रसाद ने बहन को मुस्कुरा कर छाती से लगा लिया और बोले, मैं तुमको सच्चे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। दोनों युवकों ने गुल मचा कर कहा, जलसा कराइए जलसा, यो पीछा न छूटेगा।